जो भी ओवरव्यू होता है सर्वर के इस कोर्स का वो लेने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके सामने ये कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन की हमारा जो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहना कोई इसमें बुरी बात नहीं है, बिकॉज हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही काम करते हैं। ये एक तरीके का डेटा सेंटर, एक तरीके का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम NOS यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे किस तरीके से हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कहाँ से जाके इसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये सब देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जिसे हम ADDS भी कहते हैं, और इसमें आपके कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे इसमें आपका DC क्या होता है, फिर DC के बाद यहाँ पे आपका ADC क्या होता है, ADC के बाद RODC क्या होता है, RODC के बाद इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे हैं इसमें। फिर आपका चाइल्ड डोमेन होता है, फिर उसमें आपका फॉरेस्ट होता है, उसमें आपके ट्रीज होती है, वो सब क्या होते हैं ये सब हम जानेंगे, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स, जो हमारे डोमेन सर्विसेज हैं, इसमें हमारे रोल्स और फीचर्स होते हैं। तो रोल्स और फीचर्स कैसे कैसे हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो रोल्स और फीचर्स भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो रोल्स फीचर्स भी देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कन्फिगर करेंगे अपना डोमेन कंट्रोलर यानी DC। तो DC कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम देखने वाले हैं, ये हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की मदद से ही करते हैं। तो पूरा का पूरा DC का प्रैक्टिकल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। DC के प्रैक्टिकल के बाद यहाँ पे हम यूजर्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यूजर्स को ग्रुप में किस तरीके से डालते हैं, और फिर उन्हें ज्वाइन कराते हैं, डोमेन किस तरीके से कराते हैं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम DNS तो ऑलरेडी हमारा बन जाता है अब तक, तो DNS तो आपका यहाँ पे पहले से ऑटोमेटिकली बन गया होता है। तो DNS और DHCP किस तरीके से कॉन्फ़िगर करा जाता है, फिर वो पूरा का पूरा प्रोसेस DHCP के थ्रू कॉन्फ़िगर करके जानेंगे। दूसरी मशीन्स, जो क्लाइंट मशीन होंगी, जो यूजर्स वाली मशीन होगी, उनमें हम ऑटोमेटिकली DHCP से IP किस तरीके से देंगे अपने सर्वर से, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद इंस्टॉलिंग, अपग्रेडिंग एंड माइग्रेटिंग सर्वर एंड वर्कलोड का एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू देखेंगे, किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से अपग्रेड करते हैं, किस तरीके से माइग्रेशन करते हैं, तो तीनों चीज हम यहाँ पे देख लेंगे वर्कलोड की। फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टोरेज स्पेसेस को, डाटा डुप्लीकेशंस, इन दोनों चीजों को। तो स्टोरेज स्पेस किस तरीके से पूल करे जाते हैं, डाटा डुप्लीकेशन किस तरीके से करा जाता है, ये सब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। फिर फ्लेल ओवर क्लस्टरिंग जो होती है, वो किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से क्या परफॉर्म होता है, किस तरीके से वर्क होता है, ये सब हम यहाँ पे फेल ओवर क्लस्टरिंग के ऊपर एक ओवरव्यू लेंगे। फिर यहाँ पे NLB जिसे कहते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, ये सब हम यहाँ पे NLB यानी नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के बारे में देखने वाले हैं। फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे आज का, वो होगा क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डिप्लॉयमेंट इमेजेस, जो कि ISO फॉर्मेट्स में होंगी, और किस तरीके से हम उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें क्रिएट करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस जानेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे नेटवर्क में बूट कराते हैं, ये सब हम पूरा आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये 10 टॉपिक हैं, और मिनिमम से मिनिमम मैंने इनमें बहुत ही जल्दी जल्दी से ओवरव्यू दिया है, आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। तो गाइस ये MCSE का पूरा कोर्स नहीं है, ये आपको बस उसका एक हिंट है, उसका एक छोटा ओवरव्यू है, कि अगर आपको इस वाले कोर्स को करना है तो इस वीडियो को पहले एक बार देख लो, ताकि अच्छे से कंफर्मेशन हो जाए आपका कि हाँ भाई आप इस चीज में कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो इसकी प्लेलिस्ट मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का एक अच्छा प्रोफेशनल यहाँ पे लेवल अचीव करना चाहते हो सर्वर में एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये आपका सबसे बेसिक स्टेप होता है। तो ये वाली वीडियो इसी पर बेस्ड है, पूरे इन टॉपिक्स के साथ हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इसका पूरा कोर्स आएगा, उसमें आपकी बहुत सारे टॉपिक्स और होंगे, बहुत सारी डीप से उसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। अभी के लिए आप इतने टॉपिक्स को एक अच्छे ओवरव्यू के साथ समझने वाले हो, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन टू विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन जानेंगे कि विंडोज का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो MCSE है, वो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोफेशनल कोर्स है, वो होता है MCSE की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट यानी MCSE। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाने वाला प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, जिसमें आपको नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, कि किस तरीके से आप एक सर्वर में एडमिन बन सकते हो, किस तरीके से आप जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी यूजर हैं आपके नेटवर्क में, उन्हें मैनेज कर सकते हो, उन्हें पॉलिसीज लगा सकते हो, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, उन पे आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। तो ये सब कैसे करोगे आप, ये सब आप इसी सर्टिफिकेशन के अंदर जानते हैं। तो इसका जो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन अभी चल रहा है, वो चल रहा है MCSE का विंडोज सर्वर 2016 का, इसी में आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। इससे प्रीवियस भी आते हैं 2012, 2008,
लेकिन अभी इसका सबसे लेटेस्ट है 2016, लेकिन हाल ही में अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था 2019 का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो सर्टिफिकेशन है अभी रिलीज नहीं हुआ है, फ्यूचर में हो जाएगा, तो हम फ्यूचर बेस से अपने आप को परफेक्ट अभी से करके चल रहे हैं, इसीलिए हम अभी 2016 की ट्रेनिंग 2019 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में करेंगे। तो इसका जो लेटेस्ट एग्जाम कोड है वो है 7740, 7741, 7742, ये तीनों के तीनों एग्जाम कोड है जो कि तीन बेसिक लेवल में आपको एग्जाम देके लेने होते हैं। तो इसमें आपका विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, विंडोज के जितने भी सिस्टम होते हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करा जाता है, किस तरीके से एक इंटरमीडिएटरी एडमिन बना के किस तरीके से आप पूरा नेटवर्क मैनेज करते हो, पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग है वो आपको इस कोर्स में मिल जाती है। तो गाइज यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है एमसीएसई के सर्टिफिकेशन से, तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्राइटेरिया की जॉब आपको यहाँ पे ऑफर होती है, जस्ट लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैंने आपको बताया, नेटवर्क में अगर आप एडमिन बनना चाहते हो तो बहुत ही बेटर कोर्स है ये आपके लिए, क्योंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे नेटवर्किंग की स्किल्स आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, एडमिन होता है जो कि मैनेज करता है, जो कि परमिशन देता है, जो कि पूरा हेड होता है पूरे नेटवर्क का, वही मैनेज करता है किस तरीके से कौन यूजर क्या कर सकता है, क्या परमिशन होती हैं, क्या पॉलिसीज होती हैं। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब यहाँ से आपकी बहुत ही आसानी से लग जाएगी अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। तो क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, क्लाउड आर्किटेक्ट जो होता है आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं क्लाउड से रिलेटेड, तब भी वहां पे आपका नेटवर्क से रिलेटेड सारा काम होता है, वहां पे भी सर्वर्स होते हैं, तो वहां पे भी आप लग सकते हो। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आप लग सकते हो, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर में लग सकते हो, सर्वर मैनेजर में आप लग सकते हो, और सीनियर सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसमें आप जा सकते हो, नेटवर्क इंजीनियर आप बन सकते हो, नेटवर्क कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया की आपकी जॉब होती है, आप इनमें देख सकते हो कि पर्टिकुलर कोई जॉब में कितना काम करना होता है, कितनी स्किल्स आनी चाहिए। आपको सिंपल गूगल में इसी पर्टिकुलर प्रोफाइल का नाम डाल देना और आपको वहां पे दिख जाएगा कि क्या सिलेबस होगा, कितना आपको वहां पे अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर सैलरी पैकेजेस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका यूएसए से रिलेटेड है, यूएसए में कितना यहाँ पे पैकेज चलता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर होता है जिसे हम आईटी मैनेजर कहते हैं, उसकी यहाँ पे सैलरी पैकेज होता है $76,000 के आसपास, जो कि इंडियन करेंसी में आप कैलकुलेट कर सकते हो, 76,000 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 75 के साथ, आपका INR में आपकी अमाउंट निकल के आ जाएगी पर एनम यानी पर ईयर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की कितनी होती है, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की कितनी होती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टर की कितनी होती है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की कितनी होती है, तो ये सब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लिस्ट है जितने आपको जॉब टाइटल के हिसाब से आपका सैलरी का डाटा दिखा रखा है। तो यहाँ पे आपका जो एमसीएसई सर्टिफिकेशन है उसकी कॉस्ट क्या आती है, अगर आप इंडिया में हो, आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप ट्रेनिंग ले चुके हो, आपको बस उसका एग्जाम देके सर्टिफिकेशन लेना है माइक्रोसॉफ्ट से, तो आपको यहाँ पे कितनी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जामिनी इन इंडिया मोस्ट ऑफ एमसीएसई सर्टिफिकेशन एग्जाम कॉस्ट 4800 INR पर एग्जाम, सिंस एमसीएसई सर्टिफिकेशन रिक्वायर पासिंग 3 एग्जाम। अब यहाँ पे आपको एमसीएसई का सर्टिफिकेशन पाने के लिए तीनों एग्जाम निकालने पड़ेंगे, 740, 741, 742। तो 740 में आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप 740 करते हो सबसे पहले, तो वहां पे आपको इंस्टॉलेशन स्टोरेज कंप्यूट विंडोज सर्वर 2016, तो जितनी भी इंस्टॉलेशन होती है, स्टोरेज पूल होता है, कंप्यूटिंग होती है, वो सब आपको इस वाले सर्टिफिकेशन में सिखाया जाता है, जिसकी कॉस्ट आपको सीखने के बाद सर्टिफिकेशन लेने की पड़ेगी 4800 रुपीज। इसके बाद 741 में आपको यहाँ पे नेटवर्किंग और विंडोज सर्वर इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो आप करके इस एग्जाम को दे सकते हो, और इसकी भी कॉस्ट आपके 4800 रुपीज लगेगी। फिर 742 में आपको आइडेंटिटी से रिलेटेड सारा सर्वर आना चाहिए, इसके बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हो, पास आउट हो गए तो आपको यहाँ पे 4800 रुपीज इसमें भी लगेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 48 + 48 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दे 48 का, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाता है 1 लाख कह रहा हूँ 14,400 रुपीज के आसपास हमें कॉस्ट लगेगी, और हमें यहाँ पे एमसीएसए का माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा, जिसकी मदद से हम किसी भी अच्छी ब्रांड में जॉब कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रोफाइल में, जो कि मैंने प्रीवियस बता दी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड आर्किटेक्ट, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क कोऑर्डिनेटर, बहुत सारी होती है, तो मैंने आपको बता दी। तो ये है आपके सर्टिफिकेशन का थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन। तो गाइज यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल विंडोज सर्वर, तो कहां से डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, यहां से अब हम जानना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको नेटवर्क का ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से डाउनलोड करना है। आपको गूगल क्रोम पे जाना है, सिंपली यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना है, तो मेरा यहाँ गूगल ओपन हो चुका है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है विंडोज सर्वर
और जो भी सर्वर आपको डाउनलोड करना है जस्ट मेरे को 2019 करना है तो मैं 2019 ISO लिखूंगा। ISO लिखते ही मेरे पास यहाँ पे microsoft.com की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आपका अगर आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, तो यहाँ से डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम बाद रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकती है, तो आप यहाँ से भी ISO इसका डाउनलोड कर सकते हो। देखो ISO मेरे को देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे मेरे को डिटेल्स फिल करनी है, कंटिन्यू करूंगा आगे मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड ये ना करके दूसरी वाली वेबसाइट रिकवर करता हूँ, तो यहाँ पे रिकमेंड में ये वाली ISOriver.com वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इस पर जाएं और यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट इमेजेस इसकी देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है 2019 स्टैंडर्ड डाटा सेंटर वाला, आप जस्ट इस पर क्लिक कर दें तो जैसे ही मैंने स्टार्ट डाउनलोडिंग को क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ISO इमेज फाइल डाउनलोड हो रही है, 4.6 GB की है। तो फटाफट से मैं इसे डाउनलोड होने देता हूँ, काफी ज्यादा टाइम लगेगा तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो गाइस मेरी जो इमेज फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे अपने जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं VMware वर्कस्टेशन का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और VMware वर्कस्टेशन में मैं यहाँ पे अपनी एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा जिसमें मैं उसे अपने विंडोज के सर्वर को इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक विंडोज 10 की मशीन बना रखी है, आप देख सकते हो 2 GB रैम 25 GB हार्ड ड्राइव इसमें दे रखी है। तो हम यहाँ पे एक नई हम वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं, तो मैं जस्ट इसमें होम पे जाता हूँ, होम पे जाके तो मैं होम पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा, रिकमेंडेड को नेक्स्ट कर दूंगा, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर नेक्स्ट, और यहाँ विंडोज सर्वर है तो विंडोज में हमें यहाँ पे सर्वर सिलेक्ट करना है 2016 लेटेस्ट है, तो आप 2016 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में 2016 हमें देखने को मिल रहा है, ये रहा, इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नाम दे सकते हो, नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हार्ड ड्राइव स्पेस दे सकते हैं, तो मैं 25 GB दे रहा हूँ, आप ज्यादा दे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली 2 GB रैम ले लिया इसने। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज पे क्लिक करके आप यहाँ पे रैम को ज्यादा कम भी कर सकते हो, 2 GB से ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, यहाँ पे MB में भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, फिनिश पे क्लिक करने के बाद मेरी एक वर्चुअल मशीन यहाँ बन चुकी है। एडिट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा, इसके बाद ऑप्शंस पे जाऊंगा, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ UEFI सिलेक्ट होगा, आप BIOS को सिलेक्ट कर लो, ओके कर लो, ओके करने के बाद दोबारा एडिट वर्चुअल मशीन पे जाओ। इसके बाद यहाँ पे आपको CD/DVD सेटअप पे जाना है, यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा के यूज ISO इमेज करना है, ब्राउज करना है, ब्राउज करने के बाद जहां पे भी आपकी इमेज फाइल डाउनलोड हुई हो वहां पे आपको चले जाना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने बैकअप सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर्स पे रख ली थी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, तो ये रही मेरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 की ISO इमेज फाइल। मैं इसे जस्ट ओपन करा लेता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ और जस्ट यहाँ पे पावर ऑन द वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देता हूँ और इसे फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। फुल स्क्रीन पे करते ही मेरी जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोडिंग फाइल्स आ रहा है, मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे जो सर्वर है वो इंस्टॉल होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका। तो यहाँ पे इसकी विजार्ड हो गई है ओपन। अब हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे एंट्रीज करनी है, कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ हमारी जो फाइल्स है कॉपी होके हमारा सर्वर यहाँ इंस्टॉल होके मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विजार्ड ओपन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे अपनी लैंग्वेज टाइम और कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा और हमें कुछ सेटअप में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एंड यहाँ हमारा जो सर्वर है वो हमारे यहाँ पे इस मशीन पे वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अब इसका एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है जिसमें भी इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका जो विजार्ड है इंस्टॉलेशन या फिर जो आपका सेटअप है इंस्टॉलेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो भी फाइल्स हैं वो कॉपी होंगी और आपका जो यहाँ पे सर्वर है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल होते ही यहाँ पे आपका एक बार रीस्टार्ट होगा और आपका सर्वर ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये जितनी भी फाइल्स जितनी भी देर में कॉपी होंगी आपको इसका टाइम देखने को ना मिले, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड यहाँ से कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे देखो यूजर नेम में ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटर आ चुका है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर नाम से हमारे यहाँ यूजर बनता है। पासवर्ड में हमें अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर देना है, मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, तो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने एक पासवर्ड यहाँ प्रोवाइड कर दिया, आप देख सकते हो क्या पासवर्ड रखा है। सेम आपको यहाँ पे री एंटर कर देना है इस पासवर्ड को, तो मैं री एंटर कर देता हूँ इस पासवर्ड को, तो मैंने इसे री एंटर कर दिया। मैं जस्ट इसे फिनिश कर देता हूँ, फिनिश करते ही यहाँ पे मेरी जो सेटिंग्स है वो फाइनलाइज होंगी एंड यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे सर्वर है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही यहाँ पे हमारे पास सर्वर मैनेजर नाम की यहाँ पे यूटिलिटी होती है, वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगी एंड हमारे सामने सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली
ओपन हो जाएगा, जहां पे हम अपने जो भी काम है कर सकते हैं, सर्वर मैनेज करना है वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फटाफट से ओपन हो जाता है एंड इसके बाद मैं आपको उसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाना है। मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और इंसर्ट दबाऊंगा तब भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट, जस्ट यहाँ पे आपको वही पासवर्ड दे देना है। तो यहाँ पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ओपन हो रहा है, हमारी जो प्रोफाइल है वो सेट हो रही है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा, अब देखना। तो गाइस हम यहाँ पे साइन इन हो चुके हैं अपने सर्वर के अंदर एंड यहाँ पे देखो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा जो कर्सर है वो सेंट्रल पार्ट में रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारा देखना सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो ये शट डाउन इवेंट ट्रैकर, इसे जस्ट कैंसिल कर देते हैं। नेटवर्क का ये मांग रहा है तो यस कर देते हैं। तो हम नेटवर्क में भी कनेक्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पे सर्वर मैनेजर अपने आप ही ओपन होने वाला है, अब देखना। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वर मैनेजर अपने आप ही ओपन हो रहा है। तो सर्वर मैनेजर के अंदर ही हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं करने वाले हैं। तो यहाँ पे सर्वर मैनेजर में काम करने से पहले क्या क्या चीजें होती हैं सर्वर मैनेजर में वो देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे आगे की काम करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे आपका सर्वर मैनेजर ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में इंस्टॉलेशन के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लैग होगा, एक दो बार आप यहाँ पे यूज कर लोगे इसके बाद लैग भी हट जाएगा। तो हम एक काम करते अपनी वर्चुअल मशीन का यहाँ पे रेजोल्यूशन थोड़ा सा हाई कर देते ताकि अच्छी तरीके से हमें इंटरफेस इसका देखने को मिले। तो मैं इसका फुल रेजोल्यूशन कर देता हूँ, फुल एचडी में इसका रेजोल्यूशन करने वाला हूँ। तो ये रहा मेरा फुल एचडी का रेजोल्यूशन, मैं इसे फुल एचडी को कर देता हूँ और जस्ट इसे कीप चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा फुल रेजोल्यूशन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें आ रही हैं। देखो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हो, इसे रिफ्रेश करने के साथ साथ कॉन्फ़िगर द लोकल सर्वर, ऐड रोल्स एंड फीचर्स और सर्वर मैनेज, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। लोकल सर्वर, ऑल सर्वर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैनेज टूल्स, व्यू, हेल्प, ये चार बटने आपको यहाँ देखने को मिल रही है। लोकल सर्वर क्या होता है, ऑल सर्वर क्या है, फाइल एंड स्टोरेज पूल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, तो ये हम बाद में जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोकल सर्वर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको वर्क ग्रुप में भी वर्क ग्रुप देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी हमने कोई भी डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाया है इसलिए वर्क ग्रुप आ रहा है। कंप्यूटर का आपका नेम आ रहा है, आप कंप्यूटर नेम को रीनेम भी कर सकते हो, यहाँ से डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, चेंज करना चाहो आप चेंज भी कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं इसका दे देता हूँ आदि पीसी, ठीक है, आदि पीसी या एडमिन पीसी जो भी देना चाहूं मैं, जस्ट उसको ओके की बटन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो पीसी का नाम है, कंप्यूटर का नाम है, वो चेंज हो जाएगा। एक बार इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं रिस्टार्ट कर दूंगा तब ये चेंज हो जाएगा। तो जस्ट मैं इसे ओके की बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा और अगली बार जब स्टार्ट होगा तो मेरा जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। तो इसे रिस्टार्ट लेटर कर देंगे, तो लेटर जब रिस्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर नेम चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इथरनेट से अभी आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 असाइंड बाय डीएससीपी आपने देखने को मिल रहा होगा कि अभी डीएससीपी से मुझे आईपी वर्जन 4 की आईपी देखने को मिल रही है। तो अगर मैं इसकी स्टेटस पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को डीएससीपी इनेबल है और डीएससीपी से आईपी अभी मिल रही है। मैनुअली देना चाहूँ स्टैटिकली तो मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आईपी वर्जन 6 को अनसिलेक्ट करके आईपी वर्जन 4 के अडेप्टर पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं मैनुअली भी आईपी दे सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं दे देता हूँ 10.0.0.0 से कोई रिलेटेड मैं यहाँ पे आईपी प्रोवाइड कर देता हूँ इसे। तो मैंने इसकी आईपी 10.0.0.11 दे दी है, टैब दबाऊंगा तो इसमें सबनेट मास्क भी आ जाएगा। डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1 दे देते हैं और यहाँ पे डीएनएस में भी ऐसे ही कुछ कर देते हैं 10.0.0.1 और ओके की बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो आईपी वर्जन है इस बार स्टैटिकली हमने दे दिया। तो स्टैटिकली देखो ये आइडेंटिफाई हो रहा है, आइडेंटिफाई होने के बाद ये वापस से हमारे नेटवर्क में जुड़ जाएगा। तो स्टेटस पे जाएंगे, डिटेल्स पे जाएंगे तो अभी देखो डीएससीपी इनेबल नहीं है और आईपी हमारी स्टैटिक है, ठीक है। तो इतना काम कर दिया तो यहाँ पे हमारी जो आईपी वर्जन है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये सब सारी चीजें यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। टाइम जोन, वाइम जोन सेटिंग्स, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये होती है आपका बेसिक इंटरफेस आपके सर्वर का। तो गाइस अब यहाँ पे हम जाने वाले हैं व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जिसे हम ADDS कहते हैं। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या होती है, तो यहाँ पे देखो ADDS क्या होता है मैं आपको पर्टिकुलरली आसान भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। तो जो आपका गाइस ADDS होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज लिख देता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को मैं DIR लिखता हूँ और डोमेन सर्विसेज आपको पता ही है डोमेन सर्विसेज क्या होती है। तो डोमेन और यहाँ पे सर्विसेज, तो ये होती है आपकी फुल फॉर्म ADDS की। तो ADDS में आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज
क्या होता है गाइस, एक तरीके का आप मान सकते हो सर्वर होता है, एक तरीके का मैंडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल होता है, जिसमें क्या होता है आपका जो एडमिन होता है उसका कंट्रोल होता है, और उस कंट्रोल के साथ वहां पे वो पूरे जितने भी क्लाइंट होते हैं आपके नेटवर्क में उन सब में राजा की तरह एडमिन की तरह काम कर सकता है, उनमें पॉलिसीज क्रिएट कर सकता है, उनमें कंट्रोल दे सकता है, रेस्ट्रिक्शंस दे सकता है। तो ये एक तरीके का आप मान लो डेटाबेस भी होता है इसके अंदर, और इसमें पूरी ताकत होती है, पूरी पावर होती है पूरे नेटवर्क में हर एक काम करने की। तो जो एडमिन होता है उसका सारा कंट्रोल एडीडीएस से ही होता है, एडीडीएस की मदद से ही वो सभी सिस्टम्स में कंट्रोल दे पाता है, पॉलिसीज लगा पाता है, रेस्ट्रिक्शंस दे पाता है, परमिशन दे पाता है। तो यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एक तरीके का रोल है आप मानो, और रोल आपका क्या करता है यहाँ पे, आपको पावरफुल चीजें, पावरफुल आपका कंट्रोल आपको एडमिन बनाने के लिए प्रोवाइड कर देता है। तो आपका यहाँ पे जब भी नेटवर्क बनता है तो नेटवर्क में जहां मेन सर्वर होता है उसी में जितने भी क्लाइंट सर्वर्स होते हैं, जो भी क्लाइंट होते हैं, जो भी यूजर्स होते हैं, वो आके ज्वाइन करते हैं आपके डोमेन को। तो ये जो डोमेन बनता है वो आपका एडीडीएस में बनता है, एडीडीएस एक सर्वर है जहां पे आपका एडमिन कंट्रोल करता है आपके नेटवर्क को। तो यहाँ पे आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एक तरीके का वहां पे सर्वर होता है जिसके अंदर आपके डोमेन कंट्रोलर्स बनते हैं। तो डोमेन कंट्रोलर क्या होता है अब, तो ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के रोल के अंदर ही बनता है, डीसी कहते हैं जिसे, डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप मान लो कि डीसी क्या है, तो डीसी है आपका डोमेन कंट्रोलर जिसके अंदर आपके जितने भी डोमेन है वो क्रिएट करे जाते हैं, जैसे कोई भी डोमेन आप क्रिएट कर सकते हो इसमें डोमेन कंट्रोलर में। मैं पहले लिख देता हूं डोमेन कंट्रोलर, अब इसके अंदर आप कोई भी डोमेन क्रिएट कर सकते हो किसी भी नाम का, जैसे मैं अपने ही नाम का कर देता हूं, जैसे मैं कर देता हूं आदर्श.com नाम से। तो आदर्श.com यहाँ पे मेरा जो डोमेन है वो बन चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को एडीडीएस का एक सर्वर लगाना पड़ेगा जिसमें मेरे को इस डीसी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। एडीडीएस के सर्वर में मुझे ये डीसी डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा आदर्श.com नाम का, और जो भी मेरे यहाँ पे क्लाइंट्स होंगे, जैसे एक सिस्टम यहाँ है एक सिस्टम यहाँ है, तो इन दोनों को अगर मेरे नेटवर्क में आना है तो इस डोमेन को उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, कहां पे कहां रिक्वेस्ट करके, इस डीसी में, इस डीसी की मदद से इस एडीडीएस में रिक्वेस्ट करके। जब एडीडीएस में हमारा एडमिन इसे अलाउ करेगा, हाँ भाई ये सिस्टम ज्वाइन होना चाहता है, हाँ भाई इसको दे देते हैं, इसमें एक यूजर बना देते हैं, तब यहाँ पे हमारे सिस्टम ज्वाइन कर सकते हैं इस डीसी को जो कि आदर्श.com नाम से था। तो यहाँ पे आपका डीसी एक तरीके का डोमेन होता है जिसको ज्वाइन करते हैं आपके क्लाइंट या यूजर्स। तो डीसी के बाद यहाँ पे आपके और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एडीसी होता है, एडीसी होता है जिसे हम कहते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है गाइस, मैं एक एक चीज को यहाँ पे आपको बताऊंगा, बिल्कुल दिक्कत मत लो। तो यहाँ पे एडिशनल आपका डीसी होता है, ये एडिशनल डीसी। अब एडिशनल डीसी का काम क्या होता है, अब गाइस आपने सुना तो होगा कि किसी भी सर्वर में एक वर्कलोड होता है कि वो इतनी क्षमता का है, इतने यूजर्स को एक बार में हैंडल या टैकल कर सकता है, इतनी हिट्स को वो एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर। तो यहाँ पे जैसे आपका जो ये डीसी है डोमेन कंट्रोल जो एडीडीएस पे बना है, इसकी जो लिमिट है वो है 10,000 यूजर्स पर रियल टाइम, मतलब रियल टाइम में 10,000 यूजर्स की उसकी लिमिट है, इससे ज्यादा अगर आ गए 15,000 आ गए तो वो क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 10,000 यूजर्स हैं, तो 10,000 के जो लोड होगा वो तो इस सर्वर में रहेगा। अगर आपने एडीसी भी कॉन्फ़िगर कर रखा है तो उसके आगे का जो भी लोड होगा वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा एडीसी के पास, जिससे दोनों में नेटवर्क बैलेंसिंग रहेगी, बैलेंसिंग रहेगा दोनों में। और ये हम एनएलबी के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं जिसे कहते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, तो एडीसी हमारा वहां यूज होता है। तो इसमें आपका शेयर हो जाता है जो भी लोड आता है, ठीक है। इसके बाद एडीसी के बाद आपके पास आता है यहाँ पे सीडीसी जिसे कहते हैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अब यहाँ पे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या करता है गाइस, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी सेम इसी कॉन्सेप्ट में काम करता है। अब देखो एडिशनल वाला था, एडिशनल वाले में क्या था कि आपका जो भी लोड होता है वो तो ये ले लेगा, लेकिन ये लोड कब लेगा, जब ये पूरी लिमिट इसकी भर जाएगी, फुल हो जाएगा ये तब। और एडीसी का एक काम और है, एडीसी जो होता है वो तब भी वर्क करता है जब आपका ये वाला सिस्टम बंद हो जाए, ये वाला डीसी बंद हो जाए, जो मेन डीसी है वो आपका अगर ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा या उसका डाउन टाइम आ जाएगा, तब उसकी सर्विसेज वहां पे तो रुक जाएगी। तो उस चीज से, उस फिनोमिना से बचने के लिए कि सर्विसेज सडनली स्टॉप हो जाए, उस चीज से बचने के लिए आपका एडीसी यहाँ पे एडिशनल की तरह खड़ा रहता है। मतलब जब आपका मेन सर्वर डीसी बंद हो जाए तब आपकी जो सर्विसेज है, आपके यूजर्स को सर्विसेज है, वो एडीसी प्रोवाइड करने लगता है। कब तक करता है, जब तक आपका मेन डीसी स्टार्ट ना हो जाए। तो ये भी काम आपका एडीसी का होता है। वही सीडीसी का काम आपका आधे एडीसी के काम के सेम सिमिलर होता है। जैसे कि एडीसी का काम एक मैंने आपको दो बताया, एडीसी का काम एक तो जब मेन सर्वर बंद हो जाए तभी सर्विस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये एडीसी जो होता है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के लिए भी काम आता है कि जो एक्स्ट्रा लोड आ जाता है वो इसमें आ जाए। साथ ही साथ जो ये सीडीसी है, सीडीसी भी आपके नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के लिए ही काम करता है। जो भी डीसी है,
डीसी में जो भी एक्स्ट्रा लोड होता है सबसे पहले वो सीडीसी में जाता है। अगर आपने सीडीसी कॉन्फ़िगर कर रखा है तो वो सीडीसी में जाएगा, अगर सीडीसी नहीं है तो फिर वो ईडीसी में जाएगा। तो ये जो सीडीसी है ये आपका नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। जितनी भी एक्स्ट्रा हिट्स आती है जो आपके डीसी से ओवरलैप हो जाती है या फिर ओवरफ्लो हो जाता है तो वो सारी रिक्वेस्ट आपकी सीडीसी में आती है और सीडीसी फिर उन्हें मैनेज करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया जैसे 10,000 लिमिट है तो 10,000 तो संभाल लेगा, लेकिन अगर 30,000 लिमिट आ गई और 10,000 का ही सीडीसी बनाए तो यहाँ तो 10,000 का सीडीसी बनाए, 10,000 का डीसी है और 30,000 रिक्वेस्ट आ रही है तो 10-10, 20,000 तो यहाँ मैनेज हो रही है और फिर आगे की 10,000 कहाँ जाएंगी। गाइस सीडीसी के बाद भी इसी तरीके से आपके ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनते हैं जिसे हम कह सकते हैं जीसीडीसी, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। फिर आगे की 10,000 इस पे फॉरवर्ड हो जाएंगी तो 30 हो जाएंगी 30,000। तो जितना आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपकी ग्रोथ जितनी भी हो सकती है जैसे 50,000 जा सकते हैं तो जीसीडीसी के बाद डबल जीसीडीसी बनता है जिसे ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। तो इस तरीके से आपके इसी लाइनअप में बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर आपके जो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट के अनुसार है वो बन सकते हैं। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया सीडीसी जीसीडीसी और आपका मेन डीसी और एडीसी भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आरओडीसी क्या होता है। आरओडीसी गाइज ये होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये भी आपका एक तरीके का एडीसी का ही टाइप होता है जो कि रीड ओनली होता है। अब देखो यहाँ पे जो भी डोमेन कंट्रोलर होता है डोमेन कंट्रोलर तो आपका मैनेज करता है डोमेन को, एडीसी एडिशनल को करता है। तो एडिशनल के तौर पर ही यहाँ पे जो ओवरफ्लो जो चीजें होती हैं या फिर जो तब काम करती हैं जब आपका मेन डीसी बंद हो जाता है तो आरओडीसी भी तभी आपका काम करता है। तो ये रीड ओनली होता है रीड ओनली डीसी और इसमें क्या होता है इसमें जो भी रिक्वेस्ट आती है वो उसे रीड करता है लेकिन उनको राइट नहीं कर सकता, उनमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ रीड करने के पर्पस से बनाया गया होता है, कोई भी चेंजेस करना इसकी कैपेबिलिटी में नहीं होता है। तो ये होता है आरओडीसी। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जितने भी आपके डीसी हैं, ये डीसी हो गया, एडीसी हो गया और आपका आरओडीसी हो गया और ये आपका सीडीसी हो गया और ये आपका जीसीडीसी हो गया, ये सब अगर आपने अपने सर्वर में कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये सब कुछ आपने बना रखा है तो इन सबको हम अगर पूरा कलेक्शन बना दें तो इस पूरे कलेक्शन को हम कहते हैं फॉरेस्ट। ये हमारा एक तरीके का फॉरेस्ट होता है जिसमें आपकी सारी चीजें आ जाती हैं और फॉरेस्ट की यहाँ पे आपकी डिफिकल्ट अलग अलग तरीके की ब्रांचेस होती हैं या फिर आप मान सकते हो ट्रीज होती है। जैसे फॉरेस्ट जंगल होता है तो वहां पे ट्री होती है, बहुत सारी पेड़ होते हैं। तो एक पेड़ आपका डीसी हो गया, एक पेड़ आपका एडीसी हो गया, आरओडीसी एक और पेड़ हो गया, इसके बाद जीसीडीसी एक और पेड़ हो गया और यहाँ पे आपके सीडीसी एक और पेड़ हो गया। एंड इन पेड़ों में अपनी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे यहाँ पे आपकी परमिशन एक ब्रांच हो गई डीसी में, आपकी स्कीमा एक ब्रांच हो गई। तो इस तरीके से इनकी खुद की अलग ब्रांचेस भी होती हैं। तो फॉरेस्ट और यहाँ पे ट्रीज और उनकी ब्रांचेस आई होप क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ एडीसी डीसी सीडीसी आरओडीसी जीसीडीसी और जीजीसीडीसी ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका कहाँ आता है गाइज, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आता है आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेस में यानी एडीडीएस में। आई होप आपको एडीडीएस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम अपनी मशीन सर्वर पे आ चुके हैं तो यहाँ पे मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का जो मेन रोल होता है हमारे सर्वर में कहाँ पे होता है, किस तरीके से हम उस रोल को इंस्टॉल कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले उसी के जितने भी डीसी हैं ये सब बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल अपने सर्वर में यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो एडीडीएस होता है उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बहुत सारी चीजें होती है तो उन सब चीजों को किस तरीके से हम एक्सप्लोर करेंगे वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी सर्विसेज कोई भी फीचर यहाँ पे इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पे आपके पास फीचर्स और यहाँ पे रोल्स के यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो देखो यहाँ पे बिफोर यू बिगिन नेक्स्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पे रोल आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो रोल बेस्ड फीचर बेस्ड पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रोल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस डोमेन सर्विसेज। तो डोमेन सर्विसेज हमें करना है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड फीचर कर देंगे, ऐड फीचर हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हाइपर वी है, ये टोटल 34 होते हैं तो इनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। जैसे आपका एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज होता है, फिर लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज होता है, फिर राइट मैनेजमेंट सर्विसेज होता है, डिवाइस हेल्थ अटेंशन होता है, फिर आपका डीएससीपी डीएनएस फैक्स हाइपर वी फाइल स्टोरेज और होस्ट ग्रेजुएशन वॉल्यूम वेब सर्वर आईएएस विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, बाकी प्लेलिस्ट जब बनाएंगे तो हर चीज को एक्सप्लोर करके देखेंगे। तो अभी डोमेन सर्विसेज करें तो डोमेन सर्विसेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके फीचर्स आते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जैसे आपका हाइपर वी हो गया और साथ साथ बिटलॉकर हो गया, इन सभी फीचर्स में आप देख सकते हो नेट फ्रेमवर्क हो गया, सर्विसेज बैकअप हो गए
और FTP हो गया, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये आपके फीचर्स कहलाते हैं। पिछली वाली स्लाइड रोल की थी, ये आपके फीचर्स होते हैं। तो फीचर में हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आपका ग्रुप पॉलिसी सिलेक्ट नहीं है तो ग्रुप पॉलिसी जरूर से सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोबारा नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपका जो ADDS है उसका रोल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल होके एक बार आपका रीस्टार्ट भी होगा, तो पहले इसे इंस्टॉल होने देते हैं, इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है, क्लोज के बटन पे क्लिक करते हैं। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक येलो कलर का अलर्ट देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फीचर आपका इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, तो आपको अगर डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो आपको जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करने वाले अपने डोमेन कंट्रोलर, पूरा का पूरा DC किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ADDS का रोल हमने यहाँ इंस्टॉल कर लिया था एंड इंस्टॉलेशन के बाद हमें ऊपर अलर्ट आ रहा था कि हम वहां पे अपना जो डोमेन कंट्रोलर है उसमें उसे प्रमोट करें। तो हम किस तरीके से डोमेन कंट्रोलर पे क्या क्या स्टेप लेते हैं डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए, अब यहां से हम जानना स्टार्ट करते हैं एंड इंस्टॉल करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो गाइस मैं जस्ट इस अलर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो प्रमोट दिस सर्वर आपको देखने को मिल रहा है, ADDS का रोल मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा प्रमोट पे, प्रमोट पे यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मैं जस्ट न्यू फॉरेस्ट, एक नया फॉरेस्ट बनाऊंगा, फॉरेस्ट के अंदर मैं जो भी DC बनाऊंगा, DC के साथ साथ में ADC, RODC सब कुछ इसी फॉरेस्ट के अंदर बना सकता हूँ। तो RODC में हमें यहाँ पे एक रूट डोमेन देना पड़ेगा, रूट डोमेन मतलब जो भी आप DC बना रहे हो उसका नाम देना पड़ेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे adarsh.com नाम से बनाना हूं, तो मैं सिंपली adarsh यहाँ पे लिखूंगा, .com लिख दूंगा, तो मेरा adarsh.com नाम से यहाँ पे DC कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो फॉरेस्ट है वह यहाँ पे एक्सेप्ट अगर हो गया है तो मैं जस्ट अगले स्टेप पे पहुंच जाऊंगा। नहीं तो कई केसेस में कुछ आपने अगर गलत तरीके से यहाँ पे नाम दे दिया होता है या फिर रूट डोमेन दे दिया होता है तो ये एक्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो जस्ट आप आगे फॉरवर्ड होते हुए चले जाओगे। तो मैंने यहाँ पे अपना फॉरेस्ट का नाम दे दिया है एंड जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर GC यानी ग्लोबल कैटलॉग देखने को मिल रहा है, DNS सर्वर मेरा ऑटोमेटिकली स्टोर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर नहीं करना तो आप इसे अनटिक भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हो तो ये हो रहा है। RODC अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो यहीं से तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। तो इतना आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड देना है और उसे कंफर्म कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना सिंपल पासवर्ड देता हूँ, RODC चाहिए मेरे को, RODC भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं RODC अभी नहीं कर रहा, मैं सिंपली यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ अपना, मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दिया। मैं जस्ट नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो DNS डेलीगेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो बायोस नेम है, जो नेट बायोस नेम है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका जो डोमेन आपने दिया था वो डिडक्ट हो रहा है, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन, आप जस्ट आगे फॉरवर्ड हो सकते हो। तो देखो मेरा नाम आ चुका है, जस्ट मेरा सही है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे जितने भी ऑप्शन है काफी ठीक मैंने वहां फिल कर दिए। इसके बाद यहाँ पे डेटाबेसिस कहाँ स्टोर होंगे, किस तरीके से स्टोर होंगे, वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे अब हमारा प्रीक्विजिट्स चेक चल रहा है। तो प्रीक्विजिट चेक के बाद यहाँ पे हमारे जो लास्ट ऑप्शन इंस्टॉलेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा एंड इसके बाद जस्ट हमें यहाँ पे रिजल्ट भी देखने को हमारा इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या है एंड किस तरीके से हमें उसके बाद रिजल्ट हमें देखने को अपना डोमेन कंट्रोलर का मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीक्विजिट चेक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें आ रही हैं। तो जस्ट मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे इसका जो इंस्टॉलेशन है वो चालू हो जाएगा। तो मेरे जो सर्वर 2019 में डोमेन कंट्रोलर में जो भी यहाँ पे हमारे जो डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज हैं या फिर जो भी चेक्स हैं वो सब यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहे हैं एंड इंस्टॉल हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे एंड इसके बाद डायरेक्टली हमें उसका रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब भी आप DC बनाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 मिनट पेशेंस से आपको बैठना पड़ेगा ताकि उसमें जो भी आपके रोल हैं, जो भी ये सारी चीजें होती हैं, वो सही से इंस्टॉल हो जाए एंड वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली वर्क करे। तो इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पे टाइम दें, थोड़े से आप पेशेंट यहाँ पे बने। तो गाइज यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली साइन आउट हो रहा है, यानी ये हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे रिस्टार्ट होगा एक बार, तो इसे रिस्टार्ट होने देते हैं। गाइज यहाँ पे हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो इंस्टॉल हो चुका है, प्रमोट हो चुका है, हमारे ADDS के रोल के अंदर हमारे फॉरेस्ट में वो बन चुका है। तो यहाँ पे एक बार आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। इस बार जब भी हमारा सर्वर मैनेजर ओपन होगा तो वहां पे हमारा adarsh.com नाम का DC यानी डोमेन कंट्रोलर हमें बना हुआ मिलेगा, वहां वर्क ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद में आपको वहां पे डोमेन कंट्रोलर बन चुका है ये आपको
दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो ओपन हो चुका है, तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट के बटन प्रेस करते ही यहाँ ओपन हो जाएगा। तो हमें VMware में है हम, तो हमें यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की जगह कंट्रोल ऑल्ट और इंसर्ट बटन प्रेस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर पैनल खुल जाएगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड देने के बाद मैं यहाँ पे लॉग इन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है यानी DC है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे सर्वर मैनेजर में जाके देखूंगा तो वहाँ पे मेरा जो डोमेन होगा वो कॉन्फ़िगर हो चुका होगा। तो यहाँ पे हमारा सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली खुल चुका है। यहाँ पे एक पॉपअप था, इसे जस्ट क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर था या फिर जो सर्वर मैनेजर है वो ओपनड है। एंड यहाँ पे हमने अभी अभी ADDS का रोल भी इंस्टॉल किया था। ADDS के रोल के बाद हमने उसमें प्रमोट किया था उसे एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन कंट्रोलर के बाद यहाँ हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है। रीस्टार्ट होने के बाद देखते हैं कि हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो बन के रेडी है या नहीं है। तो जस्ट मैं यहाँ लोकल सर्वर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, तो रिफ्रेश होने देते हैं। तो यहाँ देखो हमने पहले यहाँ पे वर्क ग्रुप लिखा था, वर्क ग्रुप, और यहाँ पे भी वर्क ग्रुप लिखा था, लेकिन अब यहाँ वर्क ग्रुप की जगह डोमेन लिखा हुआ है। और डोमेन में हमारा जो डोमेन हमने दिया था adarsh.com वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो कंप्यूटर नेम हमने पहले चेंज कर लिया था, यहाँ पे ये हो गया। आपके IP हमने चेंज करी थी वो ये है। एंड इसी के साथ साथ और भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। डैशबोर्ड में जाओगे तब आपको यहाँ पे ADDS बना हुआ दिखेगा, साथ ही साथ DNS ऑटोमेटिकली बन गया था उसमें, तो DNS आपको यहाँ पे कन्फिगर ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका डोमेन कंट्रोलर बनता है। तो आई होप यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर किस तरीके से बनता है अब आप बना पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे अब हम क्रिएटिंग यूजर्स एंड ग्रुप और इसके बाद ज्वाइनिंग डोमेन के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यूजर किस तरीके से बनाएंगे हम, यूजर बनाने के साथ साथ ग्रुप्स किस तरीके से बनाते हैं, ग्रुप में हम यूजर्स को कैसे ऐड ऑन कराते हैं, तो वो सब जानेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कैसे कराते हैं उन यूजरों को डोमेन, या फिर उन यूजर्स को कैसे हम किसी दूसरे सिस्टम पे ओपन करते हैं, या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो उन यूजर्स को कैसे हम लॉग इन कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी दूसरे पर्टिकुलर मशीन को, जैसे आपके पास विंडोज 10 है कोई मशीन किसी दूसरे सिस्टम में जो आपके नेटवर्क में है, तो उसको आप अपने डोमेन में कैसे ज्वाइन कराओगे, तो वो अब हम यहां पे जानने वाले हैं। तो यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। तो यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे यूजर्स किस तरीके से बनते हैं, यूजर्स के बारे में देखेंगे, यूजर किस तरीके से बनते हैं, क्या पॉलिसीज होती हैं, ये सब देखेंगे। यूजर्स के बाद हम यहाँ पे ग्रुप्स देखेंगे कि ग्रुप्स किस तरीके से बनते हैं एंड ग्रुप्स बनाने के क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या फायदे हैं, तो ग्रुप्स देखेंगे। ग्रुप्स देखने के बाद यहाँ पे हम तीसरे चीज में देखेंगे कि हम कैसे उन यूजर्स को ऑथेंटिकेट कराएंगे, कैसे उन्हें यहाँ पे लॉग इन कराएंगे। तो यूजर साइन इन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो यूजर्स को साइन इन करा के भी देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम जो हमारा डोमेन है उसे हम किसी दूसरे पर्टिकुलर मशीन में या दूसरे किसी क्लाइंट में हम अपने डोमेन को कैसे ज्वाइन करा सकते हैं ये देखेंगे। तो ये चार चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन चार चीजों में किस तरीके से क्या चीज आपकी आएगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हम यूजर बना रहे हैं, यूजर हमारे वो यूजर्स होंगे जिन्हें हम किसी भी मशीन पे लॉग इन करा सकते हैं, और उनमें जो भी आप काम करोगे वो पर्टिकुलर उस यूजर के अकाउंट में ही रहेगा। तो यहाँ पे यूजर्स किस तरीके से बनते हैं, हम गाइस बहुत तरीके से बना सकते हैं। एक तो हमारे पास पावर शेल का मेथड होता है जिसमें हमें OU जो होता है, OU की मदद से हम वहाँ पे OU में ही अपने यूजर्स को क्रिएट करते हैं। एक तो वो मेथड होता है, एक आपका होता है डायरेक्ट आप यूजर्स के पैनल पे जाओ, उसके विजार्ड पे जाओ, वहाँ पे आप डायरेक्ट यूजर ही क्रिएट कर सकते हो। तो दो मेथड है। तो पावर शेल वाला अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पावर शेल की जो प्रॉपर वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ किस तरीके से आप नॉर्मली बिना किसी CLI मेथड के किस तरीके से यूजर बनाएंगे। इसके बाद मैं कैसे ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप्स में किस तरीके से ग्रुप बनते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से वहाँ पे यूजर आपके एड ऑन करे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ प्रॉफिट्स क्या हैं ये बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे यूजर के जो यहाँ पे साइन इन है, मतलब जो साइन इन है या फिर ऑथेंटिकेशन है या फिर ऑथराइजेशन है, जो भी आप कह लो, उसे हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम उसको किसी सिस्टम पे लॉग इन कराते हैं, इसके बारे में देखेंगे किस तरीके से करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके बाद डोमेन ज्वाइन करते हैं। डोमेन मतलब हमारे यहाँ पे सर्वर है adarsh.com नाम से, तो मैं उस डोमेन को किस तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब उसका क्लाइंट किस तरीके से बन सकता हूँ। तो मैं किसी दूसरे विंडोज 10 के PC में आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस विंडोज 10 के PC को हम अपने सर्वर के डोमेन से ज्वाइन करा सकते हैं। तो चारों चीजें करके देखेंगे, चारों चीजें आपस में इंटरकनेक्ट है। तो पहले हम यूजर बनाते हैं, इसके बाद उन्हें ग्रुप्स में डालते हैं, ग्रुप के क्या फायदे हैं देखते हैं, इसके बाद यूजर को साइन इन कराते हैं, इसके बाद डोमेन को ज्वाइन कराते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो गाइस मैं अपने सर्वर में आ चुका हूं, तो मैं यहां पे सबसे पहले आपको यूजर बनाना बताने वाला हूं। तो अगर आप यहां पे टूल्स पे जाओगे, टूल्स पे जाने के बाद यहां पे आपको देखने को ऑप्शन मिल रहा है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, आप जस्ट इस पर क्लिक कर दोगे
तो यहाँ पे आपके पास यूजर्स की विजार्ड खुल जाएगी, नहीं तो आप जीपी एडिट करके भी यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे आप जस्ट इस विजार्ड को देखो, तो इस विजार्ड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आपके पास adarsh.com डोमेन आपको देखने को मिल रहा है। इस डोमेन के अंदर आपके पास बिल्ट इन डोमेन आपको देखने को मिल रहा है। बिल्ट इन डोमेन में आपके कितने सारे यहाँ पे यूजर्स हैं आप देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर्स में कौन कौन सी चीजें होंगी, डोमेन कंट्रोलर्स किस टाइप का आपका आदि पीसी है, और फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज और मैनेज सर्विस अकाउंट्स, फिर लास्ट में आपको दोबारा से यूजर्स देखने को मिलता है। तो ये बिल्ट इन और यूजर्स में आपके लगभग लगभग वो सभी डोमेन होते हैं, मतलब वो सभी यूजर्स होते हैं जो आपके जो इस फोल्डर के अंदर है वो सारे आपके बिल्ट इन के अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका यूजर है, आप यूजर पे जाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके बहुत सारे यूजर बन रखे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद गेस्ट और फिर स्कीमा, वो बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक नया यूजर बनाने वाले हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे देखो इस जगह पे ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्रिएट अ न्यू यूजर इन द करंट कंटेनर। तो ये एक तरीके का हमारा यूजर नाम का कंटेनर है। इसी तरीके से एक OU कंटेनर होता है, उसमें हमें अब यूजर बनाते हैं कहाँ से, PowerShell से। लेकिन हम यहाँ पे मैनुअली बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूजर के कंटेनर के अंदर या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे यूजर का विजार्ड खुल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ। न्यू पे जाने के बाद जस्ट आपको यहाँ यूजर का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर चले जाओ और यहाँ पे अपने यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम या यूजर लोगो नेम, ये सब आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देता हूँ और जस्ट उसका लोगो नेम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ विराज, विराज मैंने इसका नाम दे दिया, और इसका जो लोगो नेम है वो भी हम यहाँ पे विराज कर देते हैं। तो जस्ट मैंने इसका भी यहाँ पे विराज कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी पॉलिसीज देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ इसे, तो आप देख सकते हो यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। तो जब भी हम इसे लॉगिन करेंगे इस यूजर को, तभी हम इस पासवर्ड को रीसेट करेंगे। वहां पे ये पासवर्ड सिर्फ वन टाइम के लिए होगा, एंड इसको पासवर्ड डालते ही वहां पे हमें नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर को भी उस पासवर्ड की मतलब वहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एडमिन से भी वो पासवर्ड हट जाएगा और जो यूजर है उसको एक नया पासवर्ड मिल जाएगा, तो उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। साथ ही साथ हमने इसको टिक कर रखा है, ठीक है, तो ये ऐसा होगा। इसके बाद यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, अगर यूजर ना करे चेंज पासवर्ड या ना कर पाए चेंज पासवर्ड, तो हम इसे टिक कर सकते हैं। या पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो या फिर अकाउंट डिसेबल रहे, तो ये सब हम पॉलिसीज इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली पॉलिसी ही लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ रहा है, देखो विराज जो भी है नेम हमने दिया है, viraj@adarsh.com, ये हमारा यूजर का लॉगिन नेम होगा, ठीक है, जो कि हमें लॉगिन करने के वक्त देना पड़ेगा। तो जस्ट मैं फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विराज नाम का यहाँ पे हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ विराज नाम का यूजर क्रिएट हो चुका है, मैं क्या करता हूँ एक नया यूजर बना लेता हूँ। मैं इस बार यहाँ से बनाता हूँ और इस बार मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ विराज की जगह वीरू, वीरू, और यहाँ पे लॉगिन नेम में भी वीरू दे देता हूँ। तो जस्ट इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी मैं पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ इसे, जस्ट इसको भी सेम वही पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। मतलब आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो, इट डजंट नेसेसरी कि आपको कोई पर्टिकुलर पासवर्ड देना है, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दो एंड यहाँ पे आपको viru@adarsh.com देखने को मिल रहा है। जस्ट फिनिश पे क्लिक कर दो, तो मेरे यहाँ पे दो यूजर्स बन चुके हैं। तो अभी तो ये हमारे दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूजर्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इसमें जो भी हमें पॉलिसी लगाई है, तो हमने एक पॉलिसी लगाई है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रुप्स की जरूरत क्यों पड़ती है। अब ग्रुप्स का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर देखो यहाँ पे विराज और वीरू नाम के यूजर ऑलरेडी हमने बना लिए हैं, तो एक बार हम क्या करते हैं इसे जस्ट लॉग इन करा के देखते हैं अपने सर्वर वाली ही मशीन पे। तो मैं जस्ट यहाँ सर्वर भी क्लोज कर दूंगा और मैं क्या करूंगा इसे स्विच यूजर कर दूंगा। तो मैं जस्ट ऑल्ट और F4 प्रेस करूंगा, यहाँ पे स्विच यूजर के बटन पे जाऊंगा और ओके कर दूंगा, तो मेरा यहाँ स्विच यूजर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो स्विच यूजर आ चुका है। तो जस्ट ऑल्ट कंट्रोल इंसर्ट दबाता हूं, तो यहाँ पे आदर्श एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। मैं अदर यूजर पे जाता हूँ और यहाँ पे हमने किस किस नाम से बनाए थे, एक वीरू नाम से बनाया था और एक विराज नाम से बनाया था। तो मैं जस्ट यहाँ पे विराज को लॉग इन कराने की कोशिश करता हूँ, तो विराज में जो पासवर्ड दिया था मैं यहाँ पे सिंपली उसे उस क्रेडेंशियल को फिल कर देता हूँ, ठीक है, मैंने फिल कर दिया है। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं द यूजर्स पासवर्ड मस्ट बी चेंज्ड बिफोर साइनिंग इन, जो कि हमारी पॉलिसी भी थी कि जब भी साइन इन होगा तो एक बार ये पासवर्ड काम करेगा, इसके बाद यूजर एक नया पासवर्ड डालेगा। ओके पे क्लिक करूंगा तो मुझे नया पासवर्ड डालना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड डालना चाहता हूँ यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे एक नया पासवर्ड भी क्रिएट कर दिया है, जस्ट मैं इसको लॉगिन करा देता हूँ। तो यहाँ चेंजिंग पासवर्ड हो चुका है और हमारा यहाँ योर पासवर्ड हैज बीन चेंज, यानी चेंज हो चुका है। मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास, क्योंकि हमने वहाँ पे पॉलिसी लगा रखी है या फिर बाई डिफॉल्ट पॉलिसी लगी हुई होती है जिसको हमने यहाँ पे अलाउ नहीं किया है। क्या पॉलिसी है? द साइन इन मैथड यू आर ट्राइंग टू यूज इज नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमने अलाउ ही नहीं किया। द मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन जाननी तो आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पे ये एरर इसलिए नहीं आ रहा कि हमारे यूजर वहां है नहीं, है यूजर, लेकिन वहां पे रेस्ट्रिक्शन है कि भाई ये यूजर अभी लॉगिन नहीं होगा। तो लॉगिन किस तरीके से होगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एंड यहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि ग्रुप्स के क्या फायदे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अदर यूजर पे जाके दूसरा यूजर भी यहाँ पे जो वीरू वाला था वो भी करता हूँ, तो उसमें भी सेम पासवर्ड तो डाल सकते हैं हम नया, इसके बाद वापस से वही वाली रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी जैसे कि हमें विराज में देखने को मिली। तो जस्ट मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आदर्श पे जाता हूँ और सिंपली इसको लॉगिन करा लेता हूँ अपने सर्वर को। सर्वर को लॉगिन कराने के बाद हम जस्ट यहाँ पे हमारा यूजर्स था, यूजर्स, और यहाँ पे हमारा सर्वर मैनेजर था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे यूजर्स हैं तो विराज और वीरू, तो हम यहाँ पे इनको दोनों को पावर देने वाले हैं कि किस तरीके से, मतलब ऑथेंटिकेशन वाली जो ऑथेंटिकेट वाली वहाँ पे की जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है उसने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि ये साइन इन ना कर पाए, तो हम इनको यूजर को अपने सर्वर से जाके परमिशन देंगे कि हाँ भाई तुम लॉग इन कर पाओ। तो यहाँ पे हम अगर मैन्युअली देंगे तो मैन्युअली में हमें पर्टिकुलर एक एक यूजर का दोनों का नाम देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे न्यू पे जाते हैं या फिर यहाँ ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप का नाम दे देते हैं, ग्रुप का नाम दे देते हैं आदि यूजर, आदि यूजर में दे देता हूँ नाम, और जस्ट ग्लोबल रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, ओके पे क्लिक करते तो यहाँ आदि यूजर बन जाएगा हमारा ग्रुप। राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद मेंबर्स पे जाऊंगा, ऐड पे जाऊंगा, ऐड पे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे दोनों यूजर्स को देना है जो कि मैं इस ग्रुप के अंदर लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला है मेरा वीरू, वीरू करके मैं यहाँ चेक नेम करूंगा तो वीरू आ जाएगा, ओके कर दूंगा तो यहाँ पे वीरू आ चुका है। एक और यहाँ पे करना चाहता हूँ विराज को, तो विराज को मैं यहाँ जस्ट लाके इसे चेक कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा, ओके पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो इस वाले ग्रुप में अब ये दोनों यूजर आ चुके हैं। तो मैं क्या करना था यहाँ पे, मेरे को जो इस यूजर को अलाउ करना था कि भाई अब ये साइन इन कर पाए अपने एडमिन से, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट इस ग्रुप को कर दूंगा। इस ग्रुप को करने से मेरे क्या प्रॉफिट होगा कि ये दोनों यूजर ऑटोमेटिकली दोनों में ही वो पॉलिसीज हट जाएंगी एंड दोनों ही यहाँ पे लॉग इन साइन इन कर सकते हैं। वही मेरे को मैनुअली एक एक का नाम देना होता, लेकिन मैंने क्या किया उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया और उस ग्रुप को मैं अलाउ कर दूंगा तो सारे यूजर के लिए अलाउ हो जाएगा। तो ये फायदे होते हैं आपके ग्रुप के। तो ग्रुप किस तरीके से बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलो इन दोनों यूजरों को परमिशन दे देते हैं कि हाँ भाई तुम लॉग इन कर लो। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, इसकी एक शॉर्टकट कमांड होती है जीपी एडिट, तो इसकी एक शॉर्टकट कमांड भी होती है ग्रुप पॉलिसी की जीपी एडिट, तो आप उस कमांड के थ्रू भी इसे ओपन कर सकते हो। तो मैं जस्ट इसे ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे को उन पॉलिसीज में थोड़ा सा वर्क करना है, यहाँ पे हमें अलाउ करनी है कुछ चीजें, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमारा विजार्ड ओपन हो चुका है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का, इसे थोड़ा सा यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट में हमारा आदर्श डॉट कॉम का डोमेन है जिसे हम डीसी कह सकते हैं, डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमारा डीसी हमें देखने को मिल रहा है, तो आप नीचे देख सकते हो साइट्स, साइट्स को देखने को मिल रहा है, साइट्स में आप देख सकते हो ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग, ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, डोमेन्स आपको देखने को मिल रहा है आदर्श डॉट कॉम, तो यहाँ पे आदर्श डॉट कॉम का डोमेन है, साथ साथ यहाँ पे फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। तो जस्ट आपको डोमेन पे जाना है, आदर्श डॉट कॉम आपको देखने को मिल रहा है, आपको आपका डोमेन देखने को मिलेगा, जस्ट इस पर क्लिक करें एंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी दो चीजें देखने को मिलेंगी। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी फिल्टरिंग में ऑथेंटिकेटेड यूजर्स देखने को मिलेंगे। अब जस्ट इसे रिमूव कर दें, रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप क्या करें ऐड करें, ऐड करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे देखो यूजर ग्रुप या बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रपोजल, मतलब इन सब चीजों में तीनों चीजों में यूजर भी दे सकते हो, ग्रुप भी दे सकते हो और वो बिल्ट इन वाले यूजर भी दे सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे आदि यूजर मैंने बनाया हुआ था ग्रुप, तो आदि यूजर मैं जस्ट यहाँ पे दे देता हूँ और चेक नेम करता हूँ, तो यहाँ पे आदि यूजर नाम से नहीं था आई थिंक, दोबारा से देखना पड़ेगा हमें यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाके, तो यूजर्स एंड कंप्यूटर में जो पर्टिकुलर हमने उस ग्रुप का नाम दिया था वही नाम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमने इसका नाम आदि यूजर ही दिया हुआ था, तो यार कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो यहाँ पे हमने आदि यूजर दिया, चेक नेम कर रहे हैं तो यहाँ पे आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एडवांस पे जाते हैं, एडवांस पे जाने के बाद यहाँ फाइंड नाउ पे जाते हैं,
एंड फाइंड नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे हमें आदि यूजर को देखो ये देखने को मिल रहा है, इसे जस्ट ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आदि यूजर आ जाएगा। ओके कर देते हैं तो यहाँ आदि यूजर आपको देखने को मिल रहा है, ये सिलेक्ट हो चुका है। तो ये कर लिया हमने। इसके बाद ऊपर डिफॉल्ट डोमेन आपको देखने को मिल रहा है, डिफॉल्ट डोमेन पे राइट क्लिक करके एडिट पे चले जाना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, पॉलिसीज में जाना है, विंडोज सेटिंग्स में जाना है। विंडोज सेटिंग्स के बाद यहाँ सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी सेटिंग्स के बाद यहाँ लोकल पॉलिसीज, लोकल पॉलिसीज के बाद यूजर्स राइट, यूजर राइट के बाद अलाउ लॉग ऑन लोकली, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एड यूजर एंड ग्रुप करना है, ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको यूजर्स उस ग्रुप का नाम दे देना है। तो ग्रुप का नाम क्या था हमारा, आदि यूजर। तो मैं जस्ट यहाँ पे आदि यूजर दे देता हूँ और जस्ट चेक नेम कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसके बाद हमारा जो काम है वो पूरा का पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रुप पॉलिसीज है वो लग चुकी है, तो इनको अपडेट भी करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे हमें एक कमांड चलानी पड़ेगी अपनी सीएमडी में। तो जस्ट मैं यहाँ सीएमडी ओपन कर लेता हूँ और एक कमांड आपको यहाँ पे चलानी है जो कि पॉलिसीज को अपडेट कर देगी। तो यहाँ पे आपको पॉलिसीज को अपडेट करने के लिए कमांड चलानी है, तो मैं यहाँ कमांड बता देता हूँ क्या है। कमांड है आपकी जीपी अपडेट फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं इसे, फोर्स। फोर्सली यहाँ पे ये हमारी जो पॉलिसीज हैं वो अपग्रेड हो जाएंगी या फिर अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेटिंग पॉलिसी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो पॉलिसीज हैं वो देखो, कंप्यूटर पॉलिसीज अपडेटेड हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो जस्ट हमने यहाँ पे पॉलिसीज भी अपनी कर ली है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको यहाँ पे ऑल्ट और F4 की मदद से यहाँ पे स्विच यूजर करा लेता हूँ एंड अपने दूसरे यूजर्स को यहाँ पे लॉग इन कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी यूजर जो है वो लॉग आउट हो चुका है। जस्ट मैं यहाँ पे दूसरे यूजर को इनपुट करा के देखता हूँ या फिर लॉग इन करा के देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास विराज था, विराज को जस्ट मैं यहाँ लॉग इन करा के देखता हूँ कि ये लॉग इन हो पाता है या नहीं होता है। तो मैं जस्ट इसका पासवर्ड डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट कर लिया था। तो नया पासवर्ड मैं यहाँ जस्ट इनपुट करके एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लीज वेट अप्लाइंग यूजर सेटिंग प्रिपेयरिंग विंडोज एंड जस्ट यहाँ पे हमारा जो यूजर है वो लॉग इन कर चुका है हमारे इस सिस्टम पे, यानी हमारे इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें वो लॉग इन कर चुका है एंड यहाँ पे हमारा जो मेन यूजर है वो ओपन हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको सारा इंटरफेस सेम वही दिखेगा, पूरा जो भी होगा सर्वर मैनेजर। लेकिन यहाँ पे जब भी आप सर्वर मैनेजर आपकी खोलोगे तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम ये सब आपको देना पड़ेगा, बिकॉज ये एक अलग यूजर है। अगर मैं आपको इस यूजर को दिखाऊं तो जस्ट मैं यहाँ विंडो प्लस आर प्रेस करता हूँ और जस्ट lusrmgr.msc पे जाके आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कौन सा यूजर है। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे आपको परमिशंस देनी पड़ेंगी, आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे और भी तरीके हैं, आप जाके देख सकते हो कि ये कौन सा यूजर है। अगर मैं आपको दिखाऊं कौन सा यूजर हमने यहाँ पे लॉग इन कर रखा है, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप यूजर अकाउंट्स पे जाओ। यूजर अकाउंट ये रहा हमारा यूजर अकाउंट और आप यहाँ पे देख सकते हो विराज नाम का हमारा यहाँ पे यूजर लॉग इन हो चुका है। आई होप गाइस इस तरीके से कैसे हम यहाँ पे यूजर्स को लॉग इन कराते हैं, किस तरीके से यूजर और ग्रुप बनते हैं, इतना आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी। तो जस्ट मैं इसको भी स्विच यूजर करा लेता हूँ। स्विच यूजर के बाद अब मैं यहाँ पे आपको डोमेन ज्वाइन करा के दिखाने वाला हूँ। तो डोमेन किस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन होता है वो मैं अब यहाँ पे बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट अपना एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे लॉग इन करा लेता हूँ। मैं तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर का जो हमारा पासवर्ड है वो हम यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉगिन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेटर एंड इसका सर्वर मैनेजर देखो बिना किसी क्रेडेंशियल के ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो हमने वहाँ पे यूजर को अपने लॉगिन करा लिया। तो यहाँ पे हमने यूजर भी बना लिया, ग्रुप भी बना लिया एंड इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे यूजर्स को लॉगिन भी करा दिया है। तो इसी तरीके से हम किसी भी मशीन में करा सकते हैं जो कि हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट है। तो अब हम कनेक्ट करने के लिए दूसरी मशीन्स को उनको डोमेन ज्वाइन कराना पड़ेगा, तभी उन मशीन्स में हम उस यूजर्स को इनपुट ले सकते हैं या फिर लॉगिन करा सकते हैं। तो हम कैसे उन सिस्टम को अपने डोमेन में ज्वाइन कराएंगे, तो तभी तो कनेक्ट होंगे। तो किस तरीके से डोमेन में ज्वाइन कराया जाता है अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखो हमारा विंडोज सर्वर 2016 ओपन है, मेरे पास यहाँ पे विंडोज 10 की ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन है। तो जस्ट मैं इसे भी यहाँ पे पावर ऑन करा दूंगा, मतलब इसे भी स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो इसे फटाफट से ओपन होने देते हैं एंड यहाँ पे हम तब तक कुछ और काम कर लेते हैं। जस्ट लाइक क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे सर्वर मैनेजर तो ऑटोमेटिकली ओपन है, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे ncpa.cpl डालेंगे, यानी हमारे एडाप्टर सेटिंग्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईथरनेट 0 आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम इसके,
प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप देख सकते हो इसमें मैनुअली आईपी ऑलरेडी दी हुई है, तो जस्ट इसको ऑप्टेन ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ ईथरनेट जीरो है वो आपको अभी देखने को मिल रहा है, आदर्श.com हमारा डोमेन आ रहा है। प्रॉपर्टीज में दोबारा जाएंगे, आईपी वर्जन 4 पे जाएंगे, यहाँ यूज फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे जाएंगे एंड जस्ट यहाँ पे एक अच्छा सा आईपी एड्रेस दे देंगे, जैसे 10.0.0 डॉट और इसका आईपी एड्रेस दे देते हैं 5 और जस्ट इसको सबनेट मास्क है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से दे देते हैं 255.255.255.0 और डिफॉल्ट गेटवे में यहाँ पे इसका 10.0.0.1 रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्रिफर्ड जो DNS है वो भी हम यहाँ पे 10.0.0.1 ही रखते हैं। इतना हमने कर दिया, जस्ट मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे जैसे ही क्लिक करूंगा एक बार इसे डिसेबल कर लेता हूँ और इसके बाद दोबारा से इसे इनेबल कर लेता हूँ ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। तो रिफ्रेश होकर अभी आइडेंटिफाइंग कर रहा है, अगर हमारे यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ आ रहा है तो सब कुछ परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पे आगे डोमेन स्टेटस पे देखता हूँ, डिटेल्स पे देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी DHCP इनेबल भी नहीं है और यहाँ पे हमारी मैनुअल आईपी आ रही है आईपी वर्जन 4 की। तो 10.0.0.5 इसकी आईपी है और इसका गेटवे और DNS 10.0.0.1 है, ठीक है, ये आप याद रखना इन क्रेडेंशियल्स को। जस्ट अभी इसे क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने के बाद यहाँ विंडोज 10 पे जाके देखते हैं तो ये भी देखो हमारी यहाँ पे लोड हो चुकी है। तो यहाँ पे तोमर नाम का ऑलरेडी मेरा यूजर बना हुआ था, जब ये विंडोज इंस्टॉल हो रही थी तब मैंने बनाया था एंड जस्ट इसको हम पासवर्ड से लॉगिन करा लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने इसका पासवर्ड दे दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूजर लॉगिन हो चुका है। तो ये तोमर नाम का यूजर है एंड ये एक दूसरी मशीन है विंडोज 10 की। सर्वर हमारा ये रहा और विंडोज 10 हमारी ये रही, तो ये रहा हमारा सर्वर। तो सर्वर को जस्ट यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं वापस से, तो यहाँ पे इसको भी पासवर्ड दे देते हैं इसका और जस्ट इसे लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा सर्वर ये रहा एंड यहाँ पे हमारी दूसरी मशीन है। तो यहाँ पे हमने इसका जो आईपी अभी देखा था मैं दोबारा से आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ कि आईपी क्या था हमारा पास, ncpa.cpl आदर्श.com एडेप्टर में लिखा हुआ आ रहा है। स्टेटस पे जाएंगे, डिटेल्स पे जाएंगे तो आईपी हमें देखने को मिल रहा है, तो 10.0.0.5 और DNS सर्वर और हमारा यहाँ डिफॉल्ट गेटवे एक है, सेम है, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पे करते हैं विंडोज 10 पे चलते हैं, विंडोज 10 पे चलने के बाद यहाँ पे भी हम एडेप्टर सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं, तो ncpa.cpl तो यहाँ एडेप्टर सेटिंग्स हमारी ओपन हो जाएंगी जो कि अभी आप देख सकते हो अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क पे आ रही है। तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप देख सकते हो आईपी वर्जन 4 पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली अभी आईपी ले रहा था अब मैनुअली लेना है। तो मैनुअली लेने के बाद जस्ट मेरे को उसी नेटवर्क में इसकी भी आईपी दे देनी है ताकि हम एक नेटवर्क में आ जाए। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसकी आईपी दे देता हूँ 10.0.0.6, उसकी 5 थी इसकी 6 दे देते हैं। सबनेट पासवर्ड भी उसी के हिसाब से दे देते हैं, तो 255 तीन ऑक्टेट में था तो तीन ऑक्टेट में 255 कर दिया, एक ऑक्टेट में 0 रहने देंगे। इसके बाद हम सेम उसका गेटवे और उसका DNS सर्वर हम यहाँ पे सिमिलर दे देंगे, तो ठीक है हमने सिमिलर दे दिया है और जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे जाके देखेंगे तो 10.0.0.5 इसकी है, तीन सबनेट मास्क में तीन ऑक्टेट पे 255 है और गेटवे और सर्वर एक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटस पे इस पे देखेंगे, स्टेटस पे जाके डिटेल्स पे जाके तो इसकी 6 हो गई है एंड इसका सबनेट सेम है और इसमें भी डिफॉल्ट गेटवे और सर्वर एक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, जस्ट यहाँ पे फायरवॉल दोनों साइड से आपको ऑफ कर देनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे firewall.cpl लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फायरवॉल ओपन हो जाएगी। जस्ट मैं यहाँ टर्न ऑफ पे क्लिक जाऊंगा और यहाँ पे जस्ट टर्न ऑफ कर दूंगा हम यहाँ पे फायरवॉल। तो मेरी जो फायरवॉल है इस वाले सिस्टम की ऑफ हो चुकी है, जस्ट इस वाले सिस्टम पे भी जाना है एंड सर्वर की भी मेरे को यहाँ पे फायरवॉल अपनी अभी कुछ देर के लिए बंद करनी पड़ेगी। वैसे हमें यहाँ पे फायरवॉल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिंपली एक फायरवॉल में रूल भी बना सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक्सटर्नल नेटवर्क से आए हुए जो भी कंप्यूटर से उनको कनेक्ट हो सके, तो हम रूल भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम रूल नहीं बना के सिंपली इसको ऑफ करा रहे हैं, तो ऑफ करा दी है। तो मैंने दोनों साइड की फायरवॉल ऑफ कर दी है। जस्ट मैं यहाँ पे अपने सर्वर पे जाके CMD ओपन करूंगा, CMD ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक बार कमांड चलाऊंगा आईपी कॉन्फिग की। तो मुझे यहाँ पे देखो 10.0.0.5 आईपी सबनेट मास्क में तीन ऑक्टेट में हमारा यहाँ पे 24 बिट का देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट गेटवे लिखा हुआ आ रहा है। जस्ट इस मशीन पे भी जाते हैं और जस्ट यहाँ पे भी हम CMD को ओपन कर लेते हैं। CMD ओपन करने के बाद यहाँ पे भी आईपी कॉन्फिग डालते हैं, तो यहाँ पे भी देखो आईपी उसी रेंज की आ रही है, बस यहाँ पे 5 की जगह 6 हो रही है, सबनेट सेम है और डिफॉल्ट गेटवे भी सेम है। तो पिंग करा के देख लेते हैं, मैं जस्ट यहाँ पिंग लिखता हूँ और पिंग 10.0.0.5 पिंग कराते हैं, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पिंग हमारा सक्सेस हो रहा है एंड यहाँ पे भी हम पिंग करा लेते हैं 6 वाली मशीन से, तो 10.0.0.6 तो यहाँ पे भी आपका पिंग हो रहा है, इसका मतलब दोनों मशीन्स आपस में एक ही नेटवर्क में आ चुकी हैं। सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे कंफर्मेशन हो चुका है कि ये दोनों मशीन्स
एक ही नेटवर्क में है, तो एक ही नेटवर्क में है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, देखो कुछ भी नहीं करना, अपनी जो क्लाइंट मशीन है, जो कि हम क्लाइंट बनाना चाहते हैं, यूजर बनाना चाहते हैं अपने नेटवर्क का, उस वाली मशीन पे जाना है, एंड यहीं पे आपको जो भी काम करने करने हैं। तो जस्ट इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एंड यहाँ पे आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप अभी दिस पीसी में जाओगे, और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे आप, और यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज ओपन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आप वर्क ग्रुप में हो, यानी आप सिंगल यूजर हो अभी, और आपका डेस्कटॉप का नाम यहाँ पे ये आ रहा है लिखा हुआ। चेंज सेटिंग्स पे आप जाओगे, तो चेंज सेटिंग्स पे जैसे ही आप जाओगे, तो यहाँ पे आपके पास चेंज सेटिंग करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ चेंज पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप का अपना नेम भी दे सकते, और जस्ट यहाँ पे आप डोमेन पे अगर आप यहाँ पे टिक करोगे, या फिर आप जो भी कहो इसे रेडियो बटन, यहाँ पे रेडियो बटन पे टैप करोगे, तो डोमेन का यहाँ पे आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको वहाँ पे अपना डोमेन दे देना है, जिस डोमेन पे आपको ज्वाइन होना है। तो जस्ट लाइक मेरे को आदर्श डॉट कॉम पे ज्वाइन होना है, तो मैं डॉट कॉम भी दे सकता हूँ, और सिंपली उस डोमेन का नाम भी दे सकता हूँ, रूट डोमेन कहते हैं जिसे, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे रूट डोमेन दे दूंगा, दोबारा से डाल के दिखा देता हूँ, सिर्फ रूट डोमेन का नाम दिया है मैंने। इसके बाद देखो ये हमारा जो ये थोड़ी सी सिंकिंग लेगा, एंड सिंकिंग लेने के बाद आप देख सकते हो कंप्यूटर नेम और डोमेन चेंजेस आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आदर्श डोमेन है हमारा जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो एक बार हमें एडमिनिस्ट्रेटर से इसे लॉगिन कराना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर मैंने दे दिया आदर्श एडमिनिस्ट्रेटर, एंड जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का मुझे यहाँ पे एक बार पासवर्ड दे देना है। तो जो मेरा पासवर्ड था वो मैं पासवर्ड भी दे के ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जो हमारी ये वाली मशीन है वो एज अ क्लाइंट या फिर एज अ यूजर बन जाएगी कहाँ की, आदर्श डॉट कॉम के डोमेन की। तो यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल फिल कर दिए हैं, एंड यहाँ पे हमने डोमेन कौन सा चुना था, आदर्श डॉट कॉम, और आदर्श कौन से में बना हुआ था, हमारे सर्वर 2019 वाली जो मशीन थी उसमें हमने कन्फिगर किया था। तो जस्ट हमने दोनों को एक सिमिलर नेटवर्क में लाए हैं, और सिमिलर नेटवर्क में लाने के बाद जस्ट इस वाले सिस्टम को हमने डोमेन में ज्वाइन कराया है, उस पर्टिकुलर उस डोमेन पे जो कि डीसी हमारा कन्फिगर था, उस फॉरेस्ट में जो कि हमारा सर्वर में इंस्टॉल था, सर्वर में उसके रोल इंस्टॉल थे। तो जस्ट हमारे ये वाली मशीन है, अब ये मशीन हमारी क्या हो जाएगी, एज अ क्लाइंट या फिर एज अ यूजर वर्क करेगी, एज अ यूजर बन जाएगी हमारी उस डीसी की। तो अब मैं उस डीसी में जो भी हमने यूजर बनाए थे, जैसे कि हमने विराज और वीरू बनाए थे, वो भी हम यहाँ पे इस मशीन में भी लॉग इन करा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे यूजर ग्रुप बनते हैं, साथ ही साथ डोमेन किस तरीके से ज्वाइन होता है वो बता दिया आपको, साथ ही साथ यूजर्स किस तरीके से लॉग इन करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ग्रुप पॉलिसी किस तरीके से वहां पे अपडेट करी जाती है, किस तरीके से ग्रुप पॉलिसीज में फेरबदल करे जाते हैं, और वहां पे आपको किस तरीके से यूजर और ग्रुप को परमिशंस दी जाती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ देर में ही यहाँ पे हमारे पास वेलकम टू आदर्श डोमेन देखने को मिल गया। जस्ट इस पे ओके करेंगे तो हमारा यहाँ पे रिस्टार्ट होगा सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू मस्ट रिस्टार्ट योर सिस्टम टू अप्लाई दिस चेंजेस, ओके करके यहाँ पे मैं फटाफट से अपने सिस्टम को रिस्टार्ट नाउ कर देता हूँ। तो मेरा जो सिस्टम है यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट होगा, एंड इस बार मैं जब भी अपना सिस्टम खोलूंगा तो मेरे को यहाँ पे मेरा डोमेन ज्वाइन मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे आप क्या करें कि आप जो भी नेटवर्क यहाँ पे यूज करें, तो गाइज यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान जरूर से रखना है कि आपको जो डोमेन है, आपको जो डोमेन जब भी ज्वाइन कराना होता है अपने क्लाइंट के सिस्टम से, तो आपके जो क्लाइंट का सिस्टम होता है वहां पे जो आईपी आप देते हो, वहां पे जो आपको डीएनएस देना होता है वो हमेशा आप सर्वर की आईपी को दें, ठीक है। आपको क्या देना है जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो एक चेंज यहाँ पे करना था, तो वो चेंज मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे करना होता है। तो जस्ट मैं इसे फटाफट से लॉगिन कर देता हूं, तो मैंने इसे लॉगिन कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि सर्वर का जो आईपी है उसका, उसको हमें यहाँ पे डोमेन पे उस जो क्लाइंट होता है उसके डीएनएस में देना होता है। तो जैसे मैं ncpa.cpl करूंगा, स्टेटस पे जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आईपी है 10.0.0.5, ठीक है। तो इस 5 को आपको इस वाली सिस्टम की डीएनएस में देना है। तो जस्ट मैं इसमें ncpa.cpl कर देता हूँ। तो इसके प्रॉपर्टीज में अगर आप जाओगे, देखो यहाँ पे आदर्श डॉट कॉम लिखा हुआ भी आ रहा है, प्रॉपर्टीज में जाओगे और आईपी वर्जन 4 पे जाओगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसमें डीएनएस में उस सर्वर का आईपी दिया है। तो आपको भी उसी सर्वर का आईपी ही यहाँ पे प्रोवाइड करना है, बाकी सब कुछ सेम होगा, आप देख लेना। यहाँ पे मैं एक बार दोनों के क्रेडेंशियल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है, गेटवे और आईपी एक ही नेटवर्क के है। तो आप देख सकते हो नेटवर्क में आपकी आईपी एक ही है, उसकी 5 है, इसकी 6 है, और सबनेट आपका 255.0.0.0 कर दिया, ये आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। गेटवे सेम है दोनों का, 2 2 सेम है। यहाँ पे सर्वर में आपका डीएनएस कितना है, 5, और आईपी भी 5, तो यहाँ पे भी आपका 5 होगा। मतलब जो सर्वर की आईपी रहेगी उस आईपी को आपको डीएनएस में दे देना है, तभी आपके जो
क्लाइंट मशीन्स है वो आपके डोमेन में कनेक्ट हो पाएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्ट है, दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाके हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं आदर्श डॉट कॉम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे डोमेन में कनेक्टेड है। अगर मैं चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करूँ, चेंज पे जाऊं और मैं इसे वर्क ग्रुप में वापस लाना चाहूँ, तो वर्क ग्रुप में लाने के लिए मैं वापस से डोमेन को सिंपली यहाँ से हटा सकता हूँ, डोमेन को हटा दूंगा और यहाँ वर्क ग्रुप को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो ये मैं वर्क ग्रुप में आ जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं वापस भी जा सकता हूँ, तो मैं अभी वापस नहीं जाना चाहता तो मैं जस्ट इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप डोमेन भी ज्वाइन करा सकते हो अपने किसी क्लाइंट मशीन को आपके अपने खुद के डोमेन से। तो गाइस अब यहाँ पे हम DNS और DHCP का कॉन्सेप्ट समझने वाले अपने विंडोज के सर्वर में। तो गाइस DNS और DHCP दोनों में ही काफी ज्यादा अंतर होते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है और दोनों के रूल्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से इंस्टॉल होते हैं प्रैक्टिकली हम यहाँ जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ बातें जान लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले DNS के बारे में जानते हैं। DNS क्या होता है गाइस? DNS आपका होता है डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। तो मैं यहाँ पे जस्ट डोमेन लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर का कलर हम येलो कर देते हैं या फिर कोई डिफरेंट सा कलर ले लेते हैं, जस्ट लाइक व्हाइट ले लेते हैं। तो डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम, तो जस्ट लाइक हम इसका नाम देते थे डोमेन नेम सर्वर। तो ये एक तरीके की ऐसी सर्विस होती है जो कि आपकी किसी भी पर्टिकुलर IP को आपके एक पर्टिकुलर नाम दे देती है और उस नाम से ही उस लोकेशन को, उस टारगेट को पहचाना जाता है या फिर उस पर्टिकुलर चीज को पहचाना जाता है या IP को पहचाना जाता है। बिकॉज IP हम याद नहीं कर सकते जबकि डोमेन हम याद भी कर सकते हैं। तो डोमेन नेम सर्वर आपके पास ऐसी ही एक यहाँ पे टेक्निक होती है और डोमेन नेम सर्वर से ही DNS जिसे कहते हैं, DNS से ही आप यहाँ पे अपने नेटवर्क्स में एक नेटवर्क में दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करा सकते हो। तो डोमेन नेम सर्वर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप जो DNS है, DNS की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं बहुत ही आसान होती है, कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आपको DNS आपको देना होता है जब भी आप किसी सेम नेटवर्क में जाते हो, उस नेटवर्क में जाते हो जिसमें और आपके एडमिन है या फिर और आपके क्लाइंट्स है, तो आपको उनके DNS में आपको मेन सर्वर का IP देना होता है। तो यहाँ पे DNS ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फ़िगर हो जाता है जब आप ADDS का रोल यहाँ पे इंस्टॉल करते हो, क्योंकि वहां पे हमने DNS को चेक ही रहने दिया था जिसकी वजह से वहां पे DNS का रोल हमारा इंस्टॉल हो चुका था। तो DNS का ज्यादा काम कुछ भी नहीं होता है, थोड़ी बहुत जो यहाँ पे चीजें होती हैं बेसिक्स की होती हैं और कुछ भी नहीं होता है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें DHCP की, तो गाइस DHCP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे सर्वर में। DHCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो डायनेमिक होस्ट लिख दिया मैंने, कॉन्फ़िग लिख देता हूँ, कॉन्फ़िग आप समझ जाना कॉन्फ़िगरेशन होती है और प्रोटोकॉल, ठीक है। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है और ये होती है ऑटोमेटिक आपकी IP प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे ऑटो IP या फिर इसे कहते हैं डायनेमिक IP जो कि ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करी जाती है। तो गाइस दो तरीके से IP हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक में हमें मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी और डायनेमिक में हम बस उसको कमांड दे देंगे और वो एक के बाद एक सभी सिस्टम्स को प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो DHCP का कॉन्सेप्ट होता है, तो DHCP हमारे यहाँ पे लोड हमारा कम कर देती है कि हमें जैसे 100 सिस्टम है हमारे क्लाइंट 100 सिस्टम है, 100 सिस्टम हमारे एज अ क्लाइंट जुड़ना चाहते हैं हमारे डोमेन से, तो पर्टिकुलर हर एक सिस्टम को एक मैनुअल IP देना बहुत ज्यादा क्रिटिकल काम हो जाता है एंड काफी ज्यादा यहाँ पे बर्डन आ जाता है। तो हम क्या करते हैं DHCP इनेबल कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हर सिस्टम को अपनी IP मिलती चली जाती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी हो जाती है और साथ ही साथ सबको ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड हो जाती है, कोई भी यहाँ कॉन्फ्लिक्शन वाली दिक्कत आती ही नहीं है। तो एक फायदा ये हो गया DHCP का। वहीं DHCP हम यहाँ पे यूज करते हैं ताकि हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली IP मिल जाए और यहाँ पे हमारा जो DHCP होता है वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए यहाँ पे एडवांटेज देता है तब जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे डोमेन में बहुत सारे सिस्टम ज्वाइन होना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पे DHCP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इसे इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे DHCP जो है इसके हमने यहाँ पे लोड बैलेंसिंग वाली खासियत जान ली, ऑटो IP ये प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आपके DHCP में कुछ चीजें होती है, जस्ट लाइक यहाँ पे आपका एक्सक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन के साथ साथ यहाँ पे आपकी बहुत सारी और चीजें होती है, जस्ट लाइक रिजर्वेशन होता है, इसके बाद रिजर्वेशन के बाद यहाँ पे उसकी पॉलिसीज भी होती है, पॉलिसीज के बाद बहुत सारी और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमें यहाँ पे देखने पड़ते हैं। तो मैंने आपको रिजर्वेशन बताया, एक्सक्लूजन बताया, एक्सक्लूजन के बाद यहाँ पे मैंने आपको पॉलिसीज बताई और इसी के साथ साथ एक स्कोप होता है। तो ये स्कोप क्या होता है गाइस, मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आगे भी जानेंगे। तो गाइस पॉलिसी होती है एक, एक स्कोप होता है और एक आपका रिजर्वेशन होता है, एक आपका एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। ये चार फैक्टर्स होते हैं आपके DHCP के रोल के अंदर। तो एक्सक्लूजन में हम उन IPs को देते हैं जिन IP को हमें
आपने डीएससीपी में नहीं लाना होता, ठीक है। एक्सक्लूजन में हम उन आईपीस को प्रोवाइड करते हैं जो कि हम अपने नेटवर्क में नहीं चाहते या रिजर्व होती हैं पहले से। तो एक्सक्लूजन वो होती है जो कि एक्सक्लूड करना चाहते हैं अपने नेटवर्क से, ठीक है। इसके बाद रिजर्वेशन में हम उन आईपीस को प्रोवाइड करते हैं जो कि पर्टिकुलर सिस्टम का मैक भी देना पड़ता है इसमें, कि हम इस सिस्टम को यही वाली आईपी प्रोवाइड करना चाहते हैं, बाकी किसी भी सिस्टम को कोई भी आईपी मिल जाए, तो वो होता है रिजर्वेशन का काम। इसके बाद आता है आपका पॉलिसीज। तो कोई आप पॉलिसी लगाना चाहते हो कि यहां से यहां तक ही आईपी आए और यहां से यहां तक आईपी हो, इस तरीके की आपको कोई भी पॉलिसी लगानी है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगानी है, कोई भी लिमिट लगानी है, तब हम पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्कोप होता है। तो स्कोप में हम यहाँ पे अपना क्राइटेरिया देते हैं कि कहां से कहां तक की आईपी हम यहाँ पे इस नेटवर्क में चाहते हैं अपने क्लाइंट के सिस्टम्स पे। तो ये चार फैक्टर्स होते हैं हमारे पास डीएससीपी में, और इसी के साथ साथ डीएनएस का रोल मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है तो इसका ज्यादा कोई काम नहीं होता है, तो इसको अभी हम यहाँ स्किप करते हैं। डीएससीपी हम अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, डीएससीपी कहां से किस तरीके से इंस्टॉल करा जाता है, किस तरीके से हम क्लाइंट मशीन में डीएससीपी की मदद से आईपी ले सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं अपने स्क्रीन पे विंडोज के सर्वर पे एंड यहाँ पे डीएससीपी को इंस्टॉल करके देखते हैं और अपने क्लाइंट मशीन में डीएससीपी की मदद से हम आईपी एड्रेस को लेंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने सर्वर पे। अगर मैं विंडो प्लस आर प्रेस करके ncpa.cpl पे जाऊं और यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हो डिटेल्स पे जाता हूं, तो यहाँ पे हमें अभी डीएससीपी इनेबल देखने को नहीं मिल रहा है। तो डीएससीपी अभी इनेबल नहीं है और यहाँ पे आईपी वर्जन 4 की आईपी है, वही वाली आईपी है। तो जस्ट इसे अभी यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जस्ट हम यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाएंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी आईपी एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डीएससीपी सर्वर का रोल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखो डीएनएस सर्वर हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हमें इस पर छेड़छाड़ी नहीं करनी है। यहाँ पे डीएससीपी को क्लिक करना है, ऐड फीचर पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका डीएससीपी सिलेक्ट हो जाएगा। जस्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें, यहाँ पे भी नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें, यहाँ पे रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, तो इसको आप टिक कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आपकी सर्विस रिफ्रेश हो जाए। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दे, इंस्टॉल के बटन पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपका इंस्टॉलेशन इस फीचर का यानी डीएससीपी फीचर का स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट से इसे पूरा होने देते हैं एंड अगर इसमें रिक्वायरमेंट होगी रिस्टार्ट की तो ये रिस्टार्ट भी हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा फीचर है इंस्टॉलेशन उसका पूरा हो चुका है। देखो आप इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल लिखा भी आ रहा है, जस्ट मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको अलर्ट देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन पे, आप यहाँ पे जाओ कंप्लीट डीएससीपी कॉन्फिग्रेशन आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप जस्ट इस पे चले जाओ और यहाँ पे आपका डीएससीपी का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम क्रेडेंशियल में दे सकते हो, नहीं तो जस्ट आप यहाँ पे कमेंट कर दो। कमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका डीएससीपी है ऑथराइज हो जाएगा, आप क्लोज कर दो। तो यहाँ पे हमारा जो डीएससीपी है वो इनेबल हो चुका है, आप देख सकते हो पूरी तरीके से फीचर इंस्टॉल होके उसको डिप्लॉय हमने कर दिया है। तो यहाँ पे आपका डीएससीपी आप देख सकते हो बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो रोल है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हमें यहाँ पे डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही मशीन्स की अभी जो आईपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट कर दी थी, तो मैं एक बार आपको ncpa.cpl पे जाके दिखा देता हूँ। तो जो हमारा ये सर्वर है, सर्वर में मैं आपको पहले दिखाता हूँ ncpa.cpl पे जाके adarsh.com मेरा, देखो यहाँ पे डोमेन भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊँ और यहाँ आईपी वर्जन 4 पे जाऊं तो अभी आप देख सकते हो इसकी मैनुअल आईपी मैंने दे रखी है 10.0.0.100। वही सबनेट मास्क में हमने सिर्फ 8 बिट का दे रखा है सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे हमारा 10.0.0.1 है एंड सर्वर जो हमारा डीएनएस सर्वर है वो भी हमने 10.0.0.1 ही सेट कर रखा है। ओके कर देते हैं। तो ये हमारा सर्वर का एडाप्टर था और सर्वर में हमने स्टैटिक आईपी दे रखी है। तो हमने यहाँ पे डीएससीपी का रोल यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया और हमारा ऑटोमेटिकली डीएनएस का रोल इंस्टॉल्ड था पहले से, जैसे ही हमने ईडीडीएस किया था डीएनएस हमारा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका था। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डीएनएस पे जाके दिखाऊं तो यहाँ हमारा ऑलरेडी डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड है, आप देख सकते हो आदि पीसी के अंदर हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में हमारा adarsh.com है, adarsh.com में जितने भी पीसी है, जैसे ये वाला पीसी है इसको ये वाला आईपी हमने मैनुअल दिया था, इससे पहले आदि पीसी आदि तोमर वाले पीसी में ये वाला आईपी दिया था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको उन सभी के फॉरवर्ड लुकअप जोन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पीसी कौन से मतलब आईपी से रिजॉल्व हो रहा है वो आपको यहाँ पे उसका डाटा एंट्री देखने को मिलेगी। तो स्टैटिक दे रखी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, डीएनएस तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है तो हमें डीएनएस तो करना नहीं है, तो आपका भी ऐसे ईडीडीएस के साथ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डीएससीपी को कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो मैंने आपको इसकी एक बार और आईपी दिखा देता हूँ। आईपी वैसे दिखा दी है मैंने,
ये आप देख लो यहाँ पे इसकी आईपी 100 है और यहाँ पे गेटवे और डीएनएस 11 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और 20 यहाँ पे आपका 8 बिट का सबनेट मास्क यानी एक ऑक्टेट में। ओके ओके, जस्ट इसे क्लोज करते हैं, डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो अभी दूसरी मशीन पे जाता हूँ, दूसरी मशीन पे विंडो प्लस आर प्रेस करता हूँ, ncpa.cpl पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। तो यहाँ पे भी अभी हमने मैनुअल आईपी दे रखी है, उसकी 100 थी, इसकी 112 है और सबनेट मास्क सेम है। और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे में हमने उसका टारगेट आईपी दे रखा था, मतलब ये जो था हमारा गेटवे और ये जो हमारा डीएनएस है, यह हमारा आईपी है सर्वर का, ताकि जो हमारा डोमेन है वो कनेक्ट हो सके इस मशीन से, इसलिए मैंने दिया है। तो अगर आपका डोमेन कनेक्ट नहीं हो रहा आपके सर्वर से किसी दूसरे क्लाइंट मशीन का, तो आपको उस सर्वर का आईपी देना है गेटवे और डीएनएस में, तब आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो यहाँ पे आपने देख लिया इसके क्रेडेंशियल्स क्या थे। तो अगर मैं अभी इसको प्रॉपर्टीज पे जाऊं, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आईपी वर्जन 4 पे, यहाँ पे ये मैंने दिखा दिया आपको, अगर मैं यहाँ पे अभी ऑप्टेन ऑटोमेटिकली कर दूं, ओके कर दूं, तो यहाँ पे जो हमारा ये इथरनेट स्टेटस पे जाऊं और यहाँ डिटेल्स पे जाऊं, तो आप देख सकते हो लोकल डोमेन से ये ले रहा है हमारा डीएनएस, और यहाँ पे डीएससीपी इनेबल है यस, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी वर्जन आ रहा है 192.168 से, यानी ये कहीं और से उठा रहा है, कहीं और के डीएससीपी सर्वर से उठा रहा है। तो हम अभी के लिए इसे डिसेबल कर देते हैं, अब यहाँ चलते हैं और जस्ट यहाँ टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद डीएससीपी पे जाएंगे, डीएससीपी पे जाने के बाद यहाँ पे हमें एक नया स्कोप क्रिएट करना है। स्कोप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है स्कोप क्या होता है, राइट क्लिक करूंगा मैं इस पे आदि पीसी पे आईपी वर्जन 4 पे, तो आईपी वर्जन 4 पे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। न्यू स्कोप पे जाना है आपको, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको अपना डीएससीपी का नाम देना है, डीएससीपी पूल दे देता हूं मैं, और यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, तो डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं यहाँ पे, तो जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, जस्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आईपी रेंज देनी है, तो यहाँ पे हमें आईपी रेंज देनी है अपने नेटवर्क के हिसाब से, तो मेरा 10.0.0.100 इसकी आईपी है, तो मैं यहाँ पे 105 से स्टार्ट करना चाहता हूँ आईपी, और कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, मैं ले जाना चाहता हूँ 10.0.0.150 तक। तो यहाँ पे कितने 45 क्लाइंट्स मेरे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसकी सबनेट लेंथ 8 बिट दे रखी है मैंने, यानी एक ऑक्टेट में 255। ओके, यही थी हमारी। तो भाई इसको कुछ नहीं छेड़ना, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। एक्सक्लूजन्स, अब आपको कौन सी आईपी यहाँ से हटानी है, तो एक्सक्लूजन भी मैंने आपको बताया था, स्कोप भी बताया था वहां पे, तो यहाँ एक्सक्लूड कर देते कुछ आईपीज, जस्ट लाइक 10.0.0.10 से लेकर मुझे 15 तक की आईपी नहीं देनी किसी भी सिस्टम को, मैं उनका रिजर्वेशन बना लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप 10 से 15 के बीच की आईपी किसी को भी प्रोवाइड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हमारी रेंज के बीच में ही नहीं आ रही, सॉरी 110 से लेनी थी हमें, 110 से 115 के बीच, तो यहाँ पे 110 से 15 की आईपी किसी को भी नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। 8 देश की यहाँ पे हमारे पे लीज ड्यूरेशन है, तो लीज की ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो आवर्स में, मिनट्स में, डेज में, जो जिसमें भी आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। मैक्सिममली आप 999 डेज की कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे करनी है जो भी आपको चाहिए। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर कॉन्फ़िगर डीएससीपी ऑप्शन, अभी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, हाँ भाई अभी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो इसकी रेडियो बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद राउटर की यहाँ पे आईपी देनी है, तो राउटर की जो आपकी आईपी है आप जस्ट वहां पे प्रोवाइड कर दो, ऐड करा दो, और जस्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ ऑटोमेटिकली आपका डीएनएस आया हुआ लिखा हुआ मिलेगा, आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली जो आपके एडेप्टर का डीएनएस का जो वहां पे आपकी डीएनएस है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। मेरा 1 है, मैंने ऑलरेडी आपको क्रेडेंशियल में पहले दिखा दिया था कि किस तरीके से मेरे यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है मेरे सर्वर पे, तो मेरा 1 था इसमें, तो ठीक है मैं 1 ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। विंस सर्वर हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा स्कोप है वो अभी हमें एक्टिवेट करना है या नहीं करना है, हाँ भाई एक्टिवेट करना है, इसीलिए तो काम कर रहे हैं, तो यस के बटन पे टिक करके नेक्स्ट कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। हमारा डीएससीपी पोल यहाँ देखो एक्टिव हो चुका है, बन चुका है पूरा स्कोप। इसको क्लिक करूंगा, एड्रेस पूल में जाऊंगा, एड्रेस पूल में आप देख सकते हो 105 से 150 की आईपी रेंज है, जिसमें हमने एक्सक्लूड करा है 110 से 115 के बीच की रेंज, यानी ये 5 आईपी किसी भी सिस्टम को नहीं प्रोवाइड होंगे। तो एड्रेस लिस्ट में वो सारी डाटा एंट्रीज होंगी जिस सिस्टम को हम यहाँ पे डीएससीपी प्रोवाइड करेंगे, या डीएससीपी से वहां पे ऑटोमेटिकली आईपी वो क्लाइंट लेंगे, उनकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। रिजर्वेशन में हम रिजर्व कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर आईपी किसी पर्टिकुलर मैक एड्रेस वाले सिस्टम को, कि ये आईपी इस सिस्टम को मिले तो वो हम यहाँ रिजर्वेशन उसका कर सकते हैं। बाकी स्कोप ऑप्शन में आपको डीएनएस सर्वर और डोमेन नेम और राउटर, इनकी आईपी और इनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं आप पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू पॉलिसी बनाना चाहो, पॉलिसी आप इस तरीके से बना सकते हो कि हर 5 घंटे में हर सिस्टम को एक नई डीएससीपी आईपी मिले, इस तरीके से यहाँ पे पॉलिसीज भी आप जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ हमने पूल क्रिएट कर दिया, पूल क्रिएट करने के बाद जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने इस वाले सिस्टम पे जाना है, इसके जो एडेप्टर्स हैं इसे जस्ट ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद
हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ आईपी वर्जन 4 पे जाएंगे और यहाँ पे आपका ऑप्टेन ऑटोमेटिकली था, जस्ट इसको ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसका स्टेटस पे जाएंगे, स्टेटस के बाद डिटेल्स में जाएंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो आईपी वर्जन है वो आईपी वर्जन 4 में 10.0.0.105 आ रहा है और यहाँ पे सबनेट मास्क का भी सब देख सकते हो। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ और अपने विंडोज सर्वर पे चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो एड्रेस पूल था उसमें 105 से हमने आईपी देना स्टार्ट किया था 150 तक, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सक्लूड करी थी 110 से 115 तक आईपी। एड्रेस लिस्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप N6AAPP हमें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और इसकी कब आईपी प्रोवाइड करिए, टाइमिंग DHCP टाइप ये भी लिखा आ रहा है और क्या आईपी थी 105 जो कि इस सिस्टम में हमें मिल चुकी है। तो अगर मैं इस सिस्टम का नाम देखूं तो देखो प्रॉपर्टीज में जाऊंगा दिस पीसी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप N6AAPP4 और यहाँ पे क्या है N6AAPP और आप देख सकते हो 4.adarsh.com और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम N6AAPP4.adarsh.com, यानी इस सिस्टम को ये आईपी यहाँ पे प्रोवाइड हो चुकी है। तो लीजेस में हमें वो देखने को मिलेगी एंट्री, तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी उस पर्टिकुलर सिस्टम की जिसको DHCP के थ्रू ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड होगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस पूल, यहाँ पे आपको एड्रेस पूल में जब भी चेंज करने आप यहाँ पे कर सकते हो, साथ साथ रिजर्वेशन करने हैं। रिजर्वेशन में क्या, देखो न्यू रिजर्वेशन पे जाता हो तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर रिजर्वेशन का नेम देना है और आईपी एड्रेस पर्टिकुलर देना है कि ये आईपी एड्रेस सिर्फ और सिर्फ इस मैक एड्रेस वाले सिस्टम को प्रोवाइड हो और बस डिस्क्रिप्शन फिल कर देना और ऐड कर देना, तो वहां पे रिजर्वेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। जो आपका स्कोप है उसमें राउटर और DNS सर्वर डोमेन नेम आपके लिखे हुए आते हैं, पॉलिसीज आप क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से आपका आईपी वर्जन 4 में आप DHCP के थ्रू अपने क्लाइंट्स को आईपी प्रोवाइड करते हो ऑटोमेटिक आईपी। वहीं आईपी वर्जन 6 में भी आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं कि आप आईपी वर्जन 6 का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे आपको DHCP किस तरीके से कन्फिगर करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड DNS आपका ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में हो ही जाता है कन्फिगर, अगर आपको वहाँ पे सेटिंग्स करनी तो टूल्स पे आपको DNS भी मिल जाएगा कि आपको पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम का DNS बदलना है या फिर अपने सर्वर का बदलना है, तो वो भी आप यहाँ से फॉरवर्ड लुकअप जोन्स पे जाके अपने डोमेन पे जाके कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा DHCP और DNS का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। तो गाइस अब यहाँ पे हम इंस्टॉलिंग अपग्रेडिंग माइग्रेटिंग सर्वर्स के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि यहाँ पे जो वर्कलोड होता है वर्कलोड किस तरीके से यहाँ पे किन फीचर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा बढ़ता जाता है, किस एडिशन में कितना वर्कलोड होता है या फिर कितना वर्कलोड वहाँ पे मैनेज करने के लिए वहाँ पे कितने फीचर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम सर्वर को माइग्रेट या फिर अपग्रेड या फिर इंस्टॉल यहाँ पे क्या प्रोसेसेस थे, क्या यहाँ पे डिवाइडेशन है या फिर क्या यहाँ पे कैटेगराइजेशन है, वो सब हम यहाँ पे सर्वर से रिलेटेड जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे इंस्टॉलेशन का, इंस्टॉलेशन क्या होता है। गाइस इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपको इतना तो पता होगा कि इंस्टॉलेशन का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या पीस ऑफ किसी भी ऐसी चीज जो भी हम यहाँ पे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं उसका एक प्रोसेस। तो इंस्टॉलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पर्टिकुलर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐसी चीज अपने सिस्टम पे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हो जो कि मतलब एक तरीके से उसका पैकेज वहां पे अपने सर्विस के तौर पे अपने सिस्टम पे खोल के रख देते हो। तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि इंस्टॉलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का मतलब है कि आपका जो विंडोज का सर्वर है आप अपने सिस्टम पे या फिर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल पे इंस्टॉल कर रहे हो जहां से आप अपने पूरे नेटवर्क को मैनेज करोगे, जहां से सारे क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं अपने सर्वर की, चाहे वो लिनक्स सर्वर हो चाहे विंडोज का सर्वर हो, लेकिन यहाँ विंडोज का सर्वर की बात हो रही है, तो उसकी जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है वो होता है क्लीन इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो जिसे कहते हैं क्लीन इंस्टॉल। तो यहाँ पे ये सबसे इजीएस्ट वे होता है सिंपल क्लीन इंस्टॉलेशन, जहां पे हम अपने विंडोज के सर्वर को इंस्टॉल करते हैं मेन जहां पे हमारा कंप्यूटर लगा होता है और वहीं से हम सारा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो क्लीन इंस्टॉलेशन है उसके थ्रू आप अपने जो भी सर्वर है उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको विंडोज के सर्वर 2019, 2016, विंडोज के आपके 2012 जिसमें आपका सेकंड पैक भी आता था और सिंपल फर्स्ट पैक भी आता था, तो इन सभी आप विंडोज के सर्वर को इस क्लीन इंस्टॉलेशन मेथड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो ये आपके बेसिक्स बहुत सारे वर्जन कैटेगराइज होते गए, मतलब अपग्रेड आता रहा हर साल के दौरान। जैसे 2012 में हम इसका यूज करा करते थे, 16 में इसका, अब 1920 हो गया, अब 20 आ गया है, तो 20 में अब 19 का यूज करना चाहिए लेकिन अभी ज्यादा अडॉप्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम बाय टाइम हम इनको कैटेगराइजेशन आता गया और हम इसको अपग्रेड करते चले गए। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है कि यहाँ पे ये तो आपके कैटेगराइजेशन हो गए 12, 16, 19, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशंस भी होते हैं जो हमारे इंस्टॉलेशन का टाइम हमें नहीं होते कि हमें किस टाइप का यहाँ पे
जो सर्वर है वो चाहिए। तो इसी पे डिपेंड करता है कि आपको कितने फीचर्स मिलेंगे और उस फीचर में कितना पेलोड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर 2016 का हम सिनेरियो लेने वाले। सर्वर 2016 में क्या सिनेरियो थे? तो गाइस जो सर्वर 2016 था वो तीन एडिशंस में अवेलेबल था, और जो आपका 2012 था वो भी यार तीन एडिशंस में ही था, और आपका 19 भी आपका तीन ही एडिशन में ज्यादातर देखने को मिलता है। वहां एक दो आपका एडिशन और बना दिए जाते हैं, जैसे वर्क ग्रुप हो गया, तो उस एडिशन की बात नहीं करते। जो मेन हमारे पास एडिशन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला इसेंशियल, दूसरा है स्टैंडर्ड, तीसरा है डेटा सेंटर। तो इसेंशियल क्या है कि भाई जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिसमें 5 से 10 कंप्यूटर होते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में हमें परफॉर्म करना है, उनमें हमें काम करना है, या फिर हो सकता है 25 मैक्सिममली, इससे ज्यादा नहीं, तो उस कंपनी में हम यहाँ पे इस इसेंशियल वाले का भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको ये परचेस करना पड़ता है, तो ऑफकोर्स यार काफी कम कॉस्ट में ये आपको अवेलेबल होगा, एंड साथ ही साथ इसमें पूरी कैपेबिलिटी होगी इतनी रेंज तक कंप्यूटर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने की। तो एक छोटे से बिजनेस के लिए, एक छोटे से ऑफिस के लिए हम इसेंशियल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो वर्चुअलाइजेशन राइट्स इसमें नहीं होते हैं। वर्चुअलाइजेशन जो कि मैंने आपको बता रखा है कि वर्चुअलाइजेशन होता है कि आप मल्टीपल सिस्टम्स को एक ही सिस्टम के अंदर एक ही प्रोसेसर की मदद से चला सकते हो, तो वो राइट इसके पास नहीं होते हैं। यहाँ पे आपका सीपीयू बेस्ड लाइसेंस मिलता है, और यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड देखो 25 से 50 डिवाइसेस लिमिटेड होते हैं, इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते। और यहाँ पे आपकी 64 GB मैक्सिममली रैम की लिमिट होती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीपीयू आप 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते। वही स्टैंडर्ड वर्जन जो आता है, स्टैंडर्ड जो कि काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, इसमें नंबर ऑफ क्लाइंट या नंबर ऑफ यूजर जुड़ने की कोई संख्या नहीं होती है, कितने भी जोड़े जा सकते हैं। यहाँ पे आपके 2 वर्चुअल मशीन आप बना सकते हो, और हाइपरवाइजर का भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जिसे हाइपर वी भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्चुअलाइजेशन नहीं था, यहाँ पे आपको वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है, और ये कोर बेस्ड होता है, ये सीपीयू बेस्ड नहीं होता, ये कोर बेस्ड होता है। और यहाँ पे आपके 512 कोर्स लग सकते हैं। आप देखो कोर्स यहाँ पे इससे रिलेट नहीं करते कि आपके 512 प्रोसेसर वहां लग सकते हैं। आपने सुना होगा डुअल कोर होता है आपका प्रोसेसर, या फिर ऑक्टा कोर होता है, या फिर ऑक्टा कोर के आगे डुअल कोर हो गया, क्वाड कोर हो गया, ये सब होते हैं। तो एक सीपीयू हो सकता है 8 कोर का भी हो सकता है, और 2 कोर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिममली 512 कोर यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपके सर्वर में 8 कोर वाले प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो आप 512 को डिवाइड कर सकते हो, तो उतने नंबर ऑफ प्रोसेसर आप लगा सकते हो। अगर 2 कोर के हैं तब भी आप 512 से डिवाइड कर लो, 256 आ जाएगा यहाँ पे। तो कोर के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितने वहां पे लगा सकते हो। और मैक्सिममली रैम 24 TB, जो कि बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा कोई यूज भी नहीं करता। वैसे डेटा सेंटर यहाँ पे आता है, तो डेटा सेंटर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। इसमें भी आपको अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन, यानी जो आपका वर्चुअलाइजेशन है उसमें अनलिमिटेड आपको देखने को मिल जाता है। कोर बेस्ड होता है इसमें भी, और इसमें भी आप 512 कोर पर सर्वर लगा सकते हो। इसका जो डाटा सेंटर है यही हमारा मैक्सिममली यूज होता है बड़े बड़े नेटवर्क्स में, बड़े बड़े सर्वर्स में, चाहे वो गूगल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, या एप्पल का हो। डाटा सेंटर मॉडल ही हर जगह यहाँ पे यूज होता है, और हम भी यहाँ पे डाटा सेंटर में ही वर्क कर रहे हैं। तो ये है आपके इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में आप देख सकते हो कि डाटा सेंटर स्टैंडर्ड में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। ये आपके फीचर्स हैं जिसे हम कहते हैं रोल्स, रोल्स और फीचर्स भी होते हैं। तो सर्वर के रोल और फीचर आप मान सकते हो ये हैं, और डाटा सेंटर स्टैंडर्ड में जो जो अवेलेबल है उसमें टिक लगा हुआ है, जो इसेंशियल में अवेलेबल है उसमें यहाँ पे लगा हुआ है। तो जस्ट लाइक सर्टिफिकेट सर्विस आपको दोनों में मिल जाती है, डोमेन सर्विसेज दोनों में मिल जाती है, फेडरेशन सर्विसेज दोनों में। तो इस तरीके से आपको काफी सारी, यहां तक तो सारी सर्विसेज मिल रही है, चाहे डीएनएस की हो, डीएससीपी की हो, एप्लीकेशन सर्वर की हो, राइट मैनेजमेंट की हो, या लाइट वेट हो, या फेडरेशन हो, ये सारी यहां तक आपको मिल रही है। इसके बाद फाइल सर्विसेज जिसे हम IIS भी कहते हैं, उन सर्विसेज में आपको यहाँ पे जो आपका एसेंशियल है वो वहां पे आपको देखने को नहीं मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हाइपरवाइजर आपको देखने को नहीं मिलता। हाइपरवाइजर के अलावा यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज देखने को नहीं मिलती, जिसे RDC कहते हैं, जिसकी मदद से आप रिमोट पे जो सिस्टम्स होते हैं उन्हें लेते हैं। और इसी के साथ साथ और भी हैं कुछ चीजें, जैसे विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज इसमें वर्क नहीं करती, तो और भी हैं, ये तो छोटी थोड़ी बहुत दिखा रखी है मैंने, और भी हैं बहुत सारी हैं जो कि एसेंशियल पे वर्क नहीं करती है। तो मेक श्योर आप डेटा सेंटर या स्टैंडर्ड का ही एडिशन अपने सर्वर के लिए चूज करें। इसके बाद यहाँ पे अपग्रेडेशन जान लेते हैं। अपग्रेडेशन क्या होता है गाइस? अपग्रेडेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करना। अब जस्ट लाइक आप 2013 का जब टाइम था, तब आप 2012 का R2 वाला सर्वर यूज कर रहे थे, ठीक है? तो यार यहाँ पे समय के साथ साथ आपको अपनी जरूरतों को भी बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे आप 2020 चल रहा है कोरोना काल, तो कोरोना काल में यहाँ पे आपको 2012 यहाँ नहीं यूज करना है, बिकॉज वैसे ही समय बहुत बुरा चल रहा है, और आप 2012 यूज करोगे तो काफी पुराना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, काफी सिक्योरिटी कंसर्न्स देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको लैग देखने को मिल सकता है।
इसलिए आप यहाँ पे 2019 पे मूव ऑन हो, बिकॉज ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे अच्छे फीचर्स के साथ अभी ये करंटली मैक्सिममली आपके लिए अवेलेबल है, और यहाँ पे आपका इसका ऑफिशियल सपोर्ट अवेलेबल है, तो कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पैचेस अपडेट सब इसमें आते रहते हैं। तो यहाँ भी आप 2019 को अडॉप्ट करेंगे, तो यही प्रोसेस है जैसे आप 2012 में इसे यूज कर रहे थे, तो 8 साल बाद भी आप उसे यूज करो, दैट्स नॉट गुड, सो यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। तो आप 2019 पे यहाँ पे मूव ऑन होंगे, तो यही प्रोसेस आपका अपग्रेडेशन कहलाएगा कि आप 2012 से 19 की तरफ मूव ऑन हुए हो, अपग्रेड किया है आपने अपने आप को। तो यही है आपका अपग्रेड की मीनिंग कि आप एक पुराने वर्जन से एक नए वर्जन पे माइग्रेट मतलब अपग्रेड हो रहे हो, तो वही अपग्रेडेशन कहलाता है। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, अपग्रेड फ्रॉम वर्जन 2012 स्टैंडर्ड से 2016 स्टैंडर्ड या डाटा सेंटर किसी में भी आप कर सकते हो, तो ये भी आपका एक अपग्रेडेशन हो चुका है, और ये वर्जन आपका अपग्रेडेशन में अवेलेबल है 2012 के लिए। 2012 में डाटा सेंटर का डाटा सेंटर है, 2012 R2 स्टैंडर्ड के लिए भी स्टैंडर्ड है, और डाटा सेंटर के लिए भी डाटा सेंटर है, तो अपग्रेड करना वही है। तो एक छोटा सा सिनेरियो ले लूं, विंडोज 7 जब चलाते थे आप 2008-09 के टाइम पे, और आप तो आप विंडोज 10 ही चला रहे होगे, तो आपने विंडोज 7 से कहां पे अपग्रेड कर लिया, विंडोज 10 में। तो ये अपग्रेडेशन है, समय के साथ अपने जरूरतों को भी आपने बदल लिया, तो यही जरूरत को बदलना ही आपका अपग्रेडेशन कहलाता है। तो माइग्रेशन जान लेते हैं, माइग्रेशन क्या होता है यहाँ पे। तो माइग्रेशन एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी सारी सेटिंग्स को, सारी कॉन्फ़िगरेशंस को आप माइग्रेट कर देते हो, मतलब उन सभी को सेव करके एक फॉर्मेट में MDT की मदद से किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे नए सर्वर पे या फिर नए ऑपरेटिंग मशीन पे आप उसे इनहेरिट कर देते हो या फिर उसमें कॉन्फ़िग करा देते हो। अब जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं कि जैसे आप विंडोज 7 यूज कर रहे थे, तो विंडोज 7 के बाद आपने क्या किया कि आपका जो सिस्टम था आप उसको 3 साल से चला रहे थे, 3 साल से आप विंडोज 7 यूज में रन कर रहे हो, उसमें आपने बहुत सारी सेटिंग्स कर रखी है कि आपका डाटा कहाँ सेव होगा डाउनलोड होके, और आप क्या क्या मतलब जो भी चीजें होती है कि आप एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है और एक आप खुद से सेट कर लेते हो। जस्ट लाइक मैंने डाउनलोड पे कर रखा है कि जब भी मैं कोई डाउनलोड करूंगा तो वो मेरी डी ड्राइव के इस फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, सेटिंग्स होती हैं, और प्रोग्रेसेस होती है। जैसे लाइक गेम्स खेलते थे आप, तो उसमें प्रोग्रेस बनती थी ना डॉक्यूमेंट फोल्डर में, जैसे GTA खेल रहे थे तो GTA की एक फाइल बनती थी, तो उसी तरीके की यहाँ पे भी होती है कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन जब आपकी आप लॉन्ग टाइम से एक मशीन पे वर्क कर रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशंस बहुत सारी वहां पे हो जाती है। तो उन कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप नई सिस्टम पे जा रहे हो, आपने एक लैपटॉप ले लिया, विंडोज 7 ही चल रही है उसमें, तो आप क्या करोगे कि इसमें यार फिर तो आपको नया नया सब कुछ देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे माइग्रेशन की मदद से वही सारी सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन अपने इस सिस्टम पे सेव करा देते हो, और यहाँ पे सेम वही वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है कि यहाँ पे अगर डी ड्राइव में आपके डाउनलोड सेव होते थे तो यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर में ना जाके डी ड्राइव में जाएगा। तो इस तरीके की जो चीजों को, कॉन्फ़िग को या फिर सेटिंग्स को आप जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हो या दूसरे सिस्टम पे उसको आप कर देते हो या फिर इंस्टॉल कर देते हो, जो भी आप कहो, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन यहाँ पे 2012 स्टैंडर्ड के लिए 16 स्टैंडर्ड है, डाटा सेंटर 2012 के लिए 16 डाटा सेंटर है, और R2 2012 स्टैंडर्ड के लिए 16 स्टैंडर्ड या डाटा सेंटर है, वहीं डाटा सेंटर के लिए आपका डाटा सेंटर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे अपग्रेड नहीं, माइग्रेट होगा, माइग्रेशन के लिए ऐसे ही प्रोसेस है। आप माइग्रेशन के लिए आप ये जरूरी नहीं है कि आप 2012 से 16 में जा सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर यहाँ पे 2012 स्टैंडर्ड है और आपने एक और मशीन पे स्टैंडर्ड कराया और आप इस मशीन को बंद करके दूसरी मशीन से वर्क करना चाहते हो, तो इससे भी डायरेक्ट 2012 इसमें भी आप यूज कर सकते हो और उसी में आप डायरेक्ट यहाँ से इनहेरिट कर सकते हो। वहीं 2012 से 16 में भी जा सकते हो और 2012 से डेटा सेंटर से आप स्टैंडर्ड में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप किसी भी वर्जन से किसी भी वर्जन पे जा सकते हो, किसी भी एडिशन से किसी भी एडिशन में जा सकते हो। तो माइग्रेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर कर देते हो। इट डजंट मैटर कि आप एडिशन चेंज कर रहे हो या फिर उसी सेम एडिशन पे वर्क कर रहे हो या फिर अपग्रेड कर रहे हो या डाउनग्रेड कर रहे हो, इट डजंट मैटर हियर। ठीक है, तो माइग्रेशन यही प्रोसेस होता है। तो गाइज यहाँ पे अब हम बोनस थोड़ा सा ले लेते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इंस्टॉलेशन, माइग्रेशन और इसी के साथ साथ जो सर्वर होता है उसके जो पेलोड्स होते हैं वो किन फीचरों पे डिपेंड करता है और वो फीचर एडिशन वाइज डिपेंड करते हैं, तो वो सब जान लिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बोनस चीज देना चाहता हूँ कि बोनस में मैं यहाँ पे आपको FSMO रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज ये FSMO रूल्स होता क्या है भाई? तो FSMO रूल्स स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर। तो यहाँ पे आपका जो FSMO है वो फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर नाम से जाना जाता है। अब ये FSMO का ये कॉन्सेप्ट क्या है गाइज? यहाँ पे आपके 5 कॉन्सेप्ट होते हैं FSMO रूल्स कहते हैं जिसे।
अब इसमें वो दो यहाँ पे आपके कैटेगराइजेशन में डिवाइड है, एक है आपका फॉरेस्ट वाइड में और एक है आपका डोमेन वाइड में। अब फॉरेस्ट वाइड में डोमेन वाइड में क्या अंतर है आगे बताऊंगा अगली स्लाइड पे, यहाँ पे अभी पहले ये जानो कि एफएसओमओ पर्टिकुलर क्या भला है। तो एफएसओमओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नीचे भी आप यहाँ पे एक गौर फरमाओगे तो लिखा हुआ है एफएसओमओ गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट योर डोमेन विल बी एबल टू परफॉर्म द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स एंड परमिशन विदाउट इंटरप्शन। तो ये एक तरीके का ऐसा एफएसओमओ रूल, एक तरीके का ऐसा यहाँ पे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। कॉन्फिडेंस मतलब एक ऐसी अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपने डोमेन में अपने आने वाले यूजर्स को, अपने आने वाले क्लाइंट्स को परमिशन दे सकते हो और बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी इंटरप्शन के भाई उसे लॉग इन करना है, ऑथेंटिकेट करना है, भाई तू कर ले, प्राइमरी फंक्शन दे रहा हूं तुझे, प्राइमरी यहाँ पे की दे रहा हूं मैं तुझे, तू कर ले, अगर तेरे पास है ऑथराइजेशन तो तू ऑथेंटिकेट कर ले। इस तरीके के यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्लाइंट्स को यहाँ पे एफएसएमओ रोल का बहुत बड़ा महत्व आता है। तो एफएसएमओ रोल एक तरीके का ऐसा कॉन्फिडेंस है या फिर एक तरीके का ऐसा यहाँ पे अवेलेबिलिटी है जिसकी मदद से आपके क्लाइंट्स जो आपके सर्वर से अटैच्ड है वो एक बार ऑथराइज होकर बार बार ऑथेंटिकेशन में उन्हें कोई भी इंटरप्शन ना आए, इसके लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे आपके देखो मैंने बताया कि ये फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइड में डिवाइड होते हैं। तो फॉरेस्ट में आता है आपका स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर, तो ये आते हैं आपके फॉरेस्ट में, और डोमेन में आते हैं आपके आरआईडी मास्टर, पीडीसी इम्यूलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो इन पांचों का एफएसओ में रोल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो ये है आपका स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, तो ये आपका फॉरेस्ट के अंदर आता है, फॉरेस्ट वाइड कहते हैं जिसे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉरेस्ट वाइड, तो ये दोनों फॉरेस्ट वाइड के अंदर आते हैं जो रेड कलर से मार्क है, और मैं यहाँ पे एक कलर और ले लेता हूं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वाइट। तो ये आपके तीन जो नीचे हैं, एक ये आपका आरआईडी, पीडीसी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, तो ये आते हैं आपके डोमेन वाइड में। तो अब ये डोमेन वाइड और फॉरेस्ट वाइड में मतलब क्या है गाइज, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपका डोमेन होता है, डोमेन वो आपका डीसी के अंदर बनता है। डीसी के बहुत सारे आपकी कॉपीज होती हैं, जैसे एडीसी और जीसीडीसी, सीडीसी, ये सब कॉपीज होती हैं डीसी की। तो यहाँ पे आपको जो डोमेन है वो एक पर्टिकुलर एक डीसी है। अब डीसी की कॉपी बनेगा वो कहेगा एडीसी, एडीसी का सीडीसी, जीसीडीसी, और भी बहुत सारी चीजें बनती है। तो इन सबको पर्टिकुलर अगर इनका कलेक्शन बनाए तो वो कहलाता है आपका फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट में आपके ये पर्टिकुलर जैसे डीसी है तो ये एक ट्री कहलाएगी। तो ये ट्री आपका डोमेन है और ये जो फॉरेस्ट है ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट इनका पूरा का कलेक्शन कहलाता है। तो इतना अंतर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये जो स्कीमा मास्टर है और ये जो आपका डोमेन नेमिंग मास्टर है ये आपके फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, ये फॉरेस्ट पे ही अप्लाई होता है, यानी पूरे के पूरे सिस्टम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और ये जो आरआईडी, पीडीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है ये आपके पर्टिकुलर डीसी यानी डोमेन पे अप्लाई होता है। तो इतना दोनों में बोथ में डिफरेंस है, इतना भी क्लियर आप समझो, इसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे की क्लियरिटी। तो अब यहाँ पे मैं ग्रीन ले लेता हूं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ स्कीमा मास्टर क्या होता है और डोमेन नेमिंग मास्टर क्या होता है। तो गाइस स्कीमा मास्टर क्या होता है, ये आपके फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, यानी फॉरेस्ट पे अप्लाई होता है, यानी पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जितने भी एसी, डीसी, बीसी जो भी बने हुए हैं उन सब पे। तो ये क्या करता है, अपडेट करता है आपके डेटा को। अब जस्ट लाइक यहाँ पे आपने डीसी और यहाँ पे आप मान लो एडीसी आपने बनाया हुआ है, एडीसी के बाद यहाँ पे जीसीडीसी बन गया आपका और यहाँ पे आपका चाइल्ड डोमेन बन गया, ठीक है। तो ये आपके चार यहाँ पे बने हुए हैं और जो भी है इतना बना हुआ है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट लाइक यहाँ पे आप एक और चीज, एक और यहाँ पे ट्री आप जोड़ना चाह रहे हो, जीजीसी डीसी, कुछ कुछ भी एनीथिंग, मतलब ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन वाला वो वाला आप यहाँ पे डीसी जोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे जो इसकी एंट्री होगी उस एंट्री को मैनेज करने का काम फॉरेस्ट के अंदर आपका स्कीमा मास्टर करेगा। आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो या फिर इस वाले को हटा रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो अपग्रेड करना, मतलब अपडेट करना, सॉरी अपग्रेड नहीं, अपडेट, कि कोई एंट्री हो रही है या कोई एंट्री ना हो कि कुछ रिमूव हो रहा है तो उसको अपडेट करना, उसके डेटाबेस को अपडेट करने का काम यहाँ पे आपका स्कीमा मास्टर करता है। तो ये फॉरेस्ट का पूरा चिट्ठा इसके पास होता है, वहीं पे डेटाबेस की तरह एंट्री करता है या फिर कुछ रिमूव हुआ है तो उसकी जो सेल होती है पूरी रिमूव कर देता है अपने डेटाबेस से, एक तरीके का डेटाबेस मैनेजर होता है। तो ये काम होता है स्कीमा मास्टर का। इसके बाद आता है आपका डोमेन नेमिंग मास्टर, ठीक है। डोमेन नेमिंग मास्टर क्या, ये करता है वेरीफाइड डेटा। अब वेरीफाइड डेटा से यहाँ पे मतलब क्या हुआ आपका, इस वेरीफाइड डेटा से यहाँ पे ये मतलब है कि जस्ट लाइक यहाँ पे आपके डेटा में एंट्री हुई, ठीक है। अब यहाँ पे डीसी है आपका, अब डीसी में कोई ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है कि ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है कि जिसमें आपका नेटवर्क है, अब इसका एक एडिशनल आपका यहाँ पे एडीसी बना हुआ है और जीसीडीसी बना हुआ है और आपका और भी बहुत सारी चीजें बनी हुई है एडिशनल के साथ साथ। तो इसमें यहाँ पे वेरिफिकेशन का ये रहेगा कि पर्टिकुलर ये चीज, ये जो क्वेरी आ रही है, ये पर्टिकुलरली इस फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है, या फिर ऐसी फर्जी यहाँ पे क्वेरी आ रही है, तो उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे वेरीफाई करना। जस्ट लाइक एक क्वेरी आ रही है आपकी यहाँ पे 10,000 से पार हो रही है और इसकी लिमिट 10,000 है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर उस दूसरे को मैनेज करने के लिए दूसरा बैकअप सर्वर लगा है कि नहीं लगा है, उसको वेरीफाई करना यहाँ पे डोमेन नेमिंग मास्टर का काम होता है। डोमेन से रिलेटेड सारा काम होता है
कि यहाँ पे पर्टिकुलर ये चीज एग्जिस्ट करती है तभी आगे फॉरवर्ड होगी, नहीं तो यहीं से डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसका काम वेरिफिकेशन का होता है। तो ये डोमेन नेमिंग मास्टर का काम है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका आरआईडी यानी रिलेटिव आईडी। अब ये रिलेटिव आईडी मास्टर क्या होता है गाइस, ये आपकी एसआईडी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन का काम था। अब ये पर्टिकुलर आपका यहाँ पे डिपेंड करता है ये डोमेन पे। अभी तक तो फॉरेस्ट का काम था, अब डोमेन पे करता है। अभी इस डोमेन को आप देखो तो यहाँ पे आपकी एक एसआईडी प्रोवाइड करी जाती है, सिक्योर आइडेंटिफिकेशन कहते हैं जिसे, या सिक्योर आइडेंटिफायर कहते हैं। उसके थ्रू ही आपका ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो उस ऑथेंटिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आपका रिलेटिव आईडी है, वो जो एसआईडी होती है ये रिलेटिव आईडी ही आपको प्रोवाइड करती है। इसके बिना आपका यहाँ पे एसआईडी आपको प्रोवाइड ही नहीं होगी और ऑथेंटिकेट भी नहीं होगी। तो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारा काम, सारा मैनेजमेंट जो एसआईडी होती है उसको जनरेट करना, वो सारा आपका डिपेंडेंसी यहाँ पे आरआईडी के ऊपर होती है। तो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड आपके डोमेन्स कंट्रोलर में सारा काम आरआईडी यानी रिलेटिव आईडी मास्टर ही करता है। इसके बाद आता है पीडीसी इम्यूलेटर। अब ये पीडीसी इम्यूलेटर क्या है, अपडेट करता है आपकी पॉलिसी और सिंक्रोनाइजेशन करता है। अब पीडीसी इम्यूलेटर भी आपका डीसी में ही डिपेंड होता है। अभी इसमें क्या है कि अपडेट पॉलिसीज। अब जस्ट लाइक आपने यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया, अब देखो आपने स्टार्टिंग में देखा था जब हम कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रहे थे वहां पे पासवर्ड में पॉलिसीज लगाने को आ रहा था, जब यूजर कॉन्फ़िगर कर रहे थे। तो उन सभी जो पॉलिसीज होती है उन सभी को पॉलिसीज को मैनेज करने का काम यहाँ पे पीडीसी इम्यूलेटर करता है। पीडीसी की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। तो उन सभी पासवर्ड से रिलेटेड या ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी पर्टिकुलर सर्विस रोल फीचर से रिलेटेड सारी सर्विसेज या पॉलिसीज जो होती है मेन, जिसकी मदद से हम वहां रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उन सभी को अपडेट करने का, मैनेज करने का काम पीडीसी इम्यूलेटर करता है। साथ साथ आपकी सिंक्रोनाइजेशन जो रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन होती है, जो कि आपकी करंट आपकी मशीन की जो वॉच या फिर आप जो मेन सीमोस कहते हैं उसके साथ जो सिंकिंग रखती है, वो भी आपको यहाँ पे पीडीसी इम्यूलेटर की ही मदद से हो पाता है। तो रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्लस अपडेटिंग पॉलिसीज का काम पीडीसी इम्यूलेटर करता है यानी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इम्यूलेटर। इसके बाद पांचवा रोल है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या करता है, सिंक डोमेन डाटा। अब ये डोमेन डाटा को सिंक्रोनाइज करता है। अब यहाँ पे सिंक डोमेन डाटा किस तरीके से होगा, तो गाइस यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जस्ट लाइक आपका डीसी है और एडीसी है। अब डीसी एडीसी में आपका यहाँ पे यह है कि एक जो आपका कंट्रोलर है डीसी है, जो मेन डीसी है उसमें जो आपका यूजर है वो यहाँ पे सर्विसेज ले रहा है आपके मेन डीसी से, जो आपका एक क्लाइंट है वो मेन डीसी से सर्विस ले रहा है। लेकिन अचानक से यहाँ पे डीसी यहाँ पे मतलब बंद पड़ जाता है, डाउन टाइम आ जाता है उसमें, तो उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है ऑटोमेटिकली एडीसी से हो जाए और साथ ही साथ इसका जो डाटा है दोनों के साथ आपस में सिंक रहे, उसका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का। यानी जितने भी आपके यहाँ पे कंट्रोलर्स बने होते हैं या फिर उनके बैकअप सर्वर्स बने होते हैं, उन सब में जो मेन आपका डाटा होता है उसका आपस में सिंक्रोनाइजेशन, ताकि किसी पर भी अगर वहां पे सर्विस देने का काम आ जाए तो सबके पास वहां पे उस डाटा की अवेलेबिलिटी रहे, जिसकी मदद से उस पर्टिकुलर क्लाइंट या यूजर को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करने लगे। तो यही जो आपका डोमेन में आपका जो डाटा होता है उसका आपस में सभी कंट्रोलर्स के सिंक्रोनाइजेशन होना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर पर ही डिपेंड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल में आता है। तो ये थे आपके लास्ट के तीन, वो आपके होते हैं डोमेन वाइड पे, और ऊपर के जो दो थे वो होते हैं आपके फॉरेस्ट वाइड में। और यही मेन पांच आपके इंपॉर्टेंट एफएसएमओ रोल्स होते हैं। तो आई होप यहाँ पे एफएसएमओ का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको क्लियरिटी से मिल गया होगा। तो ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि एफएसओ में क्या होता है, कितने यहाँ पे रोल्स होते हैं, क्या रोल का क्या काम होता है, जो कि मेन आपके यहाँ पे डिपेंड करता है आपके ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पे। तो ऑथेंटिकेशन होता है एक तरीके का जहां पे आपको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने होते हैं, और ऑथराइजेशन होता है जहां पे आपको एपीआई के थ्रू पास आउट होना होता है। तो बहुत दोनों में डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन जो मेन पर्पज होता है यहाँ पे एफएसओ होगा वो इन दोनों से ही रिलेटेड होता है, एंड इन्हीं दोनों में आपका फॉरेस्ट और डोमेन लाई करता है। तो आई होप यहाँ पे आपको एफएसएमओ रोल की थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिल गई होगी। तो एक बार जरूर से इनके बारे में रिपीट से सुने ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी बनी रहे। तो गाइस इंप्लीमेंटिंग स्टोरेज स्पेसेस एंड डाटा डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप डाटा डुप्लीकेशन एक नई टर्म आ चुकी है। डाटा डुप्लीकेशन क्या होता है, एक्चुअल में डाटा क्या होता है, डाटा एक तरीके की ऐसी फॉर्म होती है जो कि अनप्रोसेस होती है, जिसको प्रोसेस करने के बाद उसे एज अ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे गेन करते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा है वो तो पता चल गया क्या होता है, लेकिन जब आफ्टर प्रोसेसिंग वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है तभी वो हमारे लिए काम के लिए होता है। तो काम में हमारे आ गया, जैसे हमारे पास कोई पर्टिकुलर फाइल है तो वो एक तरीके का डाटा है। तो यहाँ पे डाटा डुप्लीकेशन क्या होगा, अब देखो डाटा डुप्लीकेशन से यहाँ पे मतलब है, मैं आपको आगे बताता हूँ डाटा डुप्लीकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब जस्ट लाइक मेरे पास एक फाइल है, अब इस फाइल पे मैंने 15 दिन वर्क करा है, ये वर्ड की फाइल मान लो या डॉक्यूमेंट फाइल मान लो, मैं यहाँ पे डीओसी लिख देता हूँ, तो ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है और इसमें मैंने मेहनत करके 15 दिन में एक पूरा डाटा मैंने इसमें करा है।
15 दिन की मैंने मेहनत लगाई है इसमें, 15 डेज 15 दिन मैंने मेहनत लगाई है, तो इसमें मैंने पूरा एकदम मस्त एकदम काम कर दिया। एंड इसका जो साइज बना है वो अप्रोक्सीमेटली 1 GB के आसपास बना है, ठीक है, 1 GB की मेरी फाइल बनी है, 15 दिन मैंने जी तोड़ मेहनत करके इसे बनाया है। अब मैं ऐसा करना चाहता हूं कि भाई मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखना चाहता हूं कि मतलब कहीं किसी, भगवान ना करे कि करप्ट हो, लेकिन करप्ट हो जाए तो मेरे पास मल्टीपल कॉपी हो उस सिस्टम पे, उस पर्टिकुलर सर्वर पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डाटा डुप्लीकेशन को यहाँ पे इनेबल करूंगा या फिर इसका रोल मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, जिसकी मदद से मैं इस पर्टिकुलर फाइल के मल्टीपल कॉपीज बना दूंगा, मल्टीपल कॉपीज। अब जस्ट लाइक मैं 2 कॉपीज बना दूंगा, 2 into copy, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जैसे ये 1 GB की है, तो मेरी जो अगर हार्ड ड्राइव होगी वो अगर यहाँ पे 25 GB की भी है, तो 25 GB में मेरा यहाँ पे 1 GB तो भरे रहेगा, किस चीज में, मेरा 1 GB तो भरा रहेगा इस पर्टिकुलर फाइल में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉपी बनाऊंगा तो यहाँ पे 24 GB स्पेस ना रहकर कितना रहेगा, यहाँ पे 23 GB हो जाएगा, बिकॉज 2 बार मैं इसे कॉपी करा रहा हूं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो पूरी 2 फाइल्स होंगी इसके अंदर, जो कि 2 GB का स्पेस लेंगी इसके बाद, तो हम डेटा डुप्लीकेशन की मदद से क्या कर लेते हैं, हम डेटा डुप्लीकेशन की मदद से उस 2 GB की फाइल को, मतलब 2 GB की फाइल एक्चुअल में 2 फाइल्स होंगी, बिकॉज हम उसकी 2 कॉपी बना रहे हैं। लेकिन वहां पे हम क्या करेंगे डेटा डुप्लीकेशन की मदद से कि फाइल तो वहां पे आपकी 2 ही रहेंगी, 2 ही फाइल रहेंगी, लेकिन आपका जो साइज होगा वो 23 GB ना होगा, 24 GB रहेगा। यानी एक फाइल के साइज पे 1 फाइल का साइज जो होगा वो हो रहेगा आपका वहां पे, और वहां पे आपकी फाइल 2 रहेंगी। तो ये समझ में आया आपके कि मतलब आप यहाँ पे 2 फाइल बना लो या 10 फाइल बना लो, लेकिन आपका साइज कितना रहेगा, 1 फाइल का साइज रहेगा। आप चाहे उसकी मल्टीपल कॉपी बनाओ, चाहे 2 कॉपी बनाओ, चाहे 10 कॉपी बनाओ, तो यहाँ पे आपका साइज एक ही फाइल का रहेगा। आप मल्टीपल कॉपीज आप बना सकते हैं, मतलब एक करप्ट हो गई, एक में आप काम कर रहे हो गलत हो गया और उसे गलती से आपने सेव कर दिया, तो आपके पास बैकअप में पहली वाली फाइल भी रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे डाटा डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे हमें डाटा डुप्लीकेशन का सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो डुप्लीकेसी की होती है कि आप डुप्लीकेट उसकी कॉपीज बना दोगे उसी पर्टिकुलर सर्वर में या उस पर्टिकुलर सिस्टम पे। एंड इन केस ऑफ फ्यूचर एक्सीडेंटल कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए उस फाइल पे, या फिर आप कुछ काम करने लगे और गलती से आपने सेव कर दिया और बैक में आप जाना चाहते हो, Ctrl+Z वहां काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट वाली फाइल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। और आपको यहाँ पे स्टोर करने पे कोई ज्यादा स्टोरेज की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डाटा डुप्लीकेसी की यही खासियत है कि आपका साइज उस पर्टिकुलर एक फाइल का ही रहेगा, कि इतना ही आपका यहाँ स्पेस घेर रहा है, बाकी यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स कॉपी कर सकते हो, 10 फाइल कॉपी कर सकते हो, 10 GB स्पेस नहीं बनेगा, 1 ही GB रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका डाटा डुप्लीकेशन का। सो अब इसको लेट्स कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट्स कॉन्फ़िगर डाटा डुप्लीकेशन। तो चलो फिर कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सर्वर के अंदर। तो ये रहा हमारा सर्वर, एंड यहां पे आप देख सकते हो, मैं इसको जस्ट थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं और यहां पे अपना माई दिस पीसी खोल लेता हूं। तो दिस पीसी खोलने के लिए हाँ ये आ गया दिस पीसी, ठीक है। तो दिस पीसी में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी डीवीडी ड्राइव लगी हुई है, इजेक्ट कर देते हैं इसे। आप यहाँ पे देख सकते हो 60 GB का स्पेस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे Windows+R प्रेस करता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे Windows+R में आपको डिस्क MGMT सर्च करना है, बिकॉज आप अगर दिस पीसी का आपको आइकन आ रहा है तो आप उसमें मैनेज भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिस्क MGMT.msc ओपन कर लेता हूँ। तो डिस्क MGMT.msc में आपका डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे आपको सी ड्राइव आपको देखने को मिल रही है जो कि 59.46 GB की, जिसमें 42 GB ऑफ स्पेस यहाँ पे आपको एम्प्टी मिल रहा है। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम पे जाके एक नई पार्टीशन यहाँ पे बना लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 या फिर 10 GB का बना लेते हैं। तो 10 GB में आपकी कितनी 10,240 MB होती हैं, तो हम यहाँ पे 10,240 MB का पार्टीशन दे देते हैं, 10,250 का दे देते हैं, ठीक है। जस्ट श्रिंक कराते हैं, श्रिंक कराने के बाद ये अनलोकेटेड हो जाएगी, अनलोकेटेड हो गई। राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ई ड्राइव इसको दे रहे हैं, हाँ ई ड्राइव, ओके नेक्स्ट। NTFS आप यहाँ FAT32 ना दे, REFS दे सकते हैं, देना चाहो दे सकते हो, कोई बात नहीं। NTFS देना चाहो NTFS दे सकते हो, इसका नाम हम दे देते हैं D-Duplication, ठीक है, D-Duplication कर दिया इसका नाम, और जस्ट इसको नेक्स्ट करते हैं एंड फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नई फाइल है, मतलब नई फाइल कह रहा हूँ, नया पार्टीशन है, वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर Windows+E दबाऊं और दिस पीसी पे जाऊं, तो आप देख सकते हो एक नया पार्टीशन 10 GB का अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास ये 10 GB का इसका स्टोरेज साइज है, देखो 10 GB की यहाँ पे पार्टीशन बन चुका है। यहाँ पे मेरे पास सी ड्राइव है, सी ड्राइव पे चलते हैं, फाइल नाम की मैंने यहाँ फाइल बना रखी है, प्रॉपर्टीज दिखा दूं मैं आपको इसकी।
3.23 GB की फाइल है, यानी 3.25 GB की फाइल है। जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसे कट करता हूँ, कट कराए मैंने और जस्ट ई ड्राइव पे जाके पेस्ट करा देता हूँ अपनी। आप ई ड्राइव का नाम देख लो, डी डुप्लीकेशन है और ई ड्राइव है हमारी, ठीक है। तो ई ड्राइव में मैंने जाके इसे पेस्ट करा दिया है और 10 GB का हमारा पार्टीशन था। तो ये हमारी यहाँ पे फुली यहाँ पे कट होके पेस्ट हो चुकी है, मतलब यहाँ से मूव हो चुकी है। यहाँ पे वो स्टोरेज कम हो गया, देखो यहाँ से हट भी गई है, 27 से 31 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे वो 6.73 हो गया। 6.73 है सिंगल फाइल में। वही मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर और बना लेता हूँ आदर्श नाम का, और जस्ट इस फाइल को एक कॉपी करता हूँ। इस बार कट नहीं, कॉपी कर रहा हूँ, जस्ट आदर्श पे जाके भी एक बार पेस्ट करा देता हूँ। तो मल्टीपल कॉपी हो गई, एक वहां पे बाहर भी है और एक अंदर भी है। तो यहाँ डी डुप्लीकेशन में क्या था कि मल्टीपल फाइल्स की कॉपी रहेंगी, बस साइज एक का ही वहां पे कवर लेगा, या फिर वहां पे एक ही का साइज वहां पे आपको शो होगा और एक ही का साइज एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने दो यहाँ पे कॉपीज बना ली है, देखो एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो गई है लगभग लगभग। तो यहाँ पे भी एक फाइल की कॉपी क्रिएट हो चुकी है, और बाहर जाऊंगा तो यहाँ पे भी एक फाइल की कॉपी क्रिएटेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3.49 GB यहाँ पे फ्री है, बाकी आपका यहाँ पे लगभग लगभग कितना यहाँ पे स्टोर हो चुका है, 6.5 GB के समथिंग, जो कि आपके 3.25 यानी 6.5 होता है। तो लगभग लगभग दोनों फाइल का साइज अभी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो लेट्स डुप्लीकेट डी डुप्लीकेट। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे अपना सर्वर मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। सर्वर मैनेजर ओपन कर लेने के बाद क्या करना है मुझे, जस्ट अपने एड रोल्स एंड फीचर्स पे जाना है, और थोड़ा सा अभी रिफ्रेश हो रहा था, तो कोई बात नहीं, हो चुका है। अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, रोल बेस्ड नेक्स्ट। यहाँ पे मेरा जो मेन सिस्टम है आदि पीसी वो आ रहा है, नेक्स्ट। और जस्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, एंड यहाँ पे आपको फाइल एंड आई स्काजी सर्विसेज, एंड जस्ट यहाँ पे आपको डेटा डुप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसे जस्ट आप यहाँ पे टिक कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट कर दें, जस्ट यस करें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपका जो रोल है डाटा डुप्लीकेशन का iSCSI सर्विसेज के अंदर जो आता है, यानी IIS, वो आपका यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फीचर इंस्टॉलेशन हो रहा, फटाफट से होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फीचर है वो इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट यहाँ क्लोज के बटन पे क्लिक करते हैं। तो क्लोज के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, एंड यहाँ पे हमारा जो डुप्लीकेशन है वो हो चुका है। तो जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज आपको लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ पे आपको iSCSI देखने को मिल रहा होगा, iSCSI में आपको यहाँ पे iSCSI से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें आपकी VHD बनती है, VHD स्टोरेज आपका होता है। और ऊपर आपको यहाँ डिस्क देखने को मिलेंगी, डिस्क के ऊपर यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी देखने को मिलेगी। आप वॉल्यूम पे जाओ, वॉल्यूम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डी डुप्लीकेशन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3.50 GB बचा है फ्री स्पेस, आप देख सकते हो, एंड कैपेसिटी इसकी 10 GB। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, डैशबोर्ड में हो आप, यहाँ पे आपको ये फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। आप इसमें जाएं, आपको यहाँ वॉल्यूम्स पे जाना है, वॉल्यूम्स के जाने के बाद इस वाली फाइल पे देखो, अभी 10 GB है कैपेसिटी, और यहाँ पे फ्री स्पेस है आपका 3.50 GB। राइट क्लिक करना है और यहाँ आपको कन्फिगर डाटा डुप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करें, एंड जस्ट यहाँ पे आपको ये जो डाटा डुप्लीकेशन है इसको आपको वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर VDI सर्वर, या फिर जनरल पर्पस फाइल सर्वर, या वर्चुअलाइज्ड बैकअप सर्वर, इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है। हम जनरल पर्पस सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको एक आपको रिपीटेशन लगाना है कि हर 3 दिन के बाद यहाँ डुप्लीकेशन हो, तो वो आप उसकी मैक्सिमम डेज की लिमिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं 0 कर देता हूँ, या फिर 1 करना चाहूँ 1 भी कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को जितना यहाँ पे डुप्लीकेशन सेट करना है कि इतने प्रॉपर दिन के बाद यहाँ पे होता रहे ऑटोमेटिकली, तो वो सेट कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर या फिर पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे टारगेट लेना है, तो जस्ट ऐड के बटन पे क्लिक करें, एंड अपनी ड्राइव पे जाके उस पर्टिकुलर फोल्डर को आप टारगेट में ले सकते हो। तो पर्टिकुलर फोल्डर, हम यहाँ पे पर्टिकुलर फोल्डर की जगह पूरी ड्राइव ले रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करने वाले। शेड्यूल यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि पर्टिकुलर इस दिन यहाँ पे डुप्लीकेशन अपने आप ही परफॉर्म हो जाए। तो हमें तो अभी प्रैक्टिकल अभी करना है ना, हमें तो शेड्यूल नहीं करना, आपको शेड्यूल करना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे शेड्यूल पे जैसा भी चाहिए, जैसे संडे चाहिए, मंडे चाहिए, कितने टाइम चाहिए, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, हमने बस जनरल पर्पस करा है, अप्लाई कर देते हैं और जस्ट ओके की बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा डुप्लीकेशन जो रेट है वो 0% है, तो मतलब यहाँ पे हमारा डुप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना PowerShell खोलता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे PowerShell को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम PowerShell पे इसकी स्टेट गेट करेंगे। तो गेट स्टेट के लिए हम यहाँ पे पहले तो स्टार्ट करेंगे इसको, स्टार्ट डी ड्यूप, डी ड्यूप जैसे ही लिखूंगा, तो एक सेकेंड मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी,
डी ड्यूप के बाद मुझे टैब दबाना है तो ये ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट डी ड्यूप्ले कर दिया है मैंने, डी ड्यूप जॉब यानी डी ड्यूप मतलब डी डुप्लीकेशन की जॉब। और इसके बाद मुझे वॉल्यूम बतानी है और इसका टाइप बताना है। तो जस्ट मैं इसकी वॉल्यूम पहले बता देता हूँ, इसकी वॉल्यूम है ई ड्राइव है, ठीक है ई ड्राइव है हमारी, आपने पहले भी देखा था। और जस्ट इसका टाइप भी डिक्लेयर कर देते हैं, टाइप है इसका क्या टाइप है भाई, ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन जस्ट एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये क्यूट में लगा हुआ है, यानी ये लाइन में लगा हुआ है। क्यूट का मतलब होता है कि अभी ये स्टार्ट नहीं है। तो गाइस इस बार ये स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट अब इसको एक बार गेट कर लेते हैं। तो गेट भी करना होता है, तो एक तरीके की यहाँ पे आपको मल्टीपल कमांड्स चलानी होती है, स्टार्ट गेट, जिससे आपकी यहाँ पे डिडुप्लीकेशन की जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो जस्ट हम यहाँ पे गेट की कमांड चलाते हैं, तो गेट की कमांड में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई, दोबारा से सेट कर देते हैं पहले से। तो अब हमें एक सीरीज ऑफ कमांड चलानी है, तो आपको करना क्या है दोबारा से देखो, स्टार्ट मैं थोड़ा सा इसे जूम इन करा देता हूँ, ये देखो स्टार्ट से लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, स्टार्ट डी डब जॉब। अब इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है वॉल्यूम आप प्रोवाइड कर दो, और वॉल्यूम के बाद जस्ट आपको इसका टाइप प्रोवाइड कर देना है, टाइप है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के बाद जस्ट इसमें आपको एक चीज और आपको सेगमेंट यहाँ पे जोड़ना है, प्रायोरिटी। तो जस्ट मैं इसको प्रायोरिटी भी ऐड कर देता हूँ, तो प्रायोरिटी हमें इसकी हाई रखनी है। एंटर करूंगा तो यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। और अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसका जो स्टेटस है या फिर हम इसकी जो गेट है, गेट करेंगे इसकी जॉब। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसकी जो जॉब है वो गेट करता हूँ। तो अभी देखो ये गेट नहीं हुई बिकॉज मैंने यहाँ पे इसकी वॉल्यूम नहीं दी, तो मैं वॉल्यूम भी दे देता हूँ जैसे हमने ऊपर दी थी। तो जस्ट मैं इसकी जो गेट करूंगा, तो मैं जस्ट गेट करता चला जाऊंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसकी जॉब को गेट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इसकी जॉब को मैं गेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले क्यूट लिखा हुआ आ रहा था, इसके बाद ये 100% प्रोग्रेस हुई और ये कंप्लीटेड हो गया। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको कमांड चलानी है। क्या कमांड चलानी है देखो, स्टार्ट वाली की आपको स्टार्ट करनी है डीडब जॉब। अब यहाँ से देखो आप स्टार्ट डीडब जॉब और वॉल्यूम दे देनी है, टाइप दे देनी है, प्रायोरिटीज की हाई रखनी है। इसके बाद आपको सीरीज ऑफ कमांड चलानी है गेट डीडब जॉब की, ठीक है। मैंने चार बार चलाई और आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटेड हो चुकी है प्रोग्रेस। जस्ट इसे क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे रीस्कैन स्टोरेज या फिर रीस्कैन की जगह आप रिफ्रेश भी कर सकते हो, रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश के बाद यहाँ पे डुप्लीकेशन रेट देखते हैं, तो अभी तो ये पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है बिकॉज ये रिफ्रेश होगा। तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसमें अब रेशियो आप देख सकते हो 87% डी डुप्लीकेट आपका रेट हो चुका है। तो आप देख सकते हो 10 GB ऑफ डाटा, इसमें आपको 9.16 GB ऑफ फ्री स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, और डी डुप्लीकेशन रेट इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 80% है, 87%, ठीक है। और यहाँ पे डी डुप्लीकेशन में आपका यहाँ पे सेविंग हुआ है 5.22 GB। अगर हम जस्ट इसे यहाँ पे मिनिमाइज करके विंडो प्लस ई दबा के अपने दिस पीसी में पहुंचे और यहाँ पे आप देखिए तो 9.16 GB अभी फ्री है और जस्ट 9.99 GB ऑफ योर स्पेस में से। अब जस्ट इसके अंदर जाते हैं तो हमारी यहाँ पे 3.23 GB की फाइल है। अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं तो कुछ भी नहीं है, आपके यहाँ पे विंडोज जो है, विंडोज है आपका लगभग 500 कुछ MB की। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखाऊं, कहाँ से दिखाऊंगा, आई थिंक प्रॉपर्टीज मुझे नहीं पता, इसके लगभग आप देख सकते हो 579 यानी लगभग 570 MB के आसपास की एक फाइल है। तो ये आपकी कितनी फाइल है, 6 फाइल्स है, तो आप समझ सकते हो 570 MB इंटू आप 6 करो तो 3.2 GB की समथिंग बनता है। तो उसी तरीके से इस फाइल का साइज 3.23 GB बना था, यानी एक ही फाइल है और ये सारी इसकी कॉपी है, ठीक है, इसकी कॉपी है, ये सारी एक ही फाइल है, एक दूसरे की कॉपी है, ठीक है। तो एक फाइल यहाँ थी और एक फाइल अंदर थी, तो यहाँ पे टोटल 12 एक फाइल थी 500। अब देखो यार कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता दूं सिंपल कि एक फाइल थी ये 500 MB की, उसी की मैंने कॉपी बनाई, आप देख सकते हो उसी विंडोज की कॉपी है सारी। तो ये 570 MB की और सारी 570 MB की हो गई, तो इनकी एक मैंने बंच बना दिया, एक जिप बना दी जो बन गई 3.23 GB की, और सेम इसी को मैंने कॉपी कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो सेम सिर्फ 570 MB का ही यूनिक है, बाकी 570 के जो बंच है, चंक्स हैं, वो कॉपी है सिर्फ। तो उसका कलेक्शन यहाँ पे भी है और उसका कलेक्शन यहाँ पे भी है। तो अभी तो ये देखो पूरी 3.23 GB के साइज में यहाँ पे भी सेव्ड है और यहाँ पे भी सेव्ड है, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल की करती है, एक ही फाइल में। मैं यहाँ पे आपको कितनी कॉपी बना रहा हूँ, एक सिंगल फाइल की 12 कॉपी बना के दिखा रहा हूँ विद यहाँ पे सिंगल एक फाइल के स्टोरेज के साथ। तो 9.19 में अगर आप 9.16 को माइनस करोगे तो अराउंड आपका लगभग लगभग 700-800 MB के आसपास आएगा, जिसमें आपका लगभग एक फाइल के साइज के अनुसार ही लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे
आपका स्टोर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं नोटपैड में आपको बताऊं या फिर पेंट पे बता देता हूँ मैं आपको, अगर थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं हो रही तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी देनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या था कि मेरे पास एक फाइल है 570 MB की, ठीक है। उस 570 MB की फाइल को मैंने 6 बार कॉपी करा, मतलब 6 बार कॉपी करके पेस्ट करा, तो वो हो गई आपकी 570 × 6 कर लो आप, तो अराउंड 3.2 GB के आसपास आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उस 3.2 GB की मैंने एक फाइल बना दी और उस फाइल की कॉपी बना दी, तो वो लगभग 6.5 GB की हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डीडुप्लीकेशन ये नहीं देखता कि आपकी एक फाइल है तो दूसरी फाइल है और दोनों जिप हैं और उसके अंदर आप उसी डाटा की कई बार कॉपी है, तो डीडुप्लीकेशन ये नहीं करेगा कि आपकी सिर्फ बाहर वाली फाइल पे मैनेज करेगा, वो अंदर की फाइल भी अगर कॉपी हो रही होंगी ना तो उनको भी डीडुप्लीकेट कर देगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा है। तो अगर यहाँ पे जो हमारा जो इन फाइल्स के अंदर जो डाटा है वो यूनिक होता, मतलब ये कॉपी ना होकर पूरा अलग होता एक दूसरे से, तो यहाँ पे आपका आधा स्टोरेज खाली हो जाता, मतलब यहाँ पे आपकी लगभग 3.2 GB के समथिंग मेरे स्टोरेज आ जाता कि 3.2 GB ही भरा हुआ है आपका, लेकिन यहाँ पे अभी 570 MB खाली है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे देखो आपका पूरा फाइल साइज जो अंदर है वो प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे तो 6.46 GB है, और जबकि बाहर पूरा खाली दिखा रहा है, सिर्फ 500-700 MB ही भरा हुआ है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका डाटा डीडुप्लीकेशन का। तो गाइस अब आ जाता है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेटवर्क का लोड बैलेंसिंग, जिसे हम NLB भी कहते हैं। तो NLB से आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा होगा, NLB क्या है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। तो यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड है कुछ और लोड से कुछ रिलेटेड है, और बैलेंसिंग मतलब एक दूसरा का साथ देने से रिलेटेड है। तो अगर आप ऊपर का डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लाइंट्स देखने को मिल रहे होंगे, क्लाइंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा सा मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट्स देखने को मिल रहा है, जैसे ये ए मान लो आप, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और ये आपका एक लोड बैलेंसर है। अब ये लोड बैलेंसर एक तरीके का रोल हो सकता है या सर्विस हो सकती है या फीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आपके मल्टीपल सर्वर्स हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो हिंट मिल रहा होगा कि NLB का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो मैं एक अच्छे प्रॉपर सिनेरियो के साथ आपको NLB का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करता हूं। तो गाइस NLB होता है N से नेटवर्क, तो नेटवर्क होता है जहां पे आपके बहुत सारे यूजर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और लोड मतलब हिट्स, हिट्स मतलब कि वहां पे जो ये नेटवर्क में जो भी क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं वो सर्विस लेना चाहते हैं, और वो हो सकता है एक साथ ही सारे हो और वो एक साथ मिलकर सारे सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिक्वेस्ट वो आपकी होंगी हिट्स, ठीक है, हिट्स के फॉर्म में होगी, और हिट्स होंगी तो वो कहाँ जाएंगी, सर्वर में ही तो जाएंगी, और वो सर्वर में फिर क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। और बैलेंसिंग बी, और बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि जो लोड आ रहा है सर्वर पे वो किस टेक्निक के थ्रू यहाँ पे मैनेज होगा, किस टेक्निक के थ्रू हमारे पर्टिकुलर एक सर्वर पे लोड ना बढ़े तो उसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस एक टेक्निक है यहाँ पे जिसकी मदद से किसी पर्टिकुलर सर्वर को ऐसा ना हो कि उसमें बहुत ज्यादा लोड पड़े और वो क्रैश हो जाए या उसमें डाउन टाइम आ जाए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम यहाँ पे NLB टेक्निक का यूज करते हैं। NLB होता है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका पर्टिकुलर एक सर्वर है जिसकी क्षमता है, कार्यभार की क्षमता है आपकी 5000 हिट्स एक साथ लेने की, इससे ज्यादा आ गई तो भैया ये हमसे माफी मांग के बैठ जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स हैं, जैसे आपके अभी क्लाइंट्स हैं 2000, ठीक है, 2000 क्लाइंट्स है आपके, तो अभी तो यार इनफ है यार, 2000 तो है मेरे पे, तो 5000 की क्षमता है इस सर्वर को लगेगा, तो अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अभी तो ये मैनेज करेगा, कोई भी NLB की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ग्रोथ हो, बाद में इतनी ग्रोथ हो जैसे जियो की हो रही है, कि भैया इसके 2000 से 10000 हो गए, ठीक है, 10000 हो गए, तो 10000 में ये क्या करेगा, ये हाथ जोड़ लेगा सर्वर कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, मेरा कोई साथी ला दो, आधा आधा काम बांट लेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो मैं तो बस जयराम जी की करके जाने वाला हूं। तो ये कह के इसको बिल्कुल हाथ जोड़ के मना कर देगा। तो क्या होगा, 10000 के लिए हम क्या करेंगे, एक और सर्वर यहाँ पे इसका EDC टाइप में लगा देंगे कि भाई तेरा देख यहाँ पे काम बांटने के लिए ये आ गया है, अब दोनों मिलकर काम संभाल लो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 5000 है हिट्स वो ये ले लेगा, 5000 ये ले लेगा। तो ये जो लेने का सिलसिला है वो किस तरीके से यहाँ पे होगा, किस तरीके से इसे कॉन्फ़िगरेशन होगा कि 5000 हिट्स के बाद जो भी हिट्स आ रही हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय होती चली जाए। तो उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे NLB का यूज करेंगे, ठीक है, ये एक तरीके का फीचर है आपका मान लो, ठीक है, फीचर है सर्वर का, जिसमें आपके जैसे मल्टीपल सर्वर्स हैं। तो अब यहाँ पे गूगल का आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो गूगल के आपके क्या पता हजारों सर्वर हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे सर्वर है उनके,
तो वहां पे पर्टिकुलर हिट्स जा रही है, पर्टिकुलर हिट्स जा रही है, तो इट डजंट मैटरी कि आपकी जो हिट है वो एक सिंगल सर्वर पे जा रही है, वो किसी भी रैंडम सर्वर में जा सकती है। तो यहाँ पे जैसे आपके 5 सर्वर लगे हुए हैं, तो 5 सर्वर में आपकी कार्यशैली, एक कार्यशैली जो है पांचों की, आपकी जो क्षमता है इनकी कार्यशैली करने की यानी काम करने की, हिंदी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, तो उनकी है पर्टिकुलर एक की 1000 क्लाइंट्स को एक साथ संभाल सकते हैं, तो यानी पांचों मिलके 5000 क्लाइंट्स को एक साथ संभाल सकते हैं, और रिक्वेस्ट आ रही है 4000 क्लाइंट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4000 को डिवाइड कर लिया जाएगा 5 से, और जो आंसर आएगा पर्टिकुलर एक सर्वर उतने क्लाइंट्स को संभालेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 सर्वर्स को लेते हैं, ठीक है, 2 सर्वर में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पे यूजर आ रहा है तो रैंडमली वो किसी पे भी जा सकता है, जो भी वहां पे सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी मिल जाए उस पे जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे 2 पर्टिकुलर सिस्टम्स को, 2 या 2 से अधिक सर्वर्स को हम एक सर्वर में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस एक सर्वर पे हमारी मेन रिक्वेस्ट आती है, और मेन रिक्वेस्ट वहां तक आई, इसके बाद पर्टिकुलर किसी भी रैंडम सर्वर में जो कि खाली मिल जाएगा उस टाइम पे, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्वर पे भार नहीं रहता है, लोड आपका हर सर्वर पे बराबर बराबर मैनेज होता चला जाता है, जिससे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कहलाता है ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो जाए। तो चलते हैं सर्वर पे। तो आ चुके हैं हम अपने सर्वर पे। अब यहाँ पे हम नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर मशीन विंडोज सर्वर की और होनी चाहिए। तो यार अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं एक फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं फाइल पे जाके न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद आई विल नेक्स्ट और 2016, ओके नेक्स्ट, और 2016 पार्ट 2 बनेगा ये। नेक्स्ट, 60 GB की जगह हम यहाँ पे 30 GB दे देते हैं, यार बहुत कम है, SSD लग रहा रखे तो काफी कम स्पेस है, 2 GB रैम, ओके फिनिश। एंड यहाँ पे हमारा इसका सेटिंग्स पे जाके, ऑप्शंस पे जाके, एडवांस पे जाके बायोस कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, और जस्ट इसको पावर ऑन टू फर्मवेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यार, इसे फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जब तक ये सर्वर हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस ना मिले। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो मशीन है वो कन्फिगर हो चुकी है, मतलब हमारा सर्वर जो नया था हमने वो भी कन्फिगर कर लिया है। तो इसका पासवर्ड भी हम यहाँ पे दे देते हैं, तो बोथ ऑफ द मशीन हैव डिफरेंट पासवर्ड। तो यहाँ पे मेन मशीन हमारी ये रही, 2016 सर्वर 1 और ये 2016 सर्वर 2। तो इसे भी जस्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन में दोनों में पासवर्ड देना है। यहाँ पे हमारा डोमेन ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें डोमेन हमारा क्रिएटेड नहीं है। ये रहा हमारा इसका मेन सर्वर मैनेज, एंड जस्ट ये रही हमारी सर्वर 2 की मशीन। तो यहाँ पे जस्ट हमने कुछ भी नहीं किया, मशीन बनाई है, जस्ट इसके रेजोल्यूशन अच्छे से सेट कर देते हैं, तो फुल स्क्रीन कर देते हैं, एंड इसका डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाके इसकी रेजोल्यूशन हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इसका रेजोल्यूशन हम कर देते हैं यहाँ पे 1920 के आसपास, 1000 TT, कीप चेंजेस, इतना काम कर लिया। और जस्ट यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल लैन कार्ड्स लेने। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे अभी मिनिमाइज कर देता हूँ, जस्ट विंडो प्लस R दबा के यहाँ पे ncpa.cpl लिखूंगा, और जस्ट यहाँ पे अपने अडेप्टर्स को देखूंगा। तो सबसे पहला है adarsh.com वाला अडेप्टर, जस्ट इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, TCP वर्जन 4 पे जाना है, यूज ऑटोमेटिकली IP की जगह इसमें हम मैनुअल IP देंगे। पहली IP होगी 10 से 10.0.0. इसकी यहाँ पे दे देते हैं 1 सबनेट मास्क, और यहाँ पे इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है, अगर देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, ओके कर दो। बिना गेटवे के हम यहाँ पे इसको एक अडेप्टर बना लिया। एक और हमें अडेप्टर लेना है, यहाँ पे 2 अडेप्टर लेने, तो दूसरा अडेप्टर के लिए सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे हमें ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद जस्ट यहाँ पे हमें नेटवर्क अडेप्टर लेना है, तो नेटवर्क अडेप्टर पे फिनिश कर देंगे और जस्ट यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल मशीन है उसमें एक और अडेप्टर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईथरनेट 1 नाम से आ चुका है, इसकी भी प्रॉपर्टीज में जाना है। इसके बाद TCP वर्जन 4 पे, और इसकी भी IP दे देनी है, इसकी थोड़ी सी अलग रेंज पे देनी है। अब जस्ट लाइक मैं इसकी दे देता हूँ 100 की रेंज पे, 100.0.0. और इसकी 1 दे देते हैं, इसका भी सबनेट मास्क दे देते हैं, डिफॉल्ट गेटवे हम इसका भी नहीं देना चाहते, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 अडेप्टर बना लिए, दोनों की IP भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज करेंगे, दूसरे सर्वर पे जाएंगे, तो ये नया नया बिल्कुल नई नवेला यहाँ पे सर्वर बनाए, तो इसके भी हमें एडेप्टिव सेटिंग्स पे जाना है, ncpa.cpl। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो पहला वाला एडेप्टर है इस पे प्रॉपर्टीज पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद टीसीपी वर्जन 4 और जस्ट इसकी आईपी हमें प्रोवाइड कर देनी है 10 वाली, तो उसकी 10.0.0.1 थी, इसकी हम कर देते हैं 10.0.0.2। 2 प्रोवाइड करा, सबनेट सेम रखना है हमें, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे तो दोनों भाई एक नेटवर्क में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके सेटिंग्स पे जाना है आपको, सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पे जाना है, ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क एडेप्टर फिनिश ओके, तो यहाँ पे भी एक नया आपका एडेप्टर बन के रेडी हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो आइडेंटिफाई हो रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, आईपी वर्जन 4 ऑब्टेन, और इसकी आपको रेंज भी दे देना है 100 की रेंज पे, तो 100.0.0.2 और जस्ट सबनेट भी इसका सेम दे देना है, ओके कर देना, ओके कर देना है। तो अब जस्ट इसके अगर हम सर्वर मैनेजर पे जाते हैं, तो सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल सर्वर पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। तो ईथरनेट 0 आपको देखने को मिल रहा है 10.0.0.1 पे, और ईथरनेट जो 0 था वो इस पे देखने को मिल रहा है, ईथरनेट 1 आपका है 100.0.0.1 पे। और इस सिस्टम पे जाते हैं, इस सिस्टम पे इसे मिनिमाइज करते हैं, जस्ट इसका सर्वर मैनेजर ओपन कर लेते हैं, एंड लेट्स सी यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी रेंज पे आईपीज हमारी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, इसके बाद हमें एक बार पिंक करा के भी देखना है। तो इतने प्रोसेसेस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो जस्ट इसके लोकल सर्वर पे चलते हैं। लोकल सर्वर पे चलने के बाद यहाँ पे आपको एनआईसी के पास देखने को मिलेगा कि आपके एडेप्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं कि नहीं, तो यहाँ पे 10.0.0.2 और 100.0.0.2 दोनों देखने को मिल रहे हैं। जस्ट हमें यहाँ पे फायरवॉल ऑफ कर देनी है, फायरवॉल बाकी केसेस में मैंने आपको कई बार बता दिया है, फायरवॉल की जगह हम रूल बनाते हैं ताकि उन चीजों की मदद से कम्युनिकेशन करा पाए हम एक नेटवर्क पे, तो यहाँ पे हम रूल बनाने की बजाय सिवा सिंपल हम यहाँ पे फायरवॉल को ऑफ कर रहे हैं, बाकी केसेस में फायरवॉल ऑफ नहीं होती है, जस्ट रूल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बस बंद कर रहे हैं क्योंकि हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए। तो फायरवॉल ऑफ हो गई है, तो हम है पहले वाले सर्वर मशीन पे जिसमें आईपी 1 है दोनों में, तो जस्ट यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लेते हैं, और जस्ट एक बार यहाँ पे भी आईपी कॉन्फ़िग करके दिखा दूं आपको, तो दोनों एडेप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक है 10.0.1 पे, एक है 100.0.1 पे। सो लेट्स पिंग विद अनदर मशीन, तो 10.0.0.2 वाली से। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पिंग हो पा रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, रिस्पॉन्स हमारा आ पा रहा है। तो इस बार हम करते हैं 100 वाली मशीन से, तो मैंने यहाँ पे आपका आईपी इस बार 100 वाली की दे दी है, जस्ट एंटर करते हैं, तो यहाँ पे उस वाली मशीन से भी हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। वहीं अगर हम इस वाली मशीन का रिस्पॉन्स इसी से देखें, तो इस वाली मशीन का देखो 100 वाले एडेप्टर से इसको मिल रहा है, वहीं 10 वाले का देख लेते हैं एक बार, 10 वाले एडेप्टर से इस मशीन में इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो गाइस उससे भी इसको मिल रहा है। तो मतलब चारों एडेप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं, मतलब दो जो 10 वाले हैं वो एक नेटवर्क में, 100 वाले एक नेटवर्क पे हैं। तो इतना कर लिया आपने, इस वाले सिस्टम से भी अगर आप चेक करना चाहो तो बिल्कुल चेक कर सकते हो, मुझे पता है कि यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो चुके हैं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ इस वाले से। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैनेज पे जाऊंगा, मैनेज पे जाने के बाद ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे जाऊंगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट 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 के बाद जस्ट मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करूंगा, तो यहाँ पे देखो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग हमें देखने को मिल रहा है, जस्ट इस पे टिक कर दूंगा, ऐड फीचर करूंगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा जो फीचर इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे होना शुरू हो चुका है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का टूल इंस्टॉल हो रहा है। तो जस्ट सेम हमें दूसरी मशीन पे भी करना है, हम डैशबोर्ड से भी जा सकते हैं नहीं तो मैनेज से भी जा सकते हैं, ऐड रोल एंड फीचर करना है हमें, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, जस्ट एक बार और नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको नेटवर्क लोड बैलेंसिंग को सिलेक्ट कर लेना है, ऐड फीचर करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करा देना है। फर्स्ट मशीन पे हमारा लगभग लगभग होने वाला है, सेकंड मशीन में हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग टूल का जो हमारा यहाँ पे जो इसका फीचर है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो इसे यहाँ से भी होने देते हैं फटाफट से, एंड यहाँ से भी ये लगभग हो रहा है, तो फटाफट से इसे दोनों ही मशीन में होने देते हैं। तो इस वाली मशीन पे हो चुका है, तो इसे जस्ट यहाँ से क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद इस वाली मशीन पे हो रहा है, तो हमारे दोनों के फीचर्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं, इस वाले का भी फीचर हो चुका है, इस वाले का भी फीचर हो चुका है। तो अब आपको एक बार ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे दोबारा से जाना है, और इस बार नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, दोबारा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको वेब सर्वर ये IIS देखने को मिल रहा है, इसे भी जस्ट यहाँ पे ऐड फीचर करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके, 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 और जस्ट इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल ये यहाँ पे हो रहा है, इस साइड भी यही सेम करना है, तो फटाफट से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और जस्ट वेब सर्वर IIS ऐड फीचर,
और जस्ट नेक्स्ट और जस्ट नेक्स्ट और जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। तो फटाफट से इन दोनों को इंस्टॉल होने देते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला रोल भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट इससे क्लोज करते हैं, सेकंड मशीन पे क्या हाल है यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपका देखो एक रोल और IIS का इंस्टॉल हो चुका है। तो ये हमारी इंटरनेट सर्विसेज होती है जिसे हम वेब सर्विसेज भी कहते हैं। तो विंडो प्लस आर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली डालूंगा HTTP और कॉलन और दो फॉरवर्ड स्लैश और जस्ट यहाँ पे मुझे अपनी IP डालनी है। तो मैं अगर यहाँ पे अपनी IP देखूं लोकल सर्वर पे जाके तो मेरी 10 वाली है 10.0.0.1 और 100.0.0.1। तो जस्ट मैं यहाँ पे 10 वाले के आगे फिल आउट कर देता हूँ 10.0.0.1 और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IIS की मेरे पास विंडोज की सर्वर की सर्विसेज आ रही हैं। तो मतलब यहाँ पे अभी कोई मेरे को पर्टिकुलर टारगेट करना चाहता है मेरे सर्वर को तो मेरी इस IP के थ्रू मेरे पर टारगेट आएगा, मतलब मेरे जो क्लाइंट से इस IP के थ्रू मेरे से सर्विस अभी लेंगे। अगर मैं यहाँ पे HTTP की 100 वाली डाल दूं सिंपली HTTP:// 100.0.0.1 तो यहाँ पे भी आपकी वही डायरेक्ट IIS की विंडोज सर्वर की सेटिंग्स या फिर जो भी है ऑप्शन है आपके खुल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इन दोनों IP के थ्रू मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो मेरे इसी सर्वर पे आएगी। अगर मेरे इस सर्वर से कोई क्लाइंट मेरे से रिक्वेस्ट लेना चाहता है या फिर मेरे से सर्विसेज लेना चाहता है तो इन IPs के थ्रू मेरे को टारगेट करेगा। वहीं इस वाले सिस्टम पे देखो ये भी हो चुका है। तो इस वाले सिस्टम की है हमारी क्या IP है, इसकी 2 है, 2 की रेंज की है। तो यहाँ पे अगर हम विंडो प्लस आर प्रेस करके सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोहराएंगे तो यहाँ पे भी हमें अब इस पर्टिकुलर इस सर्वर को टारगेट करने के लिए 10.0.0.2 वाली IP हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 2 वाली IP प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे भी IIS वेब सर्वर की ये देखो सर्विसेज ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पर्टिकुलर अगर इन्हीं सर्वर्स में हमें रिक्वेस्ट जनरेट करानी है या फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करानी है तो हमें पर्टिकुलर इन IPs के थ्रू इस सर्वर को यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों रोल्स हो गए, IIS के हो गए, IIS का रोल हमें इंस्टॉल करना था और एक यहाँ पे हमें फीचर नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का इंस्टॉल करना था। अब जस्ट हमें क्या करना है, टूल्स पे जाना है, मेन सर्वर के टूल्स पे जाना है, मेन सर्वर जो है हमारा। एंड जस्ट यहाँ पे आपको नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर, जस्ट इस पे जाना है। यहाँ पे आपको नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्लस्टर्स देखने को मिलने, क्लस्टर्स का मतलब होता है मल्टीपल या फिर एक ग्रुप ऑफ डोमेन्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल ये जो हमारे सर्वर्स हैं उनका एक क्लस्टर बनाएंगे, यानी जितने भी सर्वर्स हैं उन्हें सिंगल पर्टिकुलर लॉजिकली एक सर्वर में क्रिएट कर देंगे। तो क्लस्टर में यही होगा, मल्टीपल सर्वर होंगे रियल में लेकिन उसे लॉजिकली एक ही सर्वर देखा जाएगा। तो अभी देखो इस वाले सर्वर का IP है 10.0.0.1 और पर्टिकुलर इस वाले सर्वर का 10.0.0.2। तो मैं क्या करूंगा, एक नया क्लस्टर बनाऊंगा यहाँ पे अभी 10.0.0.1 वाला। तो जस्ट मैं 10.0.0.1 दूंगा, कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ईथरनेट 0 का एडाप्टर आ रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और IP एड्रेस आ रहा है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, जस्ट यहाँ पे ऐड करूंगा एक नया, यहाँ पे मैं IP एड्रेस दूंगा जिस नाम से मैं यहाँ पे सर्वर क्रिएट करना चाहता हूँ लॉजिकल वाला। तो इसका मैं दे देता हूँ 10.0.0.0.5, ठीक है, सबनेट ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ओके कर देंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इंटरनेट का नेम भी दे सकते हैं चाहे तो दे सकते हैं, ऑपरेशन मोड मल्टीकास्ट, IGMP मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, जैसा भी देना चाहो, यूनिकास्ट इज बेटर, नेक्स्ट। और जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो आपका क्लस्टर रेडी है, आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल और यहाँ पे एंड आपको देखने को मिल रहा है, फिनिश कर दो आप तो यहाँ पे आपका क्लस्टर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे 10.0.0.5 आपकी IP आपको देखने को मिल रही होगी। तो अब मुझे क्या करना है, दोबारा से इस 10.0.0.5 के क्लस्टर पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड होस्ट क्लस्टर करना है एंड इस बार हमें पर्टिकुलर दूसरे सिस्टम को टारगेट करना है। तो 10.0.0.1 तो इसकी थी, सॉरी 2, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, कनेक्ट जैसे ही यहाँ क्लिक करूंगा वैसे ही यहाँ पे हमें एक पॉपअप आएगा क्रेडेंशियल्स फिल करने का, ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे पॉपअप आएगा। सो इट मे टेक सम टाइम बिकॉज ये कॉन्टेक्ट करेगा दूसरी मशीन से जो कि हमारी इस साइड बनी हुई है सर्वर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनेबल टू कनेक्ट आ रहा है और यहाँ पे पॉपअप भी आ गया ऑथेंटिकेशन का। जस्ट हमें यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देना है उस पर्टिकुलर दूसरे वाले सर्वर का बिकॉज यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें भी, एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे उसका पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दिया, ओके की बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ चुका है देखो 10.0.2, तो पर्टिकुलर हम 0 वाली इथरनेट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, हाँ जी यही है नेक्स्ट, हाँ जी यही है फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वाला कन्वर्ज्ड हो चुका है और यहाँ पे दूसरा वाला पेंडिंग पे है। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, 1 से 2 मिनट, तो दोनों यहाँ पे कन्वर्ज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने किया क्या है मैं आपको बता दूं जब तक ये पेंडिंग है।
कि हमने यहाँ पे किया है कि हमने एक क्लस्टर बनाया है एनएलबी का, जिसकी आईपी हमने दी है 10.0.0.5, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया है, एक इस सर्वर की आईडी ली है जिसकी जो आईपी है हमारी 10.0.0.1, और एक और सर्वर है जो हमने इंस्टॉल किया था उसकी आईपी ली है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे दो सर्वर को हमने लिया है और दोनों की क्षमता है हजार हजार क्लाइंट को एक साथ सहने की। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों हमारे फिजिकली तो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने लॉजिकली उसको 10.0.0.5 के अंदर ले आए हैं। यानी अब ये हमारा सर्वर माना जाएगा 10.0.0.5, और ये इसी के अंदर के दो फिजिकल सर्वर हैं, लेकिन लॉजिकली यहाँ पे एक माना जाएगा। और यहाँ पे अब ये कितने क्लाइंट्स को ले सकता है एक साथ, 2000 क्लाइंट्स को ले सकता है। तो यहाँ पे आपके जितने भी क्लाइंट आएंगे उतने ही हमें यहाँ पे सर्वर बढ़ाते हुए चले जाएंगे, और जितने भी ग्रोथ है तो इसी तरीके से वो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे मेन जो सर्वर है, कॉन्टेक्ट करना होता है जब यूजर्स को, क्लाइंट्स को, तो वहां पे ऐसा थोड़ी ना होता है कि 10,000 यूजर जो पर्टिकुलर ये हैं वो सिर्फ इस सर्वर में कॉन्टेक्ट करेंगे और ये 10,000 इस सर्वर में। ऐसा थोड़ी ना है कि आप गूगल पे सर्च करते हो तो वहां पे गूगल बताता है कि भाई 10,000 लोग इस वाले सर्वर पे आओगे मेरे गूगल के और 10,000 इस लोगों में। ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर आईपी होती है उसके सर्वर की, और उसी सर्वर में आपके सारे फिजिकल सर्वर लगे होते हैं। इसी तरीके से लिस्टेड होते हैं सारे फिजिकल सर्वर, और मेन उसकी जो एक मेन जो सर्वर लॉजिकली बनता है उसकी आईपी कुछ इस तरीके से होती है, एनएलबी वाली, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अभी हमने 10.0.1 और 2 की मदद से हमने आईएएस की सर्विस ओपन करके दिखाई थी। अब यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करूंगा, और इस बार मैं यहाँ पे http://10.0.0.5 एंटर करता हूं। तो गाइस इस बार आप देखो 10.0.0.5 से ओपन हो चुका है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग होती है। मल्टीपल जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी सर्वर्स होते हैं, उनको एक क्लस्टर के अंदर ले आते हैं, यानी मल्टीपल सर्वर्स का कलेक्शन एक क्लस्टर कहलाता है, और वो क्लस्टर एक लॉजिकल सर्वर बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स आते हैं, जिसकी मदद से पर्टिकुलर जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी क्वेरी आ रही है, उसमें जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली सिंक होते हैं। तो किसी भी सर्वर में चली जाती है रिक्वेस्ट, जिसमें एक सर्वर पर कभी भी ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, और जो आपका काम है वो बटा रहता है, और काफी यहाँ पे इजीली आपको रिस्पांस मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट होता है आपके नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनएलबी कहते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट इमेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिप्लॉयमेंट इमेजेस क्या हैं, उन्हें कैसे यहाँ पे क्रिएट करा जाता है, साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट इमेजेस का हमें क्या एडवांटेज है या क्या बेनिफिट होता है। तो डिप्लॉयमेंट इमेजेस यानी आईएसओ जो इमेजेस होती है उन्हीं से रिलेटेड होती है। तो क्या होती है बताता हूँ। तो इस जो आपकी इमेज फाइल होती है, या जो कि आपकी आईएसओ फॉर्मेट में फाइल्स होती हैं, जिसे हम या तो आईएसओ इमेज फाइल कहते हैं, या फिर हम एक तरीके की बूटेबल फाइल कहते हैं उसे। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके की फॉर्म होती है उन फाइल्स की, उन पैकेज की, जो कि आपको पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे इंस्टॉल करने होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की ही आपकी सिर्फ और सिर्फ इमेज फाइल बनती है, वो आपके किसी भी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर पर्टिकुलर आपके किसी भी पैकेज, यानी सॉफ्टवेयर के पैकेज या गेम्स के पैकेज, सबकी हम आईएसओ फाइल बनाते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे हम जाके उसे इंस्टॉल कर सकें। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज फाइल होती है ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम सर्वर में जो भी काम करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सबसे ज़्यादा आईएसओ का जो इमेजेस होती हैं वो किसकी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, या तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे हमारी विंडोज 7 हो गई, 10 हो गई, तो इन सब की यहाँ पे यूज करते हैं, या फिर सर्वर की खुद की इमेज आईएसओ फाइल करते हैं। मतलब जहां पे भी हमें इंस्टॉलेशन करना होता है, जैसे हमारा एक सर्वर है, अब सर्वर में एडमिन बैठा है, ठीक है, और एडमिन के अंडर आपके 15 क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 15 क्लाइंट्स हैं, तो किसी सिस्टम की आपकी विंडो उड़ जाती है या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो एडमिन थोड़ी ना वहां पे जाएगा यार कि मैं तेरे में आके इंस्टॉल करूं तेरे सिस्टम पे, ऐसा नहीं होता है। वो डायरेक्ट अपने सिस्टम से ही यहाँ पे उस सिस्टम को टारगेट करके इंस्टॉल कर देगा। तो वहां पे आपका जो एडमिन होगा वो क्या करेगा, एक आईएसओ जो आपकी इमेज होगी उसे डिप्लॉय करेगा इस सिस्टम, टारगेट सिस्टम पे, कि जाके वहां पे इंस्टॉल हो जाए। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ का, जो डिप्लॉयमेंट जो सर्विसेज होती हैं उनकी मदद से हम यहाँ पे अपनी इमेज फाइल्स को इंस्टॉल करते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है तो उसे इंस्टॉल करते हैं किसी पर्टिकुलर टारगेट सिस्टम को, जो कि हमारा क्लाइंट है या यूजर है और हम एडमिन है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज ये होती हैं। तो यहाँ पे आप उन डिप्लॉयमेंट इमेजेस को क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट का मेथड मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट दूंगा किस तरीके से, कौन से टूल से आपको करना होता है, वो मैं प्रैक्टिकल तब करूंगा जब प्लेलिस्ट लाऊंगा, क्योंकि अब ऑलरेडी वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है एंड काफी ज्यादा बोरिंग भी हो सकता है, बिकॉज सर्वर में थोड़ा सा यार यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करने का मेथड बता दूंगा, और वहीं मैं आपको डिप्लॉयमेंट कैसे इंस्टॉल करते हैं नेटवर्क बूट पे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिसे कहते हैं PXE बूट,
जो कि नेटवर्क बूट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विंडोज 7 की एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हम विंडोज 7 से install.vim और आपके boot.vim फाइल्स को हम बूट कराएंगे नेटवर्क में। तो हम क्या करेंगे, अपने सर्वर में डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का टूल और डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे एंड उससे हम एक टारगेट पीसी पे नेटवर्क के थ्रू विंडोज के इंस्टॉलेशन परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सर्विसेज और डिप्लॉयमेंट आपकी इमेजेस किस तरीके से होंगी वो अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका अपने सर्वर पे, तो ये मेरा सर्वर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे जाऊंगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो भी रूल्स हैं वो सब आ जाएंगे और जस्ट जैसे ही आपके पास रूल्स आए तो जस्ट आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट सर्विसेज देखने को मिलेगा, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। जस्ट उसको टिक करके ऐड फीचर पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें और जस्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ रिस्टार्ट पे आप लगाना चाहो रिस्टार्ट पे आप लगा सकते हो इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपका जो रोल है डिप्लॉयमेंट सर्वर का, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का, वो आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट से इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो रोल है वो इंस्टॉल हो चुका है डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का, जस्ट इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज के डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का, इस पे चले जाना है और जस्ट यहाँ पे आप देखोगे आपके पास सर्वर आपको देखने को मिलेगा आदि पीसी डॉट ए आदर्श, जो भी मेरा डोमेन है उस हिसाब से मेरे को मेरा सर्वर नेम देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब इस वाले नेटिव सर्वर पे हमें इसको डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को इंस्टॉल करना है। तो गाइस यहाँ पे हम इस सर्विसेज को अभी ना इंस्टॉल करके हम थोड़ा सा इसमें वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से डिप्लॉयमेंट इमेजेस को इंस्टॉल करना मैं बताऊंगा इस वाले फीचर में। तो अभी आप इतना समझ लीजिए विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज हमारी एक्टिव हो चुकी हैं। तो अभी के लिए इसे क्लोज कर देते हैं और इसे मिनिमाइज करते हैं और अपने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ टूल्स डाउनलोड करने हैं, जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक टूल डाउनलोड करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे ब्रिज कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना जो नेटवर्क एडाप्टर है उसे मैं यहाँ पे डीएससीपी से आईपी दे देता हूँ ताकि मेरा जो नेटवर्क है वो कनेक्ट हो जाए और मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो जाऊं। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका हूँ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो टूल्स डाउनलोड करने में सबसे पहला डाउनलोड करूंगा विंडोज का एडीके। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे विंडोज एडीके लिख के सर्च करूंगा तो विंडोज एडीके टूल मेरे को सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली लिंक आएगी, आप सिंपली इस लिंक पे चले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन होगी और जस्ट पहली लिंक से आप यहाँ पे विंडोज का एडीके टूल आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो जस्ट अगर आप सर्वर पे हैं तो इसे ऐड कर लें ताकि ये आपके डाउनलोड की परमिशन प्रोवाइड कर दे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो विंडोज एडीके के साथ साथ हमें यहाँ पे डिप्लॉयमेंट टूल भी चाहिए जिसे हम कहते हैं एमडीटी टूल। ठीक है, एमडीटी टूल मेरे को यहाँ डाउनलोड करना है। तो एमडीटी जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाके मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ इसे भी और ये वाला मैं ये वाला ऊपर वाला करूंगा 64 बिट, तो इसे भी सेव करा लेते हैं। तो ये देखो व्यू डाउनलोड्स करता हूं तो यहाँ पे मेरा एडीके सेटअप डाउनलोड हो चुका है और ये यहाँ पे मेरा डिप्लॉयमेंट टूल डाउनलोड हो रहा है। तो जस्ट इसे क्लोज करेंगे तो सबसे पहले हम एडीके का सेटअप है। ठीक है, तो एडीके का सेटअप इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का डिप्लॉयमेंट टूल इंस्टॉल करेंगे। इसे अभी यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ पे अपने दिस पीसी में चलते हैं, डाउनलोड्स पे चलते हैं। तो डाउनलोड्स पे हम यहाँ पे जैसे ही आएंगे विनरार डिलीट कर देते हैं तो एडीके सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले एडीके के सेटअप को ओपन करूंगा और सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। तो मैं फटाफट से इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। तो मेरा एडीके का सेटअप ये रहा। मेरे को सबसे पहले यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है, डाउनलोड द विंडोज असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट किट, नेक्स्ट करना है। लोकेशन देख लेनी है मुझे, नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद इसे नो कर देना है आपको, विंडोज किट्स प्राइवेसी को नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लें और यहाँ पे आपके फीचर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा फीचर आपका डाउनलोड होगा। तो ये देखो यहाँ पे फोल्डर भी बन चुका है, इसी के अंदर ये पूरा फीचर आपका डाउनलोड होगा। तो फटाफट से इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो गाइस ये देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड, जस्ट इसे क्लोज करना है। विंडोज किट्स के अंदर चले जाना है, विंडोज किट के अंदर 10 फोल्डर, 10 के अंदर एडीके, एडीके के अंदर एडीके सेटअप, इसको जस्ट ओपन करना है। और इस बार ओपन करके हमें ऊपर वाला ये जो है इंस्टॉल द विंडोज असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट किट, इसे जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करके नो करके किट्स प्राइवेसी को और जस्ट एक्सेप्ट करके लाइसेंस और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट टूल और डिजाइनर वाला टूल और यूएसएमटी टूल, इनको इंस्टॉल करना है, बाकियों को अनटिक कर देना है। ठीक है, इतना कर देना, इन चारों को सिलेक्ट करके इंस्टॉल पे बटन पे क्लिक कर देना और ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल होना फीचर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पे करना था। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो वहाँ पे आपकी इमेजेस हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, आप इमेजेस को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, वो कस्टमाइजेशन मैं यहाँ पे आपको एक हिंट देने वाला हूँ इन टूल्स की मदद से।
तो जस्ट मैं इसके बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद मैं अपने इस वाले टूल को, माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट को भी इंस्टॉल करूंगा। तो ये यहाँ पे फीचर हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इसे भी जस्ट हम इंस्टॉलिंग पे लगा देते हैं। तो ये भी हमारा ओपन हो चुका है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, आई एक्सेप्ट लाइसेंस, नेक्स्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, वो भी इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश कर देते हैं। तो दोनों काम हो चुके हैं हमारे। अब मैं जस्ट इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट वर्क बेंच नाम का एक टूल मिलेगा, इस पे जस्ट मेरे को जाना है। और यहाँ पे मैं अपनी इमेजेस को कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो आप देखो, इन्फॉर्मेशन सेंटर आपको देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है, डिप्लॉयमेंट शेयर्स पे जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू डिप्लॉयमेंट शेयर बनाना है और यहाँ पे आपको पाथ दे देना है सी ड्राइव पे। ब्राउज करोगे और यहाँ पे जाओगे आप अपनी सी ड्राइव के अंदर, दिस पीसी सी ड्राइव, तो ये यहाँ पे जाके स्टोर होगा। ओके कर देते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एमडीटी डिप्लॉयमेंट शेयर नाम से यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कोई प्रोडक्ट की आपको देनी है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बिटलॉकर अभी हमें नहीं चाहिए, इमेज शुड बी कैप्चर्ड ये भी नहीं चाहिए, इफ अ कंप्यूटर बैकअप शुड बी परफॉर्म ये भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारी जो प्रोग्रेस है वो हो रही है। तो ये फटाफट से आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ हमारी प्रोग्रेस पूरी हो चुकी है, तो जस्ट इसे हम यहाँ पे अब फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे एमडीटी डिप्लॉयमेंट शेयर हमारा बन चुका है। तो जस्ट इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो अगर हम अपनी कोई पर्टिकुलर इमेज फाइल को ले लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जैसे मैं जाता हूं, अब मेरे पास कोई विंडो 7 की आईएसओ फाइल पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक, इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेरे पास इमेज फाइल है तो इमेज पे जाऊंगा, सोर्स कोड है तो सोर्स फाइल पे जाऊंगा। तो इमेज फाइल है, नेक्स्ट, और यहाँ पे पाथ दे देना है। ब्राउज करूंगा, ब्राउज करने के बाद जहां पे भी मेरे पास इमेज फाइल होगी मैं उसका लोकेशन दे दूंगा। जैसे मेरे पास ये वाली इमेज फाइल है तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, सोर्सेस के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को boot.vim इसकी फाइल देखने को मिल रही है, इसे ओपन करा दूंगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट, और यहाँ पे उसकी जो डायरेक्टरी नेम है नेक्स्ट, और जस्ट इसको भी फिनिश कर दूंगा तो यहाँ पे वो वाली सोर्स फाइल भी आ जाएगी। फिनिश कर देंगे तो यहाँ पे हमारी boot.vim की फाइल आ चुकी है, ठीक है। वहीं कोई इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं कोई एप्लीकेशन जोड़ना चाहता हूँ, जैसे ऑटोमेटिकली जब भी विंडोज हमारी ये वाली इंस्टॉल हो इस इमेज से, तो हमारा कोई एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, विंडोज इंस्टॉल करते हो तो कुछ टूल्स पहले से आपके ऑलरेडी नए, जस्ट लाइक कोई एंटीवायरस, अपने आप कई बार इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो इसी तरीके से डिप्लॉय करी जाती है इमेजेस, और इसी तरीके से उसमें पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशन जोड़े जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एप्लीकेशन कोई जोड़ना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे उसका बंडल जोड़ सकता हूँ, सोर्स फाइल्स जोड़ सकता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पब्लिशर आईडी वाईडी ये सब मेरे को जोड़ के देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एप्लीकेशन भी जोड़ सकता हूँ, और जब मेरा सारा काम हो जाए तो मैं यहाँ पे आपके टास्क सिक्वेंस में जाके न्यू टास्क सिक्वेंस बनाऊंगा, पूरी टास्क सिक्वेंस को मैं फिल आउट कर दूंगा, और फिल आउट करने के बाद जस्ट एमडीटी डिप्लॉयमेंट को अपडेट कर दूंगा तो मेरी जो फाइल्स हैं, जो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, और उसकी जो बूटेबल फाइल्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, एंड इसके बाद जस्ट हम उसे डिप्लॉय करके कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा बनाए हुआ कस्टमाइज हुई आईएसओ फाइल से ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको अभी प्रोसेस बताया, अगर प्रैक्टिकल को करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल अभी नहीं बता रहा हूँ, मैंने ओवरव्यू दे दिया है। मैं आपको प्लेलिस्ट के दौरान इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए इसे क्लोज करते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे सर्वर मैनेजर पे चलते हैं और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इमेजेस जैसे हमने बना लिए हैं, तो उसे हम सर्वर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू किस तरीके से दूसरे सिस्टम पे, क्लाइंट सिस्टम पे बूट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना जो रोल था इंस्टॉल कर लिया था डिप्लॉयमेंट का, जबकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था विंडोज की डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप चलते हैं डिप्लॉयमेंट सर्विसेज पे। तो यहाँ पे मेरे डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का टूल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा सर्वर है, सर्वर में आप देख सकते हैं adipcadarsh.com है। राइट क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर सर्वर करना है, इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी, हाँ भाई नेक्स्ट, और यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर करना है, नेक्स्ट, और जस्ट यहाँ पे आपका टास्क प्रोग्रेस में है और फटाफट से ये आपका प्रोग्रेस फिनिश हो जाएगा, फिनिश कर दो। इसके बाद आपको इंस्टॉल इमेजेस पे जाना है। इंस्टॉल इमेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करना है और जस्ट यहाँ पे इमेज ग्रुप का नाम दे देना है आपको, इमेज ग्रुप 1 इज ओके। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल लोकेशन में यहाँ पे ब्राउज करनी है, इंस्टॉल इमेज पे है ना, हम इंस्टॉल इमेज पे जाएंगे तो यहाँ पे डीडुप्लीकेशन मतलब दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपकी आईएसओ फाइल है, जैसे मेरे पास ये है, अगर आपके पास कोई आईएसओ फाइल है तो राइट क्लिक करके उसको माउंट कर दोगे। माउंट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से उसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस फाइल के अंदर जाओ, सोर्सेस के अंदर जाओ, तो यहाँ पे आपको boot.vim और boot.vim के साथ साथ आपकी दूसरी वाली फाइल भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अभी आपको देखने को नहीं मिली, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, सेटिंग्स पे जाऊंगा, सेटिंग्स पे जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे
इसकी इस वाली फाइल पे जाता हूँ, ब्राउज करता हूँ यहाँ पे, जैसे विंडोज 7 की मेरे पास ISO इमेज है, मैं इसे ओपन करा लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी अब यहाँ पे ओपन हो गई। तो ब्राउज करूंगा, ब्राउज करने के बाद मैं यहाँ पे दिस पीसी में जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखो विंडोज 7 की फाइल आ रही है, इसे ओपन करूंगा। सोर्सेस पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो boot.vim मेरे को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड इमेजेस है, तो इंस्टॉल इमेजेस में हमें install.vim को यूज करना है, तो इसे ओपन करा दूंगा। नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके कौन कौन से एडिशन है, आर्किटेक्चर कौन कौन से। अगर मेरे पास सिंगल है 32 बिट की अल्टीमेट, इसलिए एक दिखा रहा है, आपके में मल्टीपल भी दिखा सकता है जिस हिसाब की आपकी ISO होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे मेरी जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा। तो मेरी जो install.vim वाली फाइल है वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी, तो उसी की मदद से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे देखो हमारी वो वाली इमेज फाइल यहाँ पे ऐड हो रही है, तो फटाफट से इसे होने देते हैं। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है, जस्ट इसे फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑनलाइन आ चुकी है, इसका स्टेटस ऑनलाइन है। अब चलना है बूट इमेजेस पे, राइट क्लिक करना है, ऐड बूट इमेज पे जाना है, ब्राउज करनी है लोकेशन, और इस बार boot.vim को यहाँ पे ओपन करा देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका जो भी नेम है आप देख सकते हो, आप रीनेम भी कर सकते हो। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगी। तो गाइस ये भी ऐड हो चुकी है, जस्ट फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आप ड्राइवर व्राइवर और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हो, तो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज से होगा वो आपका। तो हमें बस इतना करना था, आपका जो काम है लगभग लगभग सारा हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, adipc.adarsh.com है जो आपका डोमेन आ रहा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज के बाद पीएक्सी रिस्पॉन्स पे जाना है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट्स कर देना है। इसके बाद ADDS पे जाना है, ADDS में आपको द फॉलोइंग लोकेशन पे क्लिक करना है, ब्राउज करना है, ब्राउज के बाद यहाँ पे आदर्श और यहाँ पे बिल्ड इन यूजर ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसको जस्ट आपको यूजर्स को सिलेक्ट करके ओके कर देना है, अप्लाई कर देना है। इसके बाद बूट पे जाना है, बूट के बाद यहाँ पे अलाउ ऑलवेज कंटिन्यू टू पीएक्सी बूट, ऑलवेज कंटिन्यू टू पीएक्सी बूट। अगर आप 32 बिट का आर्किटेक्चर देना चाहते हो तो यहाँ पे उस आर्किटेक्चर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 64 का है, 32 का है, तो उन आर्किटेक्चर्स को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमारा कुछ सच नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट हम इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं। ओके कर दिया, अब हमारा जो लगभग लगभग सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ये करूंगा, यहाँ पे फाइल पे जाऊंगा, न्यू वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, और न्यू वर्चुअल मशीन मेरी रहेगी यहाँ पे विंडोज 7 की। तो मैं जस्ट विंडोज 7 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, विंडोज 7 नाम से मशीन बन रही है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, इसका साइज हम 20 GB दे देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 GB, और जस्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, 1 GB रैम है, नेट वेट पे है ये, जस्ट इसे फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है, एडिट वर्चुअल मशीन पे करते हैं, और इसके बाद ऑप्शंस में जाते हैं, और यहाँ पे एडवांस में जाके इसे बायोस में सेट है, तो ये देखना था हमें, सेट है बायोस पे, जस्ट ओके करते हैं और जस्ट इसे यहाँ से रन करा देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ रन करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट, देखो हमारा जो बूट है वो हमने नेटवर्क सेट कर रखा था, नेटवर्क से ही डायरेक्ट बूट लेगा। तो बूट लेने से पहले अगर हम यहाँ पे जाएंगे अपने सर्वर पे, और सर्वर पे जाने के बाद हमें क्या देखना है, ये हमारा जो लोकल सर्वर है वो DHCP से IP ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे हमारी NIC में ये जो IP है वो IP हमने मैनुअल दे रखी है, तो हमें मैनुअल नहीं देनी है। यहाँ पे विंडो प्लस R प्रेस करेंगे और यहाँ पे NCP.CPL में जाएंगे, और जस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली DHCP से IP इसको प्रोवाइड कर देंगे। प्रॉपर्टीज में जाके IP वर्जन तो DHCP से मिल रहा है। ईथरनेट को इसको, इस वाले को ईथरनेट को डिसेबल कर देना, ईथरनेट 1 को। तो जस्ट हमें जो अब IP मिलेगी वो मिलेगी कहाँ से, DHCP के थ्रू। तो अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी नहीं फाउंड हुआ है, एक बार दोबारा से रिस्टार्ट कर लेते हैं इसे। तो गाइज यहाँ पे दोबारा से अभी थोड़ा सा वेट करना है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लोडिंग फाइल्स फ्रॉम 192.168 boot.sdi। अब देखो boot.vim वाली फाइल यहाँ पे आ रही है इस IP के थ्रू, और ये IP है कौन सी, DHCP के थ्रू हमारे सर्वर वाली। ठीक है, तो सर्वर को हमने DHCP इसीलिए किया था कि ऑटोमेटिकली दोनों DHCP के थ्रू एक ही नेटवर्क में आ जाए और ये DHCP से ये फाइल उठा ले। तो ये जो फाइल यहाँ पे लोड हो रही है वो हमारी विंडोज 7 की फाइल लोड हो रही है, विंडोज 7 की ISO फाइल जिसमें हमारी विंडोज इंस्टॉल्ड है। तो इस तरीके से हम बिना उस लोकेशन पे जो सिस्टम है उसमें ना आपकी ISO फाइल ना होकर भी हम नेटवर्क के थ्रू अपने सर्वर से कमांड देके या फिर सर्वर में इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करके हम किसी भी क्लाइंट सिस्टम को जो कि उसी नेटवर्क के अंदर है हम वहां पर नेटवर्क में उसको बूट करा सकते हैं, यानी नेटवर्क बूट के थ्रू विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से करते हैं वो। तो यहाँ पे अभी ये फटाफट से इसे लोड होने देते हैं, देखते हैं कि आगे किस तरीके का हमें यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूरी जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखना अब क्या हमारे सामने खुलेगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, हमने विंडोज 7 की वहां पे जो ISO फाइल है उसे यूज किया था, तो यहाँ पे हमें अब विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे उस विजार्ड को आगे फिल आउट करते 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 अपने विंडोज 7 को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमारा इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो चुका है,
सेटअप इज स्टार्टिंग। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू और आगे तक इसका दिखा दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि यहाँ पे हमारी कोई भी, देखो सेटिंग्स पे जाके दिखा देता हूँ, कोई भी हमने आईएसओ फाइल यहाँ पे नई ब्राउज कर रखी आप देखो, और यहाँ पे हम नेटवर्क के थ्रू अपने सर्वर में जो हमने यहाँ पे बूटेबल डिप्लॉयमेंट इमेज बनाई है उस इमेज के थ्रू हम यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उस मशीन का सर्वर का आपको एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड डालना है, जस्ट ओके के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका जो बूटेबल है आगे मतलब जो भी आएगी विंडो जिसमें इंस्टॉल करने का होगा आप सिंपली यहाँ से जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से हम अपने नेटवर्क में विंडोज इंस्टॉल करते हैं अपने मेन सर्वर से बैठे बैठे किसी भी क्लाइंट मशीन पे। तो आई होप यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि डिप्लॉयमेंट इमेजेस का काम क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट होती हैं। तो क्रिएट करने के लिए एडीके और एमडीटी टूल होता है जिसमें यूएसएमटी हमें इंस्टॉल करना होता है, वहीं डिप्लॉयमेंट बनाने के लिए डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का रोल हमें इंस्टॉल करना होता है। तो ये था आपका डिप्लॉयमेंट टूल का टॉपिक। तो गाइस अब यहाँ पे हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है फेल ओवर क्लस्टरिंग। अभी फेल ओवर क्लस्टरिंग क्या होती है तो गाइस इसे इंप्लीमेंट करके हम सर्वर में देखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे तीन सर्वर की ही मशीन्स चाहिए, तीन सर्वर की मशीन, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं, मैंने कर रखी है ऑलरेडी, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। तो फेल ओवर क्लस्टरिंग का प्रैक्टिकल करने से पहले आपको बता दो फेल ओवर क्लस्टरिंग क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे आप ऊपर डायग्राम भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी अभी करंट में देखो मैं थोड़ा सा सही से करके दिखाता हूँ। तो एक्टिव 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 मतलब ये स्पेयर कहते हैं इसे। तो ये आपके तीन सर्वर हैं जिसमें ए वाले सर्वर में ए बी एप्लीकेशन और बी वाले में सी एप्लीकेशन है और ये आपका शेयर्ड आपका ये मान लो नैस स्टोरेज है, ठीक है। तो ये आपका स्टोरेज है। तो यहाँ पे अगर आपका किसी केस में ये जो स्पेयर सर्वर है एक्चुअल में फेल ओवर क्लस्टरिंग के तौर पर बनाया जाता है जो कि आपके मेन जो दो सर्वर होते हैं उनसे अलग होता है, ये दोनों हमारे एक्टिव होते हैं, ये हमारा एक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे दो एप्लीकेशन स्टोर है, इसमें एक एप्लीकेशन स्टोर है, मतलब यहाँ पे ए बी की सर्विस है, यहाँ पे सी की सर्विस है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती कि हमारे सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो अगर किसी केस में हमारा ये वाला सर्वर डाउन हो गया तो जो हमारा स्पेयर सर्वर है वो इसके फेल हो जाने पर इसकी सर्विस अपने ऊपर ले ले। तो देखो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा ये और जब तक ये एक्टिव रहेगा तब तक इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और दोबारा से इसे रनिंग हालत में बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से एज अ बैकअप यहाँ पे एक स्पेयर सर्वर ऑलरेडी हम बनाते हैं। तो तीन सर्वर की मशीन मैंने यहाँ ऑलरेडी बना रखी है तो इसी तरीके का काम यहाँ पे करके देखेंगे। तो फेल ओवर क्लस्टरिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्लियर कर दूं, इसके बाद चलते हैं अपने सर्वर्स पे। तो फेल ओवर क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्वर की मशीन बनाते हैं, दो मशीन बनाएंगे, तीसरी मशीन बनाएंगे, तीनों मशीन्स को आपस में लिंक कर देंगे। अब यहाँ पे तीनों का नाम दे देंगे, जैसे इसका नोड वन दे दिया नोड वन, इसका दे दिया नोड टू, तो नोड टू इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया नोड थ्री। तो तीन नोड हो गए हमारे और ये तीनों एक तरीके के सर्वर हैं। और यहाँ पे आपका जो इसको लॉजिकली देखा जाएगा वो लॉजिकली एक ही सर्वर देखा जाएगा, ठीक है। तो बैकअप में तीन सर्वर है, तीनों से सर्विस जा रही है, तीनों से मतलब एक स्पेयर में है और दो से सर्विस जा रही है, लेकिन देखा जाएगा लॉजिकली उसे एक सर्वर, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो यहां से करेगा। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी सर्विस कहां पे फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स का जो भी रोल होगा वो यहां तक तो सिंगल लाइन में आएगा, इसके बाद इसके ऊपर डिपेंड करता है, लॉजिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी क्वेरी कहां फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे फेल ओवर क्लस्टरिंग का मतलब क्या है, फेल ओवर और क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग होता है ग्रुप ऑफ, क्लस्टर का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ सर्वर्स, तो ये हमारा क्लस्टर हो गया, ठीक है। और क्लस्टरिंग मतलब इसी से रिलेटेड कोई काम, इसी पूरे ग्रुप में रिलेटेड कोई काम। और फेल ओवर का मतलब, फेल का मतलब कि कोई भैया बेकार हो जाए, कोई सर्विस आउट हो जाए, तो ये हो गया फेल। और ओवर का मतलब उस फेल जो फेल हुआ है आपका, उस चीज से बचने के लिए हम क्लस्टरिंग किस तरीके से करते हैं, तो किस तरीके से हम ग्रुप बनाते हैं जिसमें हमारे जो सर्वर है वो फेल हो जाए तब भी हमारा काम चलता रहे, तो यही मतलब है आपके फेल ओवर क्लस्टरिंग का। तो यहाँ पे हमें तीन सर्वर की जरूरत है, तो तीनों सर्वर अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हो तो तीनों सर्वर को आप पहले कन्फिगर कर लो। और मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, जो हमारा मेन सर्वर रहेगा जिसमें हम फेल ओवर क्लस्टरिंग परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसमें आपको लगभग 60 GB स्पेस चाहिए। इसके बाद बाकी जो दोनों हैं वो आप 30 GB भी क्रिएट कर सकते हो, और मिनिमम यहाँ पे आप 2 GB रैम की पर्टिकुलर हर मशीन को दें ताकि यहाँ पे कोई भी आपको लैग देखने को ना मिले। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट में, देखते हैं किस तरीके से फेल ओवर क्लस्टरिंग को हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो गाइस मैं हूँ अपने सर्वर पे, तो सर्वर में आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे करूंगा, मैं अपने यहाँ पे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को iSCSI देखने को मिलेगा, iSCSI में मैं जाऊंगा। इसके बाद टू इंस्टॉल iSCSI टारगेट सर्वर स्टार्ट, मतलब यहाँ पे एड रोल एंड फीचर विजार्ड पे जाना पड़ेगा। तो फीचर विजार्ड पे आ चुका हूँ, तो मेरा सिस्टम ये रहा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली iSCSI टारगेट सर्वर यहाँ पे अपने आप ही टिक हो चुका है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है,
नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो ये फीचर हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, iSCSI टारगेट सर्वर। तो इसे फटाफट से इंस्टॉल होने देते हैं एंड इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये फीचर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट इसे क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद जैसे ही यहाँ पे हम अपना सर्वर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो अब जस्ट इसके बाद आपको यहाँ पे टू क्रिएट एन iSCSI वर्चुअल डिस्क पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको ऑनलाइन अपना पीसी सर्वर का नेम दिखेगा एंड यहाँ पे आपको 60 GB की आपकी हार्ड ड्राइव दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे अपने दिस पीसी में जाके दिखाऊंगा आपको तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 59.4 GB की हार्ड ड्राइव है एंड जस्ट इसे हम इजेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी 60 GB की हार्ड ड्राइव है। तो जस्ट हमें यहाँ पे इस हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है एंड जस्ट यहाँ पे अपनी वर्चुअल डिस्क का नेम दे देना है। जस्ट लाइक मैं दे देता हूँ इसका VHD डिस्क नेम, ठीक है, VHD डिस्क। तो CHD डिस्क मैंने इसका नेम दे दिया, डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो दे सकते हो नहीं तो नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे आपको साइज देना है जो कि आप एज अ फेल ओवर क्लस्टर का साइज देना चाहते हैं। जैसे मैं 5 GB देना चाहता हूँ तो 5 दे दूंगा, डायनेमिकली यहाँ पे सिलेक्ट रखूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे मेरा टारगेट नेम लिखा हुआ आ रहा है जो कि मेरी आईपी, मतलब आईपी टाइप का मैंने दे रखा है 10.0.0.3 एंड यहाँ पे मेरा जो भी है आईपी एड्रेस ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे ये नोड 1 की डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा जो पूरा iSCSI वर्चुअल डिस्क है वो मेरी यहाँ पे कॉन्फ़िगर होना, यहाँ पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन उसकी दिखाएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ मेरी iSCSI वर्चुअल डिस्क यहाँ पे देखो क्रिएट हो चुकी है, जस्ट इसे क्लोज करना है और आप यहाँ पे देखो मेरी iSCSI वर्चुअल डिस्क 5 GB की बन चुकी है। तो मेरी iSCSI वर्चुअल डिस्क बन चुकी है तो अब मेरे को क्या करना है इसके बाद मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं अपने दोनों सर्वर्स पे जाता हूँ। ये देखो मेरे दोनों नोड वाले सर्वर है, मेन सर्वर मेरा ये रहेगा जहां से मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और जो मेरे दो मेन सर्वर रहेंगे नोड्स वो ये सर्वर 2 और ये सर्वर 3 रहेंगे। तो सर्वर 2 में जाना है, सर्वर 2 में जाने के बाद यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करना है, services.msc यहाँ पे सर्च करना है, services.msc में आपको यहाँ पे iSCSI सर्च करना है। तो यहाँ पे iSCSI इनिशिएटर सर्विस आपको देखने को मिलेगी, जस्ट इसे ओपन करो एंड इसको आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दो, ये आपकी डिसेबल होगी या मैनुअल होगी, आपको ऑटोमेटिक करके ओके कर देना है। सेम ऐसा तीसरी वाली मशीन के साथ भी करना है, आपको यहाँ पे services.msc पे जाना है, services.msc और जस्ट iSCSI इनिशिएटर की माइक्रोसॉफ्ट वाली सर्विस को आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे भी हम सर्विस को इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी सर्विस कहाँ गई, ये रही आपकी iSCSI इनिशिएटर। तो यह मैनुअल है, जस्ट इसे हम ऑटोमेटिक पे करके ओके कर देते हैं। तो दोनों की सर्विसेज बंद करने के बाद अपने मेन सर्वर पर जाना है और यहाँ पे आपकी ये जो यहाँ पे आपको नीचे दिखना होगा iSCSI टारगेट पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद जस्ट आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपने नोड 1 लिख रखा है, नेम आपने 10.0.0.3 लिख रखा है, इनिशिएटर पे जाओ। तो यहाँ पे ये जो दोनों आईपी मैंने गलती से दे दिया था मैं जस्ट उसको हटाता हूँ, ऐड पे जाता हूँ। ऐड पे जाने के बाद जस्ट मेरे को यहाँ पे अपनी मशीन्स को लाना है तो मैं जस्ट यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस पे जाऊंगा, आईपी एड्रेस के बाद दोनों मशीन की आईपी देनी है तो मैं जस्ट यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करूंगा, CMD पे जाऊंगा और यहाँ पे इन दोनों की आईपी देखूंगा। तो जस्ट मैं इसकी आईपी कॉन्फिग करके देखता हूँ इसकी आईपी क्या है, इसकी है 16.132, इसमें भी जाके देख लेता हूँ CMD पे, इस पे डालता हूँ सिर्फ आईपी कॉन्फिग तो इसकी है 138, तो 132 और 138। तो जस्ट मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस को सिलेक्ट किया है, मैंने आईपी एड्रेस को 192.168.106.132, ठीक है, तो इतना करा मैंने, जस्ट ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। एक बार और ऐड करना है, आईपी एड्रेस के थ्रू ऐड करना है। तो वैसे तो मेरे को यहाँ पे देखो सिलेक्शन देखने को मिल रहा है लेकिन मैं यहाँ पे आईपी के थ्रू मैनुअली बता रहा हूँ, 68.106.138, ठीक है, तो इसे भी जस्ट ओके करता हूँ। तो ये दोनों मेरे यहाँ ऐड हो गए, 132 और 138, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे सिक्योरिटी देख लूंगा एक बार, सिक्योरिटी के बाद कनेक्शन देख लूंगा और यहाँ पे जस्ट ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा यहाँ ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। मेरे को सर्वर 2 पे जाना है और सर्वर 2 पे जाने के बाद जस्ट टूल्स पे जाना है और iSCSI इनिशिएटर पे जाना है और जस्ट यहाँ डिस्कवरी पे जैसे ही जाऊंगा मैं और यहाँ पे डिस्कवर पोर्टल पे जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे आईपी देना है अपने इस मशीन का और आईपी कॉन्फिग तो मेरा है 143। तो जस्ट मैं यहाँ पे उस आईपी को प्रोवाइड कर दूंगा, 192.168.106.143 और जस्ट ओके की बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। टारगेट पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली टारगेट में ये देखने को मिल जाएगा, इसे जस्ट कनेक्ट करा के ओके कर दो आप तो ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा। ओके कर दूंगा, तीसरी मशीन में भी सेम यही प्रोसेस करना है, टूल्स पे जाना है, इनिशिएटर iSCSI पे जाना है, डिस्कवरी पे जाना है, डिस्कवर पोर्टल पे और यहाँ पे आईपी प्रोवाइड कर देना है 192.168.106.143।
ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे टारगेट्स पे जाना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये, इसे जस्ट कनेक्ट करा देना है, ओके करा देना है, ओके करा देना है, ठीक है, इतना काम हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों आपके कन्फिगर हो चुके हैं यहाँ पे इतने सर्वर। अब जस्ट मैं अपनी सर्वर टू की मशीन पे क्या करूंगा, विंडो प्लस आर प्रेस करूंगा और यहाँ पे डिस्क mgmt.msc की कमांड चलाऊंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ मेरा डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें 5 GB का स्पेस देखने को मिलेगा इस वाली ड्राइव पे भी, मतलब इस वाले सर्वर पे भी और इस वाले सर्वर पे भी। मैं दोनों पे ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पे सिंपली डिस्क mgmt.msc लिखना है, mgmt.msc और जस्ट एंटर कर देना है। तो यहाँ पे भी हमारा डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे भी हमारा 5 GB का एलोकेटेड स्पेस आएगा। ये कहाँ से आ रहा है, हमारे इस वाले सर्वर की वर्चुअल ड्राइव से आ रहा है जो कि 5 GB की हमने बनाई हुई थी। तो जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्राइव वन को ऑनलाइन कर देना है, ऑनलाइन के बाद जस्ट इसे इनिशियलाइज कर देना है और MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड में करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जस्ट इस पे राइट क्लिक करके न्यू वॉल्यूम करना है, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे ई ड्राइव में आ रही है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे वॉल्यूम का नाम दे सकते हो, मैं दे देता हूँ CHKDSK और जस्ट इसको NTFS में रख के नेक्स्ट कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। सेम इसमें भी करता हूँ, ऑनलाइन कर देता हूँ सबसे पहले, ऑनलाइन के बाद जस्ट इसे इनिशियलाइज करूंगा ऑनलाइन और इसे यहाँ पे भी मेरी ये CHKDSK आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों जगह आपकी आ गई CHKDSK। अब जस्ट मेरे को करना क्या है, तो मेरी जो ड्राइव है अगर मैं विंडो प्लस ई दबाऊंगा तो मैं यहाँ पे अपने दिस पीसी में पहुंच जाऊंगा। तो मेरे को ये ड्राइव यहाँ पे भी देखने को मिल रही है 4.99 GB की और इस वाले सर्वर पे भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ विंडो प्लस ई दबा के और दिस पीसी पे जाके, तो यहाँ पे भी वही देखने को मिल रही है। तो हमने एक जगह से कन्फिगर करा, दोनों जगह हमें ये देखने को मिल रही है। अब देखो अब क्या सीन है, रोल इंस्टॉल। अब रोल कैसे इंस्टॉल करना है, मेरे को जस्ट एड रोल्स एंड फीचर्स में जाना है अपनी दोनों नोड वाली मशीन पे, मेन सर्वर पे नहीं, दोनों नोड वाली मशीन पे। नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे मेरे को अपना एक रोल इंस्टॉल करना है, कौन सा, फेल ओवर क्लस्टरिंग का। तो फीचर है एक तरीके का, वो रोल नहीं है, तो हमें फीचर उसका इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फीचर है, फीचर में हमें फेल ओवर क्लस्टरिंग देखने को मिल रहा है, जस्ट इसको एड फीचर करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल कर लेना है। दूसरी मशीन पे भी ऐसे करना है, एड रोल्स एंड फीचर्स पे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एक बार और नेक्स्ट क्लिक करना है और यहाँ पे हमें फेल ओवर क्लस्टरिंग देखने को मिल रहा है, एड फीचर करना है, इंस्टॉल करा देना है। तो यहाँ पे भी इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे भी इंस्टॉल हो रहा है, तो फटाफट से इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रोल इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट इसे क्लोज करना है। दूसरी मशीन पे भी ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। सो गाइस जैसे ही आपका रोल इंस्टॉल हो जाए तो आप एक बार रीस्टार्ट कर ले एंड इसके बाद जस्ट आप जैसे स्टार्ट हो गए तो टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर देखने को मिल जाएगा, आप इसमें चले जाए। तो फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर के आप अंदर चले जाए तो यहाँ पे आपको एक वैलिडेट कॉन्फिग्रेशन पे जाना है। वैलिडेट कॉन्फिग्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कॉन्फिग्रेशन तैयार करनी है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जस्ट मेरे को यहाँ पे एंटर करना है नेम, तो मैं जस्ट यहाँ पे 192.168.106.132 की IP दूंगा और एड पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो वेरीफाई हो जाएगा और आदि 01 नाम से यूजर था तो आ गया। तो दूसरे वाले सिस्टम की दे देते हैं 192.168.106.138 और इसे भी जस्ट हम यहाँ पे एड करा देते हैं। तो ऐड कराते ही यहाँ पे देखो ये भी वेरीफाई होगा और यहाँ पे दूसरे वाले सिस्टम का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइस अभी यहाँ पे किसी कारणवश वो नहीं हो पा रहा है कनेक्ट, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आदि 01 को लेके ही आगे बढ़ते हैं और आदि 01 के बाद रन ऑल टेस्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे जितने भी हमारी कन्फर्मेशन आप चेक कर सकते हो, वैलिडेशन है ये सारी, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो फेल ओवर क्लस्टरिंग है उसका जो यहाँ पे वैलिडेशन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद जस्ट हमें यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर करना है एंड यहाँ पे हमारा क्लस्टर बनके रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्लस्टर बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट स्टेप तक बता देता हूँ जहाँ पे हमारी जो VHD है वो कन्फिगर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो सारे सक्सेस हो चुके हैं, जस्ट इसे फिनिश कर दें। फिनिश के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट क्लस्टर पे जाना है, क्रिएट क्लस्टर के बाद नेक्स्ट करना है। तो अब आपको यहाँ पे सर्वर नेम देना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे भी 01 वाला को ले लेता हूँ, ऐड करा लेता हूँ और 02 को भी ऐड करा दूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमने इसका कोई राइट नहीं दिया है, तो वो मैं आपको प्लेलिस्ट के दौरान बता दूंगा अच्छी तरीके से ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं बस ओवरव्यू आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने आधी 01 लिया है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, क्लस्टर नेम दे दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लस्टर 1 और जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट नेक्स्ट पे और यहाँ पे हमारी ये जो पूरी विज़ार्ड है क्रिएट क्लस्टर की ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो जस्ट मैं इसे फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद यहाँ हमारा क्लस्टर 1 देखो बन चुका है। तो क्लस्टर 1 की जगह आप अंदर जाओगे, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन रोल मिलेगा, तो यहाँ पे हमें एक रोल इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, वेब सर्वर का लोड, वेब सर्वर नहीं फाइल सर्वर, ठीक है। तो फाइल सर्वर को हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे हम इसका
रोल यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो रोल इंस्टॉल करने के लिए क्या है कि यहाँ पे मैं जस्ट जैसे अभी कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करने के बाद इसे मिनिमाइज करते हैं, एड रोल एंड फीचर पे जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें फाइल सर्वर को सर्च करना है। तो जस्ट आपको फाइल एंड आइसकाजी सर्विस पे यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे आपका फाइल सर्वर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, इंस्टॉल कर लें। तो ये वाला आपका रोल यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप फाइल सर्वर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे पहले इस रोल को इंस्टॉल होने देते हैं एंड इसके बाद यहाँ फाइल सर्वर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये हो चुका है इंस्टॉल, इसे जस्ट क्लोज करना है। अब वापस से जाना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर रोल पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप फाइल सर्वर को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करें और जस्ट फाइल सर्वर टू जनरल यूज करें, नेक्स्ट करें। यहाँ पे नेम दे दें इसका, जैसे मैं दे देता हूँ फाइल SRVR, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ भी हमें कोई भी स्टोरेज देखने को नहीं मिल रहा, तो जस्ट मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे नेविगेट में हमें यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल रहा है, स्टोरेज पे जाना है और यहाँ डिस्क पे जाना है और यहाँ पे एड डिस्क पे जाना है और यहाँ पे हमारी 5 GB की वो देखने को मिल रही है। जस्ट इसको क्लिक करके ओके कर देना है। अब जस्ट वापस से हमें रोल्स पे जाना है, कॉन्फ़िगर रोल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपना फाइल सर्वर सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे दोबारा दे देना है CLUSTERSRVR, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस बार आ जाएगी डिस्क, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे ये दोबारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फिनिश कर देंगे तो यहाँ हमारी क्लस्टर डिस्क हमारी आ जाएगी। तो ये हमारी वही डिस्क है जिसकी मदद से हम क्लस्टरिंग कर पा रहे हैं। मतलब जो भी लोड हमारा सर्वर पे आएगा, जो भी इसमें स्टोर होगा, वो स्टोर हमारा इस वाले सर्वर पे हो रहा है। अब ये सर्वर किसी हालत में किसी भी कारणवश ये क्रैश हो जाता है, डाउन टाइम में आ जाता है, तो यहाँ पे ये सर्वर इसकी जगह वर्क करेगा। इसमें भी आपका ये किसी कारणवश अभी कनेक्ट नहीं हो पाया, बिकॉज शायद मैंने प्राइवेट नेटवर्क नहीं किया इस वजह से, नहीं तो अगर आप फिजिकली करोगे हो जाएगा। तो उस वाले केस में आप यहाँ पे फेल ओवर क्लस्टरिंग में जाओगे तो आपको सेम इसी की तरह देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक कन्फिगर्ड। तो ये अभी यहाँ पे कन्फिगर नहीं हो पाया, मैं जब इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा अच्छी तरीके से आपको कन्फिगर करके बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो हमारी इसी डिस्क पे दोनों सर्वर यहाँ पे वर्क करेंगे। जो भी सर्वर में यहाँ पे इस डिस्क में डाटा स्टोर होगा, दोनों से वो मैनेज होगा और दोनों से उसकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड होंगी। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका काम करता है फेल ओवर क्लस्टरिंग, जो कि मेन लॉजिकल सर्वर है हमारा ये वाला, और ये दोनों फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों का मिलाप, दोनों का कॉम्बिनेशन जो एक लॉजिकल है वो ये वाला सर्वर है जो हमारा मेन डीसी है। तो इस तरीके से आपका फेल ओवर क्लस्टरिंग भी कॉन्फ़िगर किया जाता है। सो आई होप गाइस इस वीडियो में आपको काफी अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा सर्वर का। सर्वर 2016 का कोर्स था, 2019 में हमने किया सारा काम, सारे प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पे हमने 10 मेन टॉपिक्स के बारे में काफी ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन जान लिया है। वैसे सर्वर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इस वीडियो में मैंने शॉर्ट वीडियो रखी है और काफी ज्यादा आपको यहाँ पे देने की कोशिश करी है नॉलेज। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स के अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो कि हमें इस कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, मैं बिल्कुल बहुत जल्दी से जल्दी इस प्लेलिस्ट को लाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक। जैसे ही 500 लाइक इस वीडियो में आ जाती है, वैसे ही मैं यहाँ पे एक इसकी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें सर्वर आपका शुरू से लेकर एंड तक एक एक टॉपिक को ब्रीफ से क्लैरिफाई करेंगे, एक एक वीडियो में अलग अलग तरीके से प्लेलिस्ट बनाएंगे और बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें पूरा पूरा एमसीए से आपको मैं अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दूंगा। तो अगर उस प्लेलिस्ट को आप चाहते हो तो 500 लाइक का टारगेट जरूर से अचीव करना और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना किस तरीके की वीडियो आपको लगी, क्या बेनिफिट्स आपको हुए। तो जरूर से लाइक कर देना, कोई सुझाव हो कमेंट हो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करना, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब किया बिल्कुल मत जाना, और भी बहुत सारे कोर्सेज है एक बार जाके चेकआउट जरूर करना चैनल। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।